You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. When I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. When I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. To love the way. Assalamu alaikum dosto, welcome back to the K2 Gamers. Myself Star Haris aur mere saath आपके चाहने वाले बिल्कुल खेज़ कास्टर हमारे साथ रहने वाले हैं, बहुत ही टैलेंटेड. तो खेज़, टुडे इज़ इट K2 गेमर्स फर्स्ट डे ऑफ द हाइब्ड इवेंट, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आरिफ फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर. एंड जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. K2 गेमर्स के यहाँ पे जो राउंड ऑफ 64 के क्वार्टर फाइनल्स है वो कल के दिन स्टार्ट होने थे, बट आज के दिन जो ग्रुप बी खेला जाएगा उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं और हम विटनेस करेंगे कि ये बड़े बड़े नाम किस तरीके से जंगी मैदान में परफॉर्म करते हैं. बिल्कुल, और हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे. हम जिस तरह ही स्ट्रीम हमारी लाइव होती है और हम डायरेक्ट मैच के ऊपर जाते हैं, और अभी तक अगर बात की जाए गेम टीम्स की तो TNL हमारे सामने बिल्कुल सामने रहेगी. दिस इज़ दी ओल्ड 7E और ये अब इन्होंने नाम चेंज किया, और ये मैं कहता हूँ कि भी गुड लक फॉर द फ्यूचर, बिकॉज नाम मैटर नहीं करता, आपका टैलेंट बहुत मैटर करता. तो लेट्स सी कि आज के दिन के अंदर TNL किसा परफॉर्म करती है, क्योंकि अभी जो अपने उनके फेवरेट स्पॉट रहने वाला है, फार्म एरिया रहने वाला है, उसको यहाँ पर आराम से लूट अप करेंगे. देन दीज गाइज आर मूविंग फॉरवर्ड, आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव करेंगे. तो देखते हैं कि क्या बनने वाला है अभी के मैच के अंदर, क्योंकि बाकी टीमें भी अपने फेवरेट स्पॉट के ऊपर जाते हुए हमें दिखेंगी. वेल डेफिनेटली पूरी तरीके से 16 टीमें और 64 प्लेयर तैयार हैं, लेकिन जिस तरीके से हम बात करें टीम नेमलेस जो कि एक्स सेवन एलिमेंट रहती है, उनके अलावा और भी कुछ ऐसे नाम रहते हैं जिनको कोई भी तारीफ के वो मिताज रहना नहीं वाले. फॉर एग्जांपल एक्स जनरेशन भी एक और बड़ा नाम मौजूद रहता है, लेकिन कुछ ऑलरेडी फाइट्स जो हैं हारिस वो स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ कन्फर्मेशन भी आ जाती है. हालांकि ये पहला ही मैच रहने वाला है तमाम तर टीमों के बीच में, और ऐसे ही रेंगल के और बाकी जंगी मैदान के बाद टीम थोड़ा बहुत स्टडी हार्ड कर रही होंगी कि इन एक्चुअली प्लेसमेंट कहाँ उतरती है, टीम किस तरीके से खेलती है. बट जिस तरह तरीके की यहाँ पे जोन फॉर्मेशन बन चुका है, ऑलमोस्ट अभी सिर्फ दो ही टीमें रहती हैं जो कि इस नॉर्दर्न जोन तक ग्लाइडिंग कर रही हैं. एग्जैक्टली, अगर मैप की भी बात की जाए और टीम्स मोस्टली अगर देखें आउट ऑफ सर्कल देखने को मिलेंगी, तो मेरे ख्याल से पहला ही मैच काफ़ी एक वो कहते हैं ना
कंपटीशन वाला बन चुका है, हर टीम ने रोटेट करना है टूवर्ड सर्कल, बट लेट्स मूव टूवर्ड द एसटीआर टीम जो कि इनके लेफ्ट राइट थोड़ा सा अभी हमें क्राउड नज़र आ रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी पुश होने वाला है इनके ऊपर या ये करने वाले हैं। तो लूट ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से टीम्स आजकल के टाइम के अंदर जो आजकल का मैटर रहने वाला है इसमें लूट आराम सुकून से करके जल्दी जल्दी क्लियर अप कर लेती हैं, अपने एरिया को स्पॉट कर लेती हैं, लेफ्ट राइट ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते करते लूट भी करते हैं फर्स्ट। ये चीज़ बहुत इंप्रूव हो गई है, क्योंकि पहले हम देखते होते थे कि भाई फर्स्ट एक दो मिनट तो हमें टीम सिर्फ लूट ही करते हुए देखते को मिलती थी, बट अब मेरे ख्याल से काफ़ी टीमों ने 60 सेकेंड्स रखे हैं कि यार 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर हमने लूट अप करना है और देन वी जस्ट नीड टू मूव टूवर्ड द नेक्स्ट लोकेशन, हमने जगह चेंज करनी। और ये चीज़ जो है अब काफ़ी कंपटीशन और काफ़ी एक ज़बरदस्त किस्म की फाइट हमारे सामने बनते हुए शायद नज़र आए। अभी तक की बात की जाए वी हैव ए गुड लॉबी 16 टीम्स हेयर और अभी भी लूट का सिलसिला जारी है। तो खैर वेल डेफिनेटली क्योंकि पहला ही स्टेज रहता है, टीमें चाहती हैं, इनफैक्ट इंडिविजुअल प्लेयर्स भी चाहते हैं कि जब भी वो किसी भी फाइट में खुद को मुतमल करें उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लूट हो, किसी भी चीज़ की कमी पेशी ना हो, चाहे वो एमुलेशन हो, चाहे वो यूटिलिटीज़ हो, चाहे वो हीलिंग्स का कुछ भी सामान रहता है। लेकिन उसके अलावा टीम एस टी आर स्पोर्ट्स बिल्टा में अभी के लिए मौजूद रहते हैं, अपने वही फर्स्ट प्रोसेस जो कि लूट का प्रोसेस रहता है उससे वो दरगुजर होना चाहते हैं। उसके बाद जो रोटेशनल का यहाँ पे नाज़रीन समा रहता है, हम ज़रूर देखना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो टीम है कि वाइल्ड रोटेशन वो फाइट में अपने आप को आगाज में लेके जाती है। लेकिन उसके अलावा टीम एक्स ई स्पोर्ट्स लूट के साथ ही साथ बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो क्लोज लाइन विसिनिटी रहती है उस पर रहने वाले हैं। और टीम एस टी आर जैसे ही मिल्टा से निकलने की कोशिश करती है, शायद ये तो एक ऐसी टीम है जो कि काफ़ी करीब होने के वजूहत से फाइट में अपने आप को लेके जा सकती हैं। लेकिन टीम एक्स सेवेंथ एलिमेंट लूट प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद शायद मैंने देखा है कि किल फीड में उन्होंने अपना नाम उजागर किया है, तो ये जो ऐसे बड़े बड़े नाम है मेरे ख्याल से नाज़रीन अपने आप को ज़्यादा देर रोकेंगे नहीं कि वो फाइट्स में अपना वक्त ज़ाया करें। एग्जैक्टली वक्त ज़्यादा करना भी नहीं पड़ता क्योंकि ये कंपटीशन जो है आप जितने किल्स उठाएंगे उतने ही नंबर आप प्लस करेंगे, प्लेसमेंट के पॉइंट्स तो मिलते रहेंगे बट मेरे ख्याल से एलिमिनेशंस मैटर एज वेल। जो नए पॉइंट सिस्टम का मैटर है एवरीवन नो दैट कि वो किस तरह काम करता है, यू जस्ट नीड टू पुश फॉरवर्ड, आपने तेज़ी से खेलना है, आगे मूव करना है जस्ट टू गेट मोर पॉइंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने पॉइंट्स गैदर कर लिए तो आपके लिए उतना ही प्लस पॉइंट्स आपके निकल के सामने आएंगे। बट हे यू गो, यू कैन सी दैट कि डिफरेंट साइड के ऊपर इफ यू कैन सी दैट दिस प्लेस, यहाँ पर भी टीम टफ जो रहने वाली है, द मोस्ट डेडलीएस्ट टीम मैं कहूँगा टफ रहमान यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी बाकी प्लेयर्स भी लूट अप करके, और मेरे ख्याल से जब रोटेशन स्टार्ट होगी जिस तरह आपने बात की थी स्टार्ट में ही कि सर्कल काफ़ी एक डिफरेंट मूड में आज था, तो वो बिल्कुल एक साइड टू साइड खेलते हुए हमें टीम्स नज़र आ रही हैं सर्कल से, और अब सब ने मूव करना है। जैसे ही अब सर्कल पुश करेगा नेक्स्ट सर्कल की शेप पे जाने के लिए आगे मूव करेगा, तो मेरे ख्याल से हर टीम भी साथ साथ मूव करेगी, कोई भी जोन का डैमेज लेना पसंद नहीं करा, अदरवाइज इनिशियल से स्टेज है ऑफकोर्स डैमेज इतना नहीं होगा, बट स्टिल टीम्स जो है मोस्टली अवॉइड करती हैं कि ज़्यादा जोन का डैमेज ना ही लें तो अच्छी बात है, ताकि हम सर्कल के अंदर जाना तो है हमने, एक अच्छी प्लेस होल्ड करें और वहाँ पर टीम का या तो वेट करें या तो फिर किसी अच्छी प्लेस के ऊपर हम रश इन करें जहाँ पर उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर टीम्स हो सकती। वेल बिल्कुल ऐसे ही कुछ ये हाल और अहवाल रहेंगे। लेकिन नाज़रीन मैं आप सबसे मुखातिब हूँ कि ये जो इवेंट अभी के लिए आप ऑन ईयर देख रहे हैं K2 Gamers पाकिस्तान यूनिवर्सिटी शोडाउन रहेगा ये, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय K2 Gamers एंड Gamers पाकिस्तान। आज के लिए ग्रुप भी खेल रहा है, इन सारे एक्शन में मुलविस रहेंगे, और ग्रुप बी में से जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि 3-4 ऐसी टीमें रहती हैं जो कि टीम द अल्टीमेट फोर्स है, एक्स जनरेशन है, टीम नेमलेस रहती है, इनका मुकाबला रहता है कुछ ऐसी टीमों के अगेंस्ट हारिश, जो कि मैं उनको देखना चाहता हूँ कि कैसा खेलना चाहते हैं वो इस मिक्स लॉबी में। मिक्स लॉबी तब बन जाती है जब कुछ ऐसे प्रो टीम्स का मुकाबला रहता है सेमी प्रो टीम्स के साथ, और इसमें और भी कुछ ऐसे 3-4 नाम है जिनको मैं पिछले महीने से उनको फॉलोअप जरूर रख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल टीम सॉरी स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मायानास खेल जरूर अपना कर सकती है इन सारे ही कॉम्पिटिटिव मैच में। लेकिन उनके अलावा ब्लड मून स्पोर्ट्स भी मौजूद है जिन्होंने हाल फिलहाल में जो पिछला इवेंट खेला गया था उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। अभी के लिए रोटेशन इनकी जारी है, और रोटेशन के बाद जो इनका फर्स्ट होल्डिंग स्पॉट रहता है मैं देखना चाहता हूँ कि टीमें कितना ज़्यादा तैयार हैं उन सारी फाइट्स के लिए।
एग्जैक्टली यार, टीम्स जो है मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मूड में रहने वाली हैं कि यार जल्द से जल्द मूव करें। अगर हम देखें जोजोपुल वाली साइड के ऊपर, हमें मैक्सिमम क्लस्टर हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक्स एंड टी एन एल की बात करें तो मेरे ख्याल से वहां पर फाइट देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन जो है एस टी आर खाली इनको अंदाज़ा होगा कि फॉर्म एरिया के अंदर कौन रहने वाला है, एंड इवन एक्स नो दैट कि कौन सी टीम होगी फॉर्म एरिया के अंदर। और मेरे ख्याल से फाइट वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं फाइट की, और मेरे ख्याल से टी एन एल ने इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी होगी कि यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लस्टर हमें देखने को मिल रहा है, हमारे पास कोई टीम आ चुकी है, हमारे डेडलीस्ट प्लेस के ऊपर कोई टीम आ गई है हमें चैलेंज करने के लिए। तो लेट्स सी कि एक्स की फाइट फॉर्म होती है टीएनएल के साथ, अदरवाइज अगर होती है तो एक दिलचस्प मुकाबला होगा उस साइड पे भी। बट फिलहाल के लिए गेट कीप करते हुए बीएम मेरे ख्याल से दिख रही है हमें, और पीछे से जो टफ टीम आ रही है उसके अलावा बाकी टीमें भी आते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पर थोड़ा मजेदार मैच हमें देखने को मिल सकता है टोरिक सॉरी खिज। वेल डेफिनेटली डेफिनेटली, और ये फाइट का आगाज हो ही जाता है जिस चीज की हम बात कर रहे थे, टीम TNL T24 OP पहले प्लेयर को नॉकडाउन करते हुए, विच विल बी टीम एग्जीक्यूट। मिल्टा में ये सारी फाइट चल रही है, लेकिन मल्टीपल फाइट्स का आगाज ब्लड मून जो खुद को रोटेशन की तरफ लेके जा रहे थे, बिल आखिर रोटेशन उनको रोकनी पड़ती है, उनकी फाइट हो जाती है टीम द अल्टीमेट फोर्स के खिलाफ। और जिस तरीके से प्लेयर अपने घुटने टेक रहे हैं, एक एक करके किल्स कंफर्मेशन हो ही जाते हैं, और टीम ब्लड मून अनफॉर्चुनेटली, क्वाइट अनफॉर्चुनेटली, वायलोटेशन अपने दो खिलाड़ियों को ये गवा चुके हैं। और बाकी दो खिलाड़ी जानते थे कि उनका मुकाबला किन दरिंदों के साथ हो रहा है, और बाकी दो प्लेयर्स बच के निकल जरूर जाएंगे टीम। एग्जैक्टली, और यहाँ पर अगर बात की जाए टीम एक्स की, उनका एक प्लेयर यहाँ पर नॉक फिनिश कंप्लीट हो जाता है, बट टीएनएल मेरे ख्याल से एक प्लेयर को कैप्चर करने में कामयाबी होती थी। बट अभी भी अगर बात की जाए यहाँ पर फाइट रुकती नहीं है, 7S के प्लेयर्स कुछ हमें दिखते भी हैं गेम के अंदर, और टीएनएल जो कि एकदम से चार्ज करती है उनके ऊपर। और नाउ द सेवन स्काई इज नॉट जस्ट गिविंग ए ब्रेक साइड के यार, कि थोड़ा सा साइड पे ब्रेक करके हम जो इस फाइट को और एग्रेस करते हैं, दो प्लेयर को गवा देंगे, एंड नाउ दीज गाइज आर मूविंग टूअर्ड सर्कल, क्योंकि सर्कल के अंदर उनको जाना बनता है। बट यहाँ पर जो रहते हैं टी एन एल के बॉयज वो जाने नहीं देना चाहते, एंड हे यू गो अलियान यहाँ पर उनके पीछे पीछे आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जिनकी गाड़ी पलट जाती है, और बग्गी उलटना मेरे ख्याल से उनके लिए लकी साबित होता है क्योंकि उनको रुकने का मौका मिल गया, अदरवाइज आलियान एक अच्छी पोजीशन होल्ड करके उनको टेक डाउन कर सकते थे। बट स्वाति गेट दिस स्किल एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूअर्ड द सर्कल, आई थिंक अब वो नहीं रुकने वाले, कोई रोके रोकना भी चाहेगा तो मेरे ख्याल से वो कहेंगे अब रुकना ही नहीं है भाई, अब सीधा सर्कल में ही मिलेंगे। तो लेट्स सी कि सर्कल के अंदर कौन कौन सी टीमें पहुँच चुकी हैं, वी कैन सी दैट काफ़ी टीमें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। एंड नाउ FMAX यहाँ पर अगर बात की जाए इस टीम की, एक प्लेयर इनका नॉक हो चुका है टफ के साथ इनका मुकाबला। अगर टार्जन की बात करूँ, टार्जन काफ़ी लो एच पी होने वाले हो चुके हैं, एंड TSF अभी एक साइड से मूव कर रही है अपने लिए एक अच्छी पोजिशन होल्ड करने के लिए। जी हाँ, और साथ ही साथ टीम द अल्टीमेट फोर्स, इससे पहले इनकी फाइट ब्लड मून के साथ चल रही थी, उसके बाद टीम FMA के भी एक खिलाड़ी को उन्होंने कंफर्म इन किया है, तो वाहिद एक ऐसी टीम बन जाती है जिन्होंने मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा किल्स अभी के लिए अपने बैकपैक में कंफर्म इन किए होंगे। और मेक श्योर ये करते हैं टीम टफ के प्लेयर्स के टीम FMA के बाकी प्लेयर्स सेम रोटेशनल पाथ को ना चुने, और ये चीज़ उनके बॉडी लैंग्वेज में बड़ी ही क्लियरली विजिबल रह रही है कि टीम FMA के प्लेयर्स उधर से बैक ऑफ कर जाते हैं। लेकिन टीम KHK, नाजरीन आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया जाए कि X52 e-sports के ये प्लेयर रहते हैं, और टीम KHK की अगर लाइनअप की थोड़ी बहुत बात की जाए, वो खेल रहे हैं टीम ऑल स्टार के साथ, सलमान ओपी से रहेंगे फ्रॉम टीम KHK e-sports, बाकी टीम ऑल स्टार के याया ब्लड और फिनिशर रहने वाले हैं जिन्होंने अपने एंड से 4 kill points हारिस ऑलरेडी कन्फर्म कर चुके हैं, और एज अ कैजुअलिटी इन्होंने अपने एक भी प्लेयर को गवाया नहीं है। एग्जैक्टली, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, मैन एडवांटेज आपके पास, मैन एडवांटेज जितना अच्छा हो आप उतना ही अच्छा लास्ट सर्कल्स में परफॉर्म कर सकते हैं। बट हे यू गो, यू कैन सी दैट दैट ए टीम S1 जस्ट अपने दो प्लेयर लूज कर चुकी है, रोमी एंड थोर इज़ नाउ मूविंग टूअर्ड द नेक्स्ट प्लेस, और यहाँ पर नेक्स्ट प्लेस पे जाते जाते देखते हैं कि उनको कोई और मुलाकात तो उनके साथ तो नहीं हो जाती। बट हे यू गो मूविंग टूअर्ड द FMA, यहाँ पर वंस अगेन इनकी तरफ मूव करते हैं, एक प्लेयर गवा चुके हैं, एंड नाउ दीज गाइज आर मूविंग टूअर्ड TSFM वुल्फ, वुल्फ की जाने यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनका एक प्लेयर यहाँ पर नॉक रहने वाला, लाइबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। बट अभी भी अगर बात करें FMA की, तो FMA अपने लिए एक अच्छी पोजिशन निकाल सकती है क्योंकि अभी भी तीन प्लेयर्स के साथ वो काफ़ी आगे जा सकते हैं, बट अगर एक प्लेयर और लूज़ किया तो आगे मुश्किलात और बढ़ते हुए नजर आएंगी। बट इनको अंदाज़ा है कि प्लेयर कहाँ पे रहने वाला है, थोड़ा सा कवर भी इनको चाहिए, अदरवाइज मुश्किलात बनते हुए नजर आएंगी। ग्रेनेड आएगा यहाँ पर, कुछ भी अगर बात करें डैमेज यहाँ पर भी सामने नहीं होता, बट अभी की बात करें तो यहाँ पर दोनों साइडों से कन्वर्ट फाइट हमें देखने को मिल रही है, और वुल्फ
पानी के अंदर चले जाएंगे, और अब अगर नज़र नहीं आते तो मुश्किलात और बन जाएंगी। जैसे ही अगर बात की जाए, अगर वो यहाँ से मूव कर जाते, पानी के अंदर ज़्यादा देर नहीं रह सकते, ऑफ कोर्स यहाँ पर पानी के अंदर ज़्यादा देर रहेंगे तो वो भी डैमेज आप उनको मिलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला। टीम एफएमए ने उनको दोनों तरफ से थोड़ा बहुत घेरा तंग जरूर किया था, बट बिल आखिर पानी से बाहर आके वुल्फ अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एमिनेंट मौजूद रहने वाले थे डीबीएस के साथ, लेकिन पहले नॉकडाउन का प्लेयर का पहले कंफर्म वो कर जाते हैं। मजीद और प्रेशर बनाया जाता है वुल्फ के ऊपर और आते जरूर है एक क्लियर इंटेंट के साथ, लेकिन जैसे ही उनको यहाँ पे वेलकम किया जाता है कुछ गोली बारूद से, वो दोबारा उसी स्केप रूट में निकल जाते हैं और दोबारा पानी में डूबकी लगा ली जाती है। लेकिन थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से डिले किया जा रहा है। अगर आपके पास तीन प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर जाके पानी में थोड़ा लोकेशन बता सकते हैं, वॉच आउट दे सकते हैं, बाकी दो प्लेयर्स तैयार बैठ सकते हैं अपने दूसरे खेल के लिए। क्योंकि अगर हम एक कदम आगे की बात करें आरएस, तो स्टेज थ्री ऑलमोस्ट बनने वाला है, 400 मीटर ट्रेवल करना है। ये जितना भी टाइम कंज्यूम किया जा रहा है टीम एफएमए की तरफ से, उनकी रोटेशन डिले हो रही है और एक खेल आने के लिए ये लोग इतना ज़्यादा जो वक्त इन्वेस्ट करें, मेरे ख्याल से उनके आगे के सफ़र के लिए इतना ज़्यादा बेहतर रहेगा नहीं। लेकिन नाजरीन, जो एक नॉर्दर्न आयरलैंड पे कंप्लीट जोन की फॉर्मेशन बन रही थी, अब देख के बेहतर लग रहा है कि मल्टीपल टीम, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ द टीम जोन में मौजूद रहने वाली है। एंड टीम ऑल स्टार जिस तरीके से टूवर्ड्स दी सेंटर एरिया से रोटेट आउट करके रुकना चाहेगी, अब जो फाइट का आगाज है हारिस, वो बहुत तेजी में बढ़ने वाला है। बिकॉज टीम द अल्टीमेट फोर्स, देन वी हैव टीम मैक्स जनरेशन एज वेल, एसटीआर, ये सारी टीम जिस तरीके से एजेस टू एजेस खेल रही हैं, अगला जोन का शिफ्ट सेंट्रलाइज बनता है। एंड मजीद और परेशानी अब खड़ी होने वाली उन तमाम टीमों के लिए जो कि सेंटर में कंटेस्ट करेंगे। एग्जैक्टली अब हर बंदे की नज़र जो होगी वो सेंटर पे किसी हाईएस्ट एक अच्छे पोजीशन प्लेस के ऊपर होगी कि यहाँ पर ये जगह अगर मैं होल्ड अप कर लूँ तो नेक्स्ट सर्कल भी मैं लेके जा सकता हूँ। बट यहाँ पर अगर बात की जाए, बिल्कुल सेंटर में हमें बीएम भी नज़र आ रही है और बैक साइड से सारे क्लस्टर जितनी भी रोटेशंस हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही, वो सीधा के सीधा सर्कल के अंदर पुश इन कर रहे हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द बीएम और बीएम की तरफ जाके देखते हैं कि क्या हमें जो सिनेरियो है वो क्या हमें देखने को मिलता है। एंड दीज गाइज आर ऑन द टू प्लेयर मैन स्टैंडिंग टीम और यहाँ पर दो प्लेयर्स यहाँ पर आराम से होल्ड करके बैठे हैं और दिस इज द फेवरेट प्लेस ऑफ दिस एरिया। मोस्टली यहाँ पर टीम्स जो हैं वो इस एरिया के अंदर हमें होल्ड अप करते हुए नजर आ रही होती है, बट हियर यू गो, यू कैन सी द टीएसए के बॉयज वो भी यहाँ पर साइड पर रहने वाले हैं। बट डाउन साइड पर बात करें, टफ का एक प्लेयर यहाँ पर नॉक होता है, टार्जन यहाँ पर नॉक हो जाते हैं, बट बैक एंड से यहाँ पर अभी भी गोली, ओहो अच्छा ग्रेनेड, यहाँ पर भी एक और प्लेयर को नॉक कर दिया जाता है, फिनिश भी हो जाते हैं। बट हियर यू गो, शॉटगन SK-12K Deadliest gun. What you think his क्या होने वाला है यहाँ पर? Oh, well, team Duff ने as a casualty already अपने दो player गवा दिए, लेकिन इनकी intent clear है कि अगर यहाँ से मजीद और player eliminate होंगे, इजाफी kill लेके जाएंगे। And तीसरा player अपने घुटने टेक जाता है। And दो बड़े नाम, दो बड़ी मछलियाँ जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ होता है कि किसी ना किसी एक को घुटने टेकने पड़ते हैं। और अभी के लिए वो टीम द अल्टीमेट फोर्स रहने वाले हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 8 किल कंफर्म कर लिए थे, लेकिन जब उनका मुकाबला टीम X7-11 के साथ हो जाता है तो कुछ अंजाम ऐसा आता है नाजरीन कि टीम 7th Element भी यहाँ पे उतने ही के ले जाती है। लेकिन एज अ कैजुअल्टी आलियान को उन्होंने पहले ही खो दिया था, लेकिन इस फाइट में गोकू बॉट को गवाना टीम 7th Element X7th Element को अभी के लिए सिर्फ दो ही प्लेयर पे छोड़ जाता है, जो कि शामिर और T24 रहेंगे। एग्जैक्टली शामिर एंड T24 वहाँ पर रहने वाले हैं, बट STR यहाँ पर अंदाज़ा कर चुके हैं कि एक प्लेयर यहाँ पर रहने वाला है। एंड इस एक प्लेयर के लिए वो यहाँ पर चार्ज अप करना चाह रहे हैं, शायद यहाँ पर रहने वाले हैं Z7 Sky। तो लेट्स सी, ग्रेनेड को किया जाता है इनकी जानिब से और यहाँ पर अगर ग्रेनेड आते आते प्लेयर को कोई नॉक कर देता है तो यहाँ पर भी कोर्स मुश्किल बनते हुए नजर आएंगे। ओ माय गॉड, खूबसूरत है, एक अच्छा ग्रेनेड एंड एक अच्छा नॉक, DBS इनके हाथ में रहने वाली है, द डेडलीस्ट गन। और मैं कहता हूँ कि इससे वो 1v4 भी कर सकते हैं, बट DBS वर्सेस DBS भी हो सकता है यहाँ पर। एंड हियर यू गो, यू कैन सी दैट गुड वन एंड ओ माय गॉडनेस, बेहतरीन, ओ भाई साहब। वेल, ये जो पहली एक हाइलाइटिंग फाइट है हारिस, इस तरीके से जिस तरीके से शाहिद ने यहाँ पे 1v4 क्लच पुल ऑफ किया है, मेरे ख्याल से इसे आगाज है आज के दिन का नाजरीन, पहले ही मैच में एक ऐसा 1v4 विटनेस कर लेना, ये सिर्फ आगाज है उस कंपटीशन का जो कि आगे आने वाले फाइट्स में, आगे आने वाले स्टेज में रुकने नहीं वाला। लेकिन टीम TNM जो करा गेबर के TTS ने प्लेयर को नॉकडाउन करने की कोशिश, इनकी यहाँ पे कामयाब रहती जरूर है। 4th kill point इसकी टीम के पास भी आ जाता है, जोन में भी मौजूद रहने वाले हैं और एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पे मल्टीपल्स टीम लेके जा चुकी है। अगर हम ओवरऑल
देखें नंबर्स के ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करें, तो चार जोन खत्म हो जाने के बाद हमें अभी तक यहाँ पे सिर्फ पांच टीमें छोड़ के जा चुकी है, यानी कि यहाँ पे जो भी एक्शन चल रहा है, जो एक कॉम्पिटिशन आगाज लिया है नाजरीन, ये सिर्फ शुरुआत हुई है इस कॉम्पिटिशन की। एग्री करूंगा किसकी बात से कि ये तो अभी वो शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि क्या क्या होने वाला है। बट अभी की बात करें तो टीम एक्स इज नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट प्लेस, जहाँ पर वो होल्ड अप कर सकते हैं। और यहाँ पर होल्ड अप मोस्टली जो कैरी प्लेसेस हैं हिज, वो ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी हैं। टीम्स ने अपना जो वो जो कहते हैं अपनी बेस बना ली है कि अब यहाँ पर हमारे पे कोई आके दिखाए, वो सिचुएशन उनकी हो चुकी है। डिफेंड यहाँ पर हमारी टीम्स जो हैं वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। अगर एक अच्छी प्लेस को होल्ड अप कर ले, अगर सेवन ई जैसी जो टीम है TNL जो यहाँ पर हो चुकी है, अगर TNL की बात करें, ऐसी टीम यहाँ पर कहीं पे होल्ड अप कर लेती है तो कोई यहाँ पर इतना ईजिली उनके ऊपर टारगेट नहीं कर सकता कि जाके मैं अटैक करूँगा, उनको पुश इन कर दूंगा, और ये मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। बट अभी के लिए अगर बात करें, टीम एक्स एक ओपन फील्ड के अंदर रिजेस का सहारा लेते हुए अब मेरे ख्याल से आगे कुछ मूव प्लान कर रहे हैं कि यार कि किस तरह रोटेट किया जाए। सर्कल के अंदर एक ही प्लेयर रहेगा, बाकी TNM के बॉयज इन्होंने भी सर्कल के अंदर जाना है। ऑफ कोर्स के एच अगर बात करूं, इनका एक ही प्लेयर सुलमान ओपी यहाँ पर रहने वाले हैं। TAS के बॉयज यहाँ पर रहने वाले हैं, और ये चार के चार प्लेयर्स हैं, चार एलिमिनेशन पॉइंट्स इनके पास रहने वाले हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। टोटल 10 टीमें अवेलेबल हैं, जिनमें अब 9 रह चुकी है, और बात करते करते 9 हो गई हैं, और यहाँ पर 26 प्लेयर इस पूरे रेंगल के छोटे से मैप के ऊपर रहने वाले हैं। बेशक, और मजीद और ब्रीदिंग स्पेस कम होने वाला है, यानी कि फाइट फोर्स आउट रहेंगी जरूर। और सिवर्नी के इलाके के बाहर ओपन एरिया पे ये जो जोन बन चुका है, टीम ब्लड मून ना, जो कि ऑलरेडी डाउन टू टू प्लेयर्स रह चुके हैं, उनके पास अच्छा मौका है कि अपने उस एरिया को डिफेंड करने के साथ ही साथ यही दो प्लेयर्स आगे आने वाले जोन शिफ्ट में अपने आपको टॉप 5 तक पहुंचा सकें। उसके अलावा टीम ऑल स्टार ऑलरेडी सेंटर पे रहने वाले हैं, तो पॉसिबिलिटी यही रहती है कि ज्यादा टीमों का पोशन यहाँ पे है, ज्यादा टीमों का स्लैमन यहाँ पे है, लेकिन इन सब चीजों के अलावा फाइट रुकने नहीं वाली नाजरीन, फाइट चलती रहेगी। और अभी के लिए टीम एग्जीक्यूट, जिनको जोन को भी यहाँ पे डिनाई करना है, जिनको अपने ओपोनेंट्स को भी यहाँ पे बच के अपने आप को सर्वाइव कराना है, मेरे ख्याल से दोनों तरफ से उनको यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन राइजन अपनी टीम से जो कि जोन के अंदर शुमार है, कुछ यहाँ पे रिटेलिएशन फाइट देना चाह रहे हैं, कुछ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा हमें इस मैदान से बाहर करना, इस मैदान से एलिमिनेट करना। लेकिन वक्फे वक्फे में जो जोन का ये सेंट्रलाइज शिफ्ट आ रहा है, अभी भी यहाँ पे हारिस टीम ऑल स्टार के पास बहुत अच्छा एरिया रहता है डिफेंड करने के लिए। टीम ऑल स्टार के पास काफ़ी एक अच्छा एरिया रहेगा, और इसी के साथ साथ ये आगे मूव करके अच्छे फाइट भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए बात की जाए, जो भी सर्कल के एजेस के ऊपर टीम रहने वाली थी, वो यहाँ पर बड़े मज़े से फाइट करते हुए नजर आई और हमें देखने को भी मिला। बट अभी के लिए अगर बात की जाए, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर T4 ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हैं, शामिर एंड T24। 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑलरेडी इनके पास रहने वाले हैं। गोकू एंड आलियान दोनों यहाँ पर नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुके हैं, बट स्टिल दिस टू मैन टीम इज़ द डेडलीस्ट टीम एट द मोमेंट। इस पूरे छोटे से सर्कल के अंदर ये डेडलीस्ट टीम है, और ये कहने की बात नहीं है, बाकी मानने वाली बात है कि यहाँ पर अगर इनको कहीं से भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है और इनके ADS के अंदर, इनके क्रॉस एयर के अंदर कोई आता है, तो यहाँ पर मुश्किल उसके लिए बनते हुए नजर आएंगी। FMA एक और किल अपने लिए कंफर्म करते हैं, 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स इनके पास आ जाएंगे, एंड नाउ दीज गाइज नीड टू मूव इन। और यहाँ पर अगर बात कीजिए, नेक्स्ट जो जोन है वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा कुछ 30 सेकेंड्स के अंदर दोस्तों, और 30 सेकेंड के बाद सर्कल ने एक नई शेप के अंदर जाना है। बट इससे पहले कि ये यहाँ से मूव करें, और यहाँ पर मेरे ख्याल से जाते जाते काफ़ी काफ़ी टीमों के ADS के अंदर आ सकते हैं। अगर यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट साइड से रोटेट करेंगे तो ऑफ कोर्स 2 डेडलीस्ट बंदों के सामने से जाएंगे, और उनके अगर उनकी स्प्रेज आएंगे तो मुश्किलात बनते हुए ज़रूर नज़र आ सकती है। बट दूसरी नेट पर बात कीजिए, BM के प्लेयर्स भी यहाँ पर नॉक होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और ये चीज़ इंतजार करेंगे शामिर और T24 के, जैसे ही बंदा इनके रडार में आ जाता है, क्रॉस ईयर्स वहाँ पे टर्न आउट किए जाएंगे और उस प्लेयर पे बहुत मुश्किलात बनाई जाएंगी कि वो इतनी आसानी से इनके सामने से रोटेट ना कर पाए। लेकिन खवातीन नजरा आता रफ्ता रफ्ता हमारे पास जो प्लेयर्स का यहाँ पे शुमार ही आते हैं वो कम हो रही है। वो कम इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स रहते हैं जिनके पास एरिया बेनिफिट रहता जरूर है और उस बेनिफिट का वो कम्प्लीटली फ़ायदा उठाना चाहते हैं। शामिर जो कि ऑलरेडी आज के दिन पे काफ़ी डोमिनेशन पे नज़र आ रहे हैं 4 किल के साथ, मेरे ख्याल से रुकना नहीं चाहेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 5 किल के साथ। ऑलरेडी एक टीम के साथ इनकी कॉम्बैट यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, इट विल बी आर 3v2 फाइट। लेकिन अभी यूटिलिटीज़ की यहाँ पे बात अगर छेड़े तो 10 नेड शामिर के पास रहने ज़रूर वाले थे। यहाँ पे एक मिनी रेड जोन बनाया जा सकता है, और यही फ़र्क है प्रो टीम्स प्रो प्लेयर्स वर्सेस सेमी प्रो टीम सेमी प्रो प्लेयर्स के ऊपर। फर्क देख सकते हैं आरएस के एक अग्रेसिव अप्रोच है, यानी कि शामिल की तरफ से बैक टू बैक नेट किए जा रहे हैं,
दूसरी तरफ एक डिफेंसिव स्टांस लेते हुए टीम अपने लिए स्मोक स्प्रेड आउट कर रही है, तो एक क्लियर इंटेंट दिखाई जा रही है, बट बिलाखिर T24 इनको आप ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे, आगे बढ़ के स्मोक के आर्टिफिशियल कवर में जिस तरीके से यहाँ पे बैक टू बैक नेट फेंके जा रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर बनाया जा चुका है, लेकिन गाड़ी चलाने की कोशिश मेरे ख्याल से गाड़ी के नीचे देके यहाँ पे नॉकआउट करने की कोशिश करना चाहेंगे, लेकिन इनके सामने अब एक टीम नहीं मल्टीपल टीम रहने वाली, तो इनको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बच बचा के आगे बढ़ना होगा। एग्जैक्टली, और यहाँ पर अगर बात कीजिए थोड़ा सा होल्ड अप पोजीशन में यहाँ पर भी टीम रहने वाली है FMA की, बट अभी भी अगर बात करें तो मुश्किलात उनके लिए और बढ़ते हुए नजर आएंगे अगर ग्रेनेड्स जो है वो रुके ना, बट अगर बात कीजिए उनको अंदाज़ा हो चुका है, थोड़ा सा स्प्रेड हो चुके हैं एक दूसरे से, बहुत पहले करीब करीब थे, अब नाउ उनको अंदाज़ा हो चुका है वो मूव करें, और नाउ TNL के पास एक और चुनौती, यहाँ पर अभी BM के बॉयज़ भी उनके नियर बाय आ चुके हैं और नियर बाय आके सर्कल के बिल्कुल एज पोजीशन के ऊपर होल्ड कर लिए। नाउ शामीर नो दैट ग्रेनेड उनकी जानिब से आएगा, और नाउ इनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि हमारे पास एक और टीम रहने वाली है। ग्रेनेड आते हैं, काफ़ी लो HP कर दिया जाता है दोनों जानिब से, अगर बात कीजिए एक ग्रेनेड्स की बारिश हो रही है फिलहाल, एंड बट यहाँ पर ग्रेनेड की बारिश में जीतते हैं शामीर ही, क्योंकि वो एक उनको अंदाज़ा है कि यहाँ पर किस तरह ग्रेनेड करने हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर अब BM के बॉयज थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलात में बनते जरूर आएंगे, T24 ज़रा क्लोज में आएंगे, एंड हे यू गो यू कैन सी दैट एक और किल यहाँ पर आती है, बट ये किल जो है वो यहाँ पर लेके जाते हैं दी ऑल स्टार के बॉयज, वो यहाँ पर TNL के पास नहीं आती, बट नाउ हम देख सकते हैं 6 टीमें हमारे पास इस छोटे से सर्कल के अंदर रहने वाली है, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर यहाँ पर होल्ड अप हुआ है, TNM के जोकर हमें देखने को मिल रहे हैं, एक टीम यहाँ पर RES हमें देखने को मिल रही है, मोस्टली अगर मैन एडवांटेज की अगर बात कीजिए वी कैन सी दैट द टीम ऑल स्टार हैव द गुड मैन एडवांटेज, वो अगर यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन के ऊपर अगर सर्कल के साथ साथ मूव करते हैं तो मज़ेदार फाइट हो सकती है, चिकन डिनर हो सकता है। जी हाँ, चिकन डिनर की आपने अब यहाँ पे जो बात छेड़ी दी है पॉसिबिलिटी बिल्कुल रहती है, लेकिन टॉप 5 बेस्ट टीमें ये जो रहेगा हमारा क्वार्टर फाइनल का ग्रुप भी उसमें मौजूद रहती जरूर है, लेकिन एक नेट की मार KH के सलमान ओपी यानी कि टीम ऑल स्टार्स आगे बर के टीम नेमलेस का यहाँ पे सफर को अंजाम खत्म देना चाहते जरूर हैं, लेकिन शामिर को रिवाइव देना बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि T24 ने भी यहाँ पे 5 किले लिए हुए, लेकिन आगे आके मेरे ख्याल से अगर टीम ऑल स्टार के प्लेयर्स थोड़ा बहुत प्रेशर बनाए तो इन टीम को जितना ज्यादा पहले एलिमिनेट किया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि अगर आपने इन लोगों को एक भी वीक स्पॉट दे दिया तो ओवरटर्न करके ये आप ही के एलिमिनेशन लिख जाएंगे, लेकिन टॉप 5 के बाद RES दो और टीम्स का एलिमिनेशन हमारे सामने, अब टॉप 3 टीमें मौजूद है जिसमें से टीम RES स्पोर्ट्स के जो एक और प्लेयर रहते हैं अपने आप को थोड़ा बहुत हील बैटल में मुब्तला करना चाह रहे हैं, मेडकिट लगाई जा रही है बट जोन का डैमेज इतना ज्यादा रहता है कि उनको जोन के बाहर अपने घुटने टेकने पड़ते हैं, उसके अलावा टीम ऑल स्टार्स अभी तक सक्सेसफुली इन्होंने अपने चारों प्लेयर्स को अलाइव रखा है, बट बिलाखिर फाइट आ जाती है उन दो टीम्स के नाम और कन्वर्ट होती है 4v2 के ऊपर, और T24 जाने से पहले याया को नॉकडाउन कर जाते हैं, नंबर्स एक्सचेंज किए जाते हैं 2v3 में, और टीम ऑल स्टार के प्लेयर्स थोड़ा बहुत स्प्रेड आउट होने की कोशिश कर रहे हैं, एक फिजिकल कवर रॉक का कवर लेने की कोशिश, लेकिन उसी कोशिशों में ब्लड ओपी को काफी ज्यादा हद तक डैमेज यानी कि यहाँ पे थान चुके हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई में ब्लड ओपी T24 को नॉकडाउन करके चले जाते हैं, 1v2 फाइट, शामिर को ये क्लच करके दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ नेट से प्लेयर को डैमेज करने की कोशिश, एक और एडिशनल नॉक, नाउ फाइट काफी ज्यादा यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है और काफी इंटेंस रहेगी, शामिर अपने हार्ड कवर को छोड़ना नहीं चाहते, फर्स्ट हिट अगर लग जाती तो पोटेंशियल क्लच लेके जा सकते हैं, लेकिन आगे आके DBS वर्सेस TBS की फाइट ये बन सकती है, लेकिन गाड़ी पार के काफी ज्यादा डैमेज गया जरूर था, एक प्लेयर को नॉकडाउन करते हैं, लेकिन टीम ऑल स्टार्स नंबर्स के बेसिस पे अपने इस क्वार्टर फाइनल के पहले मैच को जीत जाती है, और बताया जाता है टीम नेमलेस को कि इतना आसान होगा नहीं, जी हाँ आपने पहले काफी ज्यादा मुश्किलात को यहाँ पर छलांग लगा के यहाँ तक पहुंचे जरूर है, लेकिन विनर विनर चिकन डिनर के वो जो 10 पॉइंट रहेंगे वो हम ही लेके जाएंगे। एग्जैक्टली, एक खूबसूरत मैच है खिज़, और ये मैं कहता हूँ इस तरह की गेम जो है वो इस तरह और बनते हुए नज़र आए और हमें मज़ेदार इस तरह के गेम प्ले बनते हुए नज़र आए तो और ही मज़ा आ जाएगा, बट मेरे ख्याल से आज का पहला मैच जो है वो बहुत ही इंटेंस लेवल के ऊपर गया है, दी वे DBS मैटा इज़ वर्किंग इन दिस गेम, और मैं कहता हूँ GG's, और भाई कोई भी यहाँ पर इस लोबी के अंदर वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि यार के वो चार्ज करे ना करे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतनी टफ लॉबी रहने वाली है, इतनी मुश्किल लॉबी रहने वाली है, खेलने का तो टीम्स को मज़ा आ रहा होगा बट साथ ही साथ जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको देखने का भी मज़ा आ रहा होगा।
वेल बेशक नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो एक व्यूविंग एक्सपीरियंस है उसमें हम और ज़्यादा बढ़ चढ़ के जिस तरीके से आप लोगों का एक्सपीरियंस बेहतर बना सकते हैं हमारी पुरजोश कोशिश ज़रूर रहेंगी। लेकिन ये जो पहला मैच अपने खिताम पे पहुंच चुका है, आज के मजीद और मैचेस रहते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिस पर हम आपको दुराई ज़रूर करना चाहेंगे कि कितने मैचेस खेले जाएंगे, रोटेशन क्या रहेगी और कितनी टीमें इस मुकाम से आगे बढ़ना चाहेंगी। लेकिन इन सारी चीज़ों पर हम जो गुफ्तगू करेंगे उस पे बढ़ने से पहले नाज़रीन मैं और हारिस जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप लोगों से गुजारिश करते हूँ कि जाएगा कहीं भी मत, हमारे साथ बने रहिए। वी विल बी राइट बैक। You know that you control me, guilty self affliction, prey on me when I'm lonely, and I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. You control me, guilty self-affliction, prey on me when I'm lonely, and I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. You control me, guilty self-affliction.
prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. You control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. You control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. Thank you.
अस्सलामुअलैकुम खवातीन हज़रात, खुशामदीद आप सभी लोगों को। जस्ट छोटे ब्रेक का, हम पहले मैच के इख्तिताम के बाद क्या की कहते हैं, हम उस ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और आगे आने वाले जो मरहले हैं उस पर जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत तारुफ खुलाना चाहूँगा। मैं हूँ आपका मेज़बान किस गिविंग और मेरे साथ मौजूद हैं स्टार हारिस, जिनको किसी भी यहाँ पर तारुफ की ज़रूरत रहती नहीं है। सबसे पहले जिस तरीके का मुकाबला था हारिस, आपने देखा है कैसा हुआ है, आगे आने वाले मुकाबले के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या लगता है कि सेमी प्रो टीम की तरफ से कुछ जवाबी कार्रवाई दी जाएगी या हम इन्हीं प्रो टीम्स को यहाँ पे डोमिनेट करते हुए देखें? भाई ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी और मेरे ख्याल से मुश्किलात और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि सैनोक का मैच है और मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना इस मैच के अंदर पार्टनर बनाएं हमारे बहुत ही होनहार तनवीर भाई को। तनवीर भाई को मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ, आप दोनों इसके ऊपर तबसरा करें कि सैनोक में क्या होने वाला है। सी यू गाइस। चलें बिल्कुल नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं तनवीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम का। और मैच आई थिंक हमारा स्टार्ट हो चुका है, सैनोक का ये मैप रहने वाला है और प्लेन पाथ हमारा जो है वो टैम्पंग के ऊपर जो है एंड होगा और टीम्स ऑलमोस्ट सभी ही अपने अपने ड्रॉ पॉइंट्स पे जाती है। वेल यस, एक रेंगल के रवायती मैदान की बात, सैनोक का ये जो फास्ट पेस मैदान नाज़रीन आप लोगों के सामने बन के आ चुका है। इट्स अ 4x4 कंसाइज मैप, काफ़ी फास्ट पेस यहाँ पे जो फाइट्स हैं और जो मरहला है वो यहाँ पे सर अंजाम ज़रूर हो जाता है। और अभी के लिए टीमें अपने अपने राहले मंजिल तक पहुँच रही है, लेकिन वो सेंटर एरिया, वो ऐसा शहर है जिधर काफ़ी ज़्यादा धूम धमाके होते ज़रूर हैं बूट कैंप के लिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे काफ़ी अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि वो अभी के लिए अनकंटेस्टेड है, कोई भी टीम उधर गई नहीं है। शायद उनको देख के लग रहा था कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी बन सकती है, लेकिन इसी चीज़ को यहाँ पे एक डर के मंजर में सारी टीम्स उसको छोड़ देती हैं। लेकिन जोन फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टीमों के लिए चैलेंज बन के आएगा, टीमों के लिए इनफैक्ट IGL के लिए काफ़ी ज़्यादा ये चैलेंज बन के आएगा तनवीर की अपनी टीम्स को उस थर्ड आइलैंड तक कैसे पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, जो मेन आइलैंड के ऊपर टीम्स उतरती हैं उनके लिए तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि जो टीम्स लाइक अगर देखें कैंपोंग पे, उसके अलावा केव के एरिया में हमें कुछ टीम्स देखने को मिल रही हैं, उसके अलावा कैंप चार्ली में जो टीम्स हैं, इनको उस आइलैंड के ऊपर जाने के लिए कितनी ज़्यादा टीम्स के साथ फाइट करके जाना पड़ेगा, तो ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल सिचुएशन ज़रूर रहेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर हमारी नज़रें रहेंगी ऑन द स्क्रीन, हमारे पास टीम नंबर 5 TNL का स्क्वाड रहेगा, पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने खेला, एक डेडली टू वो जो T24 OP और शामीर का बचा हुआ था, इन दोनों ने काफ़ी अच्छा खेला और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकालने के बाद जो है वो अनफॉर्चुनेटली चिकन नहीं निकाल पाए, लेकिन किल्स अच्छे खासे निकाल के गए पिछले मैच में। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, जिस तरीके से इन दोनों प्लेयर्स ने खेला है, इनफैक्ट टीम टफ का भी मैं नाम यहाँ पे डालना चाहूंगा और टीम नेमलेस का भी डालना चाहूंगा। यस, वो बड़े पॉइंट्स प्लेसमेंट के वो नहीं लेके जा पाते हैं, लेकिन जो इनकी इंटेंट है, और टीम टफ ने जिस तरीके से बैक टू बैक दो फाइट विन ओवर की थी, 8 अच्छे पॉइंट्स नाज़रीन, और किसी भी स्टेज में, किसी भी यहाँ पे क्वार्टर फाइनल स्टेज में अगर आप लोगों को आगे बढ़ना होता है तो ये जो एक एवरेज पॉइंट्स रहते हैं 8-10 के, वो आपको लेके जाने ही चाहिए। और जितनी भी प्रो टीम है नाज़रीन, वो इस सारी चीज़ों में काफ़ी स्ट्रांग रहती है। मैं मुखातिब रहूँगा उन तमाम सेमी प्रो टीम्स के लिए जो कि थोड़ा बहुत डर के खेलना चाहते हैं, आप लोग ने बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप लोग ने बुलंद हौसलों के साथ खेलना है। किसी भी फाइट में अगर आप जा रहे हैं तो आप कंप्लीट होके जाएँ, एक एज अ टीम जाएँ, और बेशक आप चाहे फाइट हार क्यों ना जाएं, क्योंकि ये जो सफ़र है 5-6 मैचेस का, अगर आपका एक मैच बुरा जाता है, दूसरा मैच बुरा जाता है, तो उसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं होती, क्योंकि आप सिर्फ ऐसे पॉइंट सिस्टम में एक अच्छे मैच से दूर रहते हैं कि अपने आप को आप टॉप 3 या टॉप 5 की पोजीशन तक पहुंचा सकें। बिल्कुल अजय, तो उन्होंने सर्कल के अंदर जाना, लेकिन ड्रॉप क्लैश जैसे ही आपने ऑलरेडी हाईलाइट किया था एक चीज को कि हमें ना ही बूट कैंप के अंदर कोई ड्रॉप क्लैश देखने को मिला, ना ही पैराडाइज के अंदर, तो अभी फिलहाल के लिए शायद रुइंस में शायद दो टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आती हुई नजर आ रही हैं। टीम 14 उनके बिल्कुल सामने टीम 13 रहने वाली है, RES के स्क्वाड है और इनके 3 ही प्लेयर्स इस मैच में ज्वाइन कर पाएंगे, तो अर्ली स्टेजेस के ऊपर अगर आप इस मैन डिसएडवांटेज के साथ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं खिजर ये आपके लिए मुश्किल बना सकता है नेक्स्ट फेज। जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात रहेगी कि अगर एक ही प्लेयर के लॉस में आते हो एज अ 3-man रहोगे तो ऑलरेडी आपका जो एक इंटेंट है, आपकी जो एक सोच है, वो बन जाती है कि फाइट नहीं लेनी, क्योंकि जिस भी आप फाइट में जाओगे और उस टीम के पास चारों प्लेयर्स रहते हैं तो आप ऑलरेडी आउट नंबर रहते हो, यानी कि डिसएडवांटेज पोजिशन में रहते हो, और उस फाइट में अगर आप पहला नॉकडाउन ही खा जाते हो तो आप पे और ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ड्रॉप क्लैशेज हैं जिसकी हम बात कर रहे थे,
और टीम TOG स्पोर्ट्स अभी के लिए अपना कंप्लीट लूट डाउन कर चुके हैं, 2v2 फॉर्मेशन में रहते हैं, लेकिन इनके मुखालिफ जो टीम रहना चाहती है रहेगी, मैं उनकी फॉर्मेशन पे जरा सा ज्यादा यहाँ पे गुफ्तगू करूंगा, विच विल बी टीम एक्स जनरेशन। और मैं वही सोच रहा था कि कौन सी टीम ये रहने वाली, क्योंकि थक की जो पोजिशन रहती है तनवीर, अगर इस पे गौर फरमाया जाए, कोई भी प्लेयर अगर डिफरेंट एंगल से टीम एक्सजी पे स्पॉट बनाने की कोशिश करता है, सबसे पहले थग उन्हें शट डाउन कर जाते हैं। और ऐसी पोजीशनिंग अगर तो टीम टीओजी के प्लेयर्स भी बनाते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि पहला नॉकडाउन उनकी तरफ से निकाला जा सकता है। जी बिल्कुल, और एक्सजी के प्लेयर्स अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी उनके ऊपर होती है, लाइक ब्लड मून की बात कर लें, उनके तीनों प्लेयर्स बिल्कुल पीछे रहने वाले इनके। और दूसरी जानब अगर टीम 16 की बात कर लें, तो वो फ़िलहाल के लिए अच्छे कवर में मौजूद हैं, हार्ड कवर में मौजूद हैं, लेकिन उनको हर तरफ से घेरा जा चुका है टीम एक्सजी की जानब से। लेकिन किलफीड के अंदर TNL की टीम फाइट में आएगी, और T24 पीस मैच के अंदर अगेन अपना एग्रेशन दिखाते हुए बैक टू बैक प्लेयर्स को नॉक करते हुए, और शायद किल्स की कन्फर्मेशन भी देखने को मिल रही है। तो TNL की स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा डेडली एक स्टार्ट लेती हुई इस मैच में, और चाहेगी इस मैच में एक अच्छा फिनिश करने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए टीम एक्सजी वो अपने क्रॉस बनाए हुए हैं। ऑन द अदर साइड TNL के T24 OP दो किल्स निकाल चुके हैं, और अभी भी अपने टीममेट के साथ जो है आगे बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे। जी हाँ, और ज्यादा देर तक रोका नहीं जाएगा तमाम ही तर टीम को, लेकिन जिस ड्रॉप क्लैश का हम मंजर देख रहे हैं, थक के अलावा डिवाइन, अल्फा बॉय एंड अशद, ये तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जो किसी भी तारीफ के मोहताज रहते जरूर नहीं रहने वाले, लेकिन इंटेंट दोनों ही टीम की तरफ से थोड़ी बहुत रहती है कि वो पहली गलती दोनों ही टीम नहीं करना चाह रहे हैं, जिस वजह से अभी तक वो थमे हुए हैं, उन्होंने अपने कदम रोक चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त इन्वेस्ट किया जा चुका है इस फाइट में, क्योंकि सैनोक का पहला जो एक जोन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और 1.5 मिनट के अंदर अगला जोन आने वाला है। और अगर हम थोड़ा डिस्टेंस पर नजर दौड़ाएं, जो कि टॉप राइट साइड पर रहता है, 1200 मीटर, इन दोनों ही टीम को अपनी रोटेशन यहाँ पे दस्तूर करनी ज़रूर है, लेकिन लेकिन जिस तरीके से अभी के फाइट यहाँ पे रुकी हुई है, मुझे देख के ये लग रहा है कि दोनों ही टीमों के लिए आगे आने वाले वक्तों पे नुकसान और ज्यादा उजागर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक्सजी अभी इनको ये फाइट जल्दी से जल्दी खत्म करनी होगी, क्योंकि जोन का डैमेज आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप इस फाइट में जितना ज्यादा डिले करेंगे, उतना ही आपको नेक्स्ट स्टेजेस में मसले हो सकते हैं। लेकिन अभी तक एक्सजी के ठग वो अपनी हील्स वगैरह पूरी करके इसी एक एंगल के ऊपर रहना चाहते हैं, यहाँ से ही कुछ कवर फायर प्रोवाइड करना चाहेंगे, लेकिन BM के स्क्वाड से भी थोड़ा सा जो है मोहतात रहना होगा। दूसरी जानब अल्फा बॉय की बात कर लें, वो भी उस अपनी प्लेस के ऊपर रुके हुए, कोई भी टीम जो है ना वो ज्यादा एग्रेसिव होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन शायद अभी इन्होंने डिसीजन ले लिया है, आगे बढ़ना चाहते हैं अशद और साथ में उनके डिवाइन रहने वाले हैं, दोनों ही प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए। S12 के रहेगी अशद के पास, और डिवाइन के पास भी शॉर्ट गन रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे अशद को AKM के साथ डाउन कर दिया जाएगा। डिवाइन की बात करें तो DBS उनके हाथ में जरूर थी, लेकिन नॉक हो जाएंगे बैक एंड से। XG के ठग कवर फायर प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा नाकाम रहते हैं, और इसी के नतीजे में इनके तीन प्लेयर्स नॉक डाउन हो चुके हैं। लास्ट प्लेयर ठग रहने वाले हैं, इनके ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कवर फायर दिया जा रहा है, अपने प्लेयर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ पे ये कामयाब ना हो पाए, क्योंकि BM के प्लेयर्स वो भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं थर्ड पार्टी का निकले। और जी हाँ, यहाँ पे बैक एंड से BM की टीम भी एंट्री लेती हुई, और जो फिनिशिंग टच टीम टॉक देना चाह रही थी, टीम ब्लड मून आते हुए थर्ड पार्टी करते हुए एक बहुत बड़े नाम को इनिशियल स्टेजेस में ही एलिमिनेट किया जा चुका है, और अब टीम टॉक को भी ज़्यादा देर यहाँ पे रोक के नहीं रखेंगे। टीम ब्लड मून स्पोर्ट्स काफ़ी बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ के एक एक किल पॉइंट यहाँ से कन्फर्म ज़रूर कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा मूव था उनका कि फाइट में यहाँ पे पहले नहीं खुद को अंजाम लेके जाना, अपनी पोजिशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाना, जैसे ही दोनों टीम की हो जाती है बड़ी तेजी में खुद को थर्ड पार्टी का ऐलान करते हुए आगे बढ़ के ये सारे किल पॉइंट्स लेके चले जाते हैं। लेकिन टीम RES स्पोर्ट्स, जिसमें सिर्फ शेरा रहने वाले हैं, उन्होंने भी अपनी टीम के लिए पहला किल पॉइंट कंफर्म किया है, बट अनफॉर्चुनेटली इन सारे ही प्रोसेस में जो इन्होंने अपने दो प्लेयर्स गंवा चुके हैं, अब काफी ज्यादा मुश्किल इनके लिए रह चुकी है, क्योंकि टीम FMA हर तरफ से उनको घेरा तंग करके एलिमिनेट करने की कोशिश कर ही रहे थे, और ऐसे ही कुछ होता हुआ प्रेशर बना के टीम FMA स्पोर्ट्स एक और नंबर ऑफ टीम को यहाँ से एलिमिनेट कर डाली। जी बिल्कुल, और TNL की टीम थर्ड पार्टी करना चाहते हैं, यहाँ से किल्स उठाना चाहते हैं, और FMA के शायद प्लेयर्स को उठाया भी जा रहा है, शामिर अपने लिए एक और किल निकालेंगे, और
ओवरऑल किल्स की बात कर ले तो 5 किल्स इनके पास आ चुके हैं, और शायद ये किल कंफर्मेशन की गई अपने ही टीममेट की, तो किल तो इनके अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन टीममेट इनके जाहिर सी बात है खुश रहेंगे इस चीज़ से। लेकिन आलियान वो अपनी टीम को यहाँ से रोटेशन करवाना चाहते हैं फिलहाल के लिए। अगर सर्कल के ऊपर नजरें दौड़ाएं तो शायद एक अच्छी पोजिशन के ऊपर मौजूद है, क्योंकि इसी आईलैंड के ऊपर ये सर्कल रहने वाला था, लेकिन TLC की टीम यहाँ पे एंट्री लेती है और TNL की टीम के लिए मुश्किल बढ़ाई जा चुकी हैं। इनके एक प्लेयर को नॉकडाउन कर दिया जाएगा, शामिर भी काफी कम एचपी के ऊपर मौजूद हैं और इस प्लेयर के साथ 1v1 लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन बैकएंड से आएंगे TNL के आलियान और DBS चलेगी इनकी, इसी के साथ एक और किल अपने बैकपैक में डाला जाएगा। ओवरऑल 7 किल्स के साथ ये टीम सर्वाइव करते हुए जो 2 प्लेयर्स नॉकडाउन हुए थे उनको भी इजिली रिवाइवल दे दिया जाएगा। काफ़ी आसान रह रहा नाजरीन, काफ़ी आसान रहेगा टीम TNL के लिए सारे किल्स कंफर्म करना, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी इनको 7th एलिमेंट के साथ एड्रेस करने में ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन टीम TNL इट इज स्टेज 2 ख़त्म होने से पहले ये जो 2 स्क्वाड को वाइप कर चुके हैं ये लोग, क्लियर इंटेंट थी यहाँ पे नाजरीन, हम यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे हैं, एसेस कर रहे हैं कि टीम ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाह रही है, जा रहे हैं जो भी इनके सफ़र में आ रहे हैं, जो भी इनके रास्ते में कांटा बन के आ रहा है उसको साफ किया जा रहा है, उसका सफाया किया जा रहा है। और अभी के लिए 7 किल पॉइंट्स विदाउट हैविंग एनी लॉस इन सारी फाइट्स में, जी हाँ नॉकडाउन एक दो दफ़ा कोई ना कोई हुआ होगा, लेकिन एज अ कैजुअलिटी किसी भी प्लेयर को एलिमिनेशन के रास्ते तक पहुँचने नहीं दिया। और टीम 7th एलिमेंट्स आगे बढ़ के यही सारा दबदबा, यही सारा मुकाबला और ज़्यादा तेज़ी में करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, और फिलहाल के लिए TNL के पास जो इसकी एडवांटेज है इस जगह का हाइट एडवांटेज अगर ये उठाते हैं और लास्ट सर्कल की जो शिफ्ट्स होती हैं वो भी अगर इस जगह पे आती हैं तो ये टीम डेफिनेटली जो है ना एक अच्छी पोजीशन के ऊपर होगी इस को निकालने के लिए। लेकिन अगर सर्कल की बात करें तो जल्द ही सेकेंड्स में हमें नया सर्कल बनता हुआ नजर आएगा, और अगर ये सर्कल इस आइलैंड के ऊपर शिफ्ट करता है तो टीम्स जो मेन आइलैंड के ऊपर मौजूद हैं उनको जल्दी से जल्दी इधर आना होगा, क्योंकि पानी से रोटेशन में काफ़ी ज़्यादा टीम्स एलिमिनेट होती हुई हमें जो प्रीवियसली मैचेस होते हैं उसमें हमें इस तरह के सिनेरियो में देखने को मिलती हैं। लेकिन फिलहाल किलफीड में MRC की टीम वो भी एंट्री लेती हुई उनकी जानब से एक और नॉक निकाला जाएगा, और उस नॉक निकालने के बाद देखते हैं अभी क्या किल कन्फर्मेशन भी आएगी। और जी हाँ यहाँ पे टीम एक्स के ये प्लेयर रहते हैं और एक्स के एक प्लेयर को नॉकडाउन किया जा चुका है, बाकी के तीनों प्लेयर थोड़ा सा पीछे मौजूद है, अपने प्लेयर को रिवाइवल भी दिया जा रहा है, रिवाइवल देते हुए एक प्लेयर हमें देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन टीम MRC वो जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुकी है और वो इनसे फाइट लेना चाहेंगी, नेड आएगा एक अच्छा नेड और नॉक प्लेयर को अगेन नॉक किया जाएगा और रिवाइव देते हुए प्लेयर को भी गिरा दिया जाएगा। अभी जस्ट 2 ही प्लेयर्स टीम 10 के मौजूद हैं, लेकिन बैकएंड से कवर फायर दिया जा रहा है, MRC के छोटू को नॉकडाउन किया जा चुका है, इनको जो है कवर फायर देने के लिए बैकएंड से इनके प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता से क्लोज इन करते हुए शायद यहाँ पे टीम एक्स के लिए मुश्किल बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन अगर टीम एक्स यहाँ पे एक अच्छा कमबैक निकाल देती है, MRC के कुछ प्लेयर मजीद नॉकडाउन किए जाते हैं तो शायद इनके लिए आसानियां हो जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए एक और टीम TAS यहाँ पे एंट्री लेते हुए, शायद ये टीम थी जो पिछले मैच में विनर चिकन जो है चिकन डिनर भी निकाल के गई थी आई थिंक सो, तो ये टीम तो काफी एक अच्छे मोमेंटम के साथ इस मैच में ज्वाइन कर चुकी है, तो लाजमी से चाहेगी ये वाली फाइट निकाल। जी हाँ टीम ऑल स्टार के लिए मेरे ख्याल से खोने को इतना कुछ रहना नहीं वाला, लेकिन यहाँ से पाने को बहुत कुछ रहता है। लेकिन टीम एग्जीक्यूट जो पहला प्लेयर नॉकडाउन था उसको बचाने के लिए एक रेस्क्यू स्टेप उठाया जरूर गया था, लेकिन जो प्लेयर बचाने के लिए गया था अगला नुकसान उसी को उठाना पड़ता है। और टीम मर्सीलेस बड़े ही सुकून में, बड़े ही इंतजार में बैठे हैं, उनको पता है कि बिल आखिर टीम एग्जीक्यूट को चाहे वो रिवाइव भी हो जाते हैं उसी एरिया से आगे आना है, और सिर्फ टीम एग्जीक्यूट ना ही सही बल्कि टीम ऑल स्टार भी शायद वही एक रूट ऑप्ट आउट करें जोन में आने के लिए, लेकिन व्हीकल का हो जाना मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और डिले कर सकते हैं या कोई डिफरेंट एंगल से अगर आने की कोशिश करें तो डैमेज भी अगर मिल जाता है तो इतना ज़्यादा कुछ इनके लिए परेशानी का सबब रहेगा नहीं तनवीर, क्योंकि जब आपके पास सैनोक जैसे छोटे मैदान में कोई भी व्हीकल रहती है तो ऑलरेडी आपकी जो रोटेशन का टाइम है वो हाफ हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है। और टीम ऑल स्टार टॉप नॉर्दर्न साइड पे टाट मॉक के एरिया से आप देख सकते हैं लंबी रोटेशन करके आना चाह रहे हैं, यही फायदा होता है जब आपके पास ऐसे सैनों के मैदान पे व्हीकल का यहाँ पे यूजेस रहता है। और दोनों ही प्लेयर 2v2 स्प्लिट में डिफरेंट एंगल से उनमें आ चुके हैं, शायद आगे आने वाले सफर पे वो टीम मर्सीलेस को ही गेट कीप क्यों ना करना चाहें, क्योंकि जो टीम मर्सीलेस कर रहे थे अगर उनकी जगह मैं होता तो फिर मैं नहले पे दहला करते हुए टीम मर्सीलेस को ही जोन के अंदर आने से रोकता।
जी एक अच्छी मूव हो सकती है क्योंकि मर्सिलेस से जोन से बाहर हैं, तो उनको जोन के अंदर तो लाजमी आना ही है, लेकिन शायद टीम ऑल स्टार थोड़ा सा सेफ खेलना चाहें, कुछ ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहेंगे। पहला मैच तो अच्छा निकल चुका है, इस मैच में भी शायद उनका एम हो कि हम चिकन डिनर के लिए जाएँ, क्योंकि अगर आप मिनी मैप में देखेंगे तो टीम टफ भी उनके सराउंडिंग में देखने को मिल रही है, तो थर्ड पार्टी के भी कुछ खदशात ज़रूर रहते हैं, लेकिन TSF के प्लेयर्स वो जोन से बाहर ही नोक एंड एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। ऑन द अदर साइड TNL की टीम काफी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, सर्कल का एक एज उनके पास रहने वाला है, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज यहाँ पे खिज रहेगी, इनके पास हाइट एडवांटेज काफी अच्छा रहने वाला है, जिस जगह से ये चारों तरफ की आने वाली सभी टीम्स को देख सकते हैं कि साइड से कौन सी टीम जोन की एंट्री ले रही है, कौन सी टीम जो है जोन के अंदर आना चाहती है। और जी हाँ, उसी तरह से TSF के एक प्लेयर को स्पॉट किया जाता है शामिर की जानिब से, और शायद यहाँ पे की किल भी हमें थोड़ी देर में कन्फर्म होता हुआ नजर आए। बेशक, और एक एक किल कंफर्म करने के साथ ऐसी पहली टीम ये बन चुकी है जो कि डबल डिजिट्स पे पहुंच चुके हैं। आलियान को गवाया जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा किल पॉइंट्स इन सारे ही डिपार्टमेंट में, किल डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट आलियान ने ही किए थे। अगले बनते हुए T24 जो कि ऑलरेडी डोमिनेशन मोड पे आ चुके हैं, और गोकू बॉट जिस हाइट पे रहने वाले हैं, अगला निशाना, अगला शिकार वाइपर इनके क्रॉसियर्स में बहुत ही जल्द आने वाला है, लेकिन अलग अलग एरिया से अलग अलग किल को कन्फर्म करते हुए टीम सेवेंथ एलिमेंट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे ख्याल से आज के दिन वो रिकॉर्ड सारे टूट तोड़ के ही जाना चाहेंगे, लेकिन व्हीकल का हो जाना और वाइपर का वहाँ पे तेजी में निकल जाना टीम सेवेंथ एलिमेंट के लिए, वो बार बार किल थोड़ी रुकावट बन के जरूर आना चाह रहा है। और अब वक्त हुआ जाता है टीम सेवेंथ एलिमेंट का भी जोन के अंदर जाने का, क्योंकि स्टेज फाइव बनने वाली है, और आप सब जानते हैं नाजरीन के स्टेज फाइव में आपकी हेल्थ बार काफी ज्यादा चंक्स में डिप्लीट आउट होती है। जी बिल्कुल, और टीम KHK यहाँ पे मौजूद टीम ऑल स्टार वो कहीं ना कहीं जोन के अंदर अपनी एंट्री बनाने में कामयाब हो चुके हैं, और नेक्स्ट सर्कल जो है वो भी कहीं ना कहीं उनके पास थोड़ा बहुत फेवर रहेगा, और उसी का एडवांटेज भी उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बाकी के प्लेयर्स के ऊपर नजरें दौड़ाते हैं, वो भी सर्कल के अंदर आना चाहते हैं। टफ के जो है एक प्लेयर को नॉक डाउन किया जाता है, और शायद यहाँ पर टफ भी थोड़ी सी मुश्किल में जाती हुई, ऑलरेडी ही दो प्लेयर्स के साथ खेलते हुए नजर आ रहे थे, तो उनमें से भी एक नॉक डाउन हो जाते हैं, और अभी जो है टीम TNL के ऊपर नजरें रहेंगी। 11 किल्स इनके पास आ चुके हैं, 3 मैन रहने वाले हैं, गाड़ी लेके नीचे जाने की कोशिश में लग चुके हैं, लेकिन जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे BM के अल्फा रहने वाले हैं, शायद यहाँ पे अल्फा के साथ क्लैश हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पे उनके साथ रुका जाएगा, और शायद यहाँ पे एक फाइट भी हमें देखने को मिलेगी, और इसी के साथ यहाँ पे TNL के प्लेयर जाते साथ एक नॉक जरूर निकालते हैं, लेकिन ब्लड मून की जानिब से थर्ड यहाँ पे कवर फायर आएगा, और उसके नतीजे में टीम TNL के प्लेयर्स को नॉक डाउन कर दिया जाता है, लेकिन एक प्लेयर यहाँ पे मौजूद जरूर रहने वाले हैं, फाइट लेकर उसी के साथ यहाँ पे ब्लड मून के स्पॉट को इलिमिनेट कर दिया जाएगा टीम TNL की जानिब से। ऑलरेडी 11 किल्स उनके पास मौजूद थे, अभी 13 किल्स के साथ ये टीम हमें इस मैच में खेलती हुई नजर आएगी। शामिर नॉक डाउन हो चुके थे, लेकिन रिवाइवल दिया जा चुका है, ये टीम अभी नहीं चाहेगी, TNL बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं उनके किल्स को हम छोड़ें, लेकिन टीम ऑल स्टार वो अभी सर्कल से बाहर जा चुके हैं, नेक्स्ट सर्कल उनसे दूर जाता हुआ, और MRC की टीम भी मुश्किलात में आती हुई, उनके प्लेयर्स को भी सर्कल के अंदर जाना है, लेकिन छोटू वो दूसरी जानिब थोड़ा सा अच्छा कवर फायर निकालते हुए शायद कोशिश करेंगे अच्छे खासे किल्स उठाने की, लेकिन पानी के बाहर आप मौजूद है, और वाटर क्रॉस करके जाना है, जिसका नुकसान उठाएंगे, डेंजर पानी के अंदर ही नॉक डाउन हो जाते हैं बेशक। लेकिन प्लेयर्स जो आखिरी बचे हैं इनके, फिनिक्स और छोटू, फिनिक्स के पास यहाँ पे 10 फर्स्ट एड किट जो मौजूद रहने वाली है अपनी टीम के लिए, वो हील बैटल यहाँ से स्टार्ट करके जा सकते हैं। किल पॉइंट्स इनके पास काफ़ी अच्छे आदाद में आ चुके हैं, सर्वाइवल पॉइंट्स का इस मुकाम पे जोड़ना काफ़ी अहम रहेगा ज़रूर, और यही कुछ हो जाता है छोटू जो कि कोशिश कर रहे थे जोन के अंदर आने की, बिल आखिर उनकी कोशिश नाकाम होती भी, लेकिन इनका एक खिलाड़ी जोन के बाद हील बैटल में जा रहा है, शायद सेवेंथ एलिमेंट यहाँ से सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहेंगी। 17 किल पॉइंट ऑलरेडी रहते हैं, गोकू बॉट पीछे रह के अपनी टीम के लिए एक एक किल वो जो कंफर्म करके जा रहे हैं, टीम्स को 20 के मार्कर से बहुत करीब लेके जाया जा रहा है। गोकू बॉट अपनी टीम से काफी अलग रहते हैं, और उसी अलहदगी में वो टीम FA में शायद वहां पे फंस चुकी है, और वो खुद से भी यही कह रहे होंगे कि हम यहाँ पे कैसे आ गए, क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि सेवेंथ एलिमेंट के दो प्लेयर्स अलहदा तरफ से उनको पे प्रेशर बना के रखे हुए, और गोकू बॉट आसमान की उस ऊंचाई से उनको बिल्कुल भी मौका ही नहीं दे रहे कि वो सुकून की सांस ले सके।
जी बिल्कुल। और TNL के गोकू पोर्ट 4 किल्स उनके पास रहेंगे, लेकिन T24 OP ये काफी अच्छी तरह से खेलते हुए पिछले मैच में भी लास्ट तक अपनी टीम को लेके गए थे, और आई थिंक सो हाईएस्ट किल लीडर में भी इनका नाम कहीं ना कहीं जरूर से नजर आया था उसमें अपनी टीम में से। लेकिन फिलहाल 4 टीम्स बाकी रहने वाली हैं और 7 प्लेयर्स रिमेनिंग रहेंगे, 2 प्लेयर्स FMA के रहने वाले हैं। TNL की बात कर लें, 3 प्लेयर्स उनके मौजूद हैं, तो यहाँ पे 3v2v1 की सिचुएशन बनती हुई टीम 18 के भी एक प्लेयर हमें इस सारे सिनेरियो में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो भी सर्कल से बाहर ही एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी जस्ट 3 प्लेयर्स रहने वाले हैं और TNL की टीम अभी FMA के साथ फाइट लेते हुए शामीर DBS उनके हाथ में आगे बढ़ते हुए शायद यहाँ पे एक DBS का अच्छा शॉट हमें देखने को मिल सकता है। शो क्लोज रेंज के अंदर DBS के साथ अगर कोई प्लेयर आगे एग्रेस करता है तो यकीनी वो नॉक निकाल लेते हैं, लेकिन नेट के साथ उनका वेलकम किया जाता है और नेट काफी अच्छा रहता है। लेकिन एमिनेंट यहाँ पे क्या ही खेल रहे हैं, बैक टू बैक नॉक किया जाता है, किल कंफर्म किया जाता है और उसी के साथ यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर जाएगा टीम FMA के पास। बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने लास्ट फाइट निकाली और TNL के प्लेयर्स को जिस तरह से गिराया, नेट के साथ वेलकम किया, एक नॉक निकाला, देन दोबारा DBS के साथ एक प्लेयर को डाउन किया और लास्ट प्लेयर को एंड पे फिनिश करके अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत विनर विनर चिकन डिनर निकाला जाएगा इनकी जानिब से। जी हाँ बेशक, और यहाँ पे तख्ते बदल दिए जाते हैं, पलट दिए जाते हैं, टीम सेवेंथ एलिमेंट एक्स TNL को रोका जाता है 20 के मार्कर तक पहुंचने के लिए। शायद अगर मैं गलत ना हूँ नाजरीन, तो 19 किल पॉइंट के साथ उनको #2 तक महदूद किया जाता है और टीम FMA चिकन डिनर के वो 10 भारी पॉइंट्स अपने साथ वो ले जरूर जाते हैं। किल पॉइंट्स थोड़े कम रहने वाले थे लेकिन एंड में जिस टीम को उन्होंने मारा है मेरे ख्याल से इस चीज पे उनको सराहना जरूर बनता है। और सेवेंथ एलिमेंट्स आज के दिन के दूसरा विनर विनर चिकन डिनर गवा जाते हैं। इससे पहले रेंगल में भी यही चीज हुआ तनवीर, जैसा कि हमने देखा था कि टीम ऑल स्टार्स आगे बढ़ती थी, शामिर के साथ ये 1v2 फाइट बनी जरूर थी लेकिन काफी नजदीक थे, लेकिन उनको बताया जाता है कि विनर विनर चिकन डिनर इतना आसान रहेगा नहीं। सेकेंड मैच में भी कुछ वो ऐसे ही कर जाते हैं लेकिन मेरे ख्याल से कोई परेशानी की बात रहती नहीं है क्योंकि किल पॉइंट्स उनका इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था वो डिपार्टमेंट के किल पॉइंट्स के बेसिस पे ही। अगर ओवरऑल स्टैंडिंग से हम थोड़ी बहुत बात करें तो ऑलरेडी वो अच्छे पायदान पर रहेंगे। लेकिन नाजरीन नाजरीन आप लोगों से मैं मुखातिब रहूंगा कि हमारा दूसरा मैच अपने खिताम पे पहुंच चुका है। अगर आप इन सारे एक्शन को एंजॉय करें, जाएगा कहीं भी मत, हमारे साथ बने रहिए, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक फॉर मैच नंबर 3। You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. You control me. Guilty self-affliction.
You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. When I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. नाजरीन वेलकम बैक टू पबजी मोबाइल के टू गेमर शोडाउन यूनिवर्सिटी शोडाउन। और आज के दिन के जो दो मैचेस हैं वो अपने इख्तिताम पे पहुंच चुके हैं, लेकिन सफ़र जो एक्शन है, ये जो मुकाबला है वो चलता रहेगा आज के मजीद दिनों में। लेकिन अपने साथ में आज के दिन वेलकम करना चाहूँगा एक बार फिर एक मैच के एक ब्रेक के बाद। आरिस वेलकम बैक, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम हिज। और जिस तरह के दो मैचेस जा चुके हैं सैनोक एंड रिंगल, और मैं कहता हूँ कि भी इतने दिलचस्प गेम हो चुकी है। और आपको ये चीज़ बता दी है TNL ने कि चिकन डिनर ज़रूरी नहीं है, किल्स भी ज़रूरी है। यू गाइस गो फॉर किल्स, थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना भी स्टार्ट कर दें। और ऑफ कोर्स एक बड़ा एक्सपीरियंस है TNL के पास, PMGC खेल के आ चुके हैं, काफ़ी एक एक्सपीरियंस टीम आपके साथ खेल रही है, तो कुछ उनको कॉपी करें कि यार उनका क्या प्लान क्या है, उनको खेल किस तरह रहे। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बात की जाए खेज इसके ऊपर कि हम, मेरे ख्याल से ये चीज़ में कोई बुराई नहीं है, अगर किसी की अच्छी चीज़ है तो उसको अपनाएं, थोड़ा किल्स की तरफ जाएं। और मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल स्कोर की अगर बात करें तो सिर्फ किल्स की वजह से जो TNL है वो टॉप टेबल पे होगी। वेल डेफिनेटली, और ये चीज़ रिफ्लेक्ट भी करती है ना आपकी सारी परफॉर्मेंसेस को, क्योंकि एक क्वार्टर फाइनल स्टेज है, यहाँ से आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीफाइनल आएगा, फिर ग्रैंड फाइनल होगा जिसका इनामी रकम 10 लाख पाकिस्तानी रुपीस रहता है। लेकिन इन सारी ही चीज़ों को डिस्कस करने के साथ साथ मैप रोटेशन, जो लोग सवाल कर रहे थे, इस कश्मकश में थे कि मुकाबला कौन कौन से जंगी मैदान में होगा, नाज़रीन ये आप लोगों के सामने मौजूद है। पहला खेले जाने वाला मैदान रेंगल का था, जिसमें ऑलरेडी टीम ऑल स्टार्स ने अपने झंडे गाड़ चुके हैं। अगला मैदान खेला गया सैनोक के तेजी मैप पे, जिसपे जीते हैं टीम, एक और जीती है टीम FMA। यस, और अगला दोबारा से खेला जाएगा रेंगल के रवायती मैदान पे, फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी। मीरामर में चौथा मैदान खेला जाता है, फिर आज का जो आखिरी पांचवा मैदान रहेगा रेंगल, कुछ इस तरीके की मैप रोटेशन रहेगी। टीम्स को सिर्फ मेक श्योर ये करना है कि आप क्वार्टर फाइनल के स्टेज से आगे बढ़ के सेमीफाइनल तक पहुंचे। जो गलतियां आपने पहले मैच में कर दी, अब अगले जंगी मैदान में आपने वो बिल्कुल भी गलतियां दोहरानी नहीं है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, पॉइंट स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, हालांकि अब ये नया पॉइंट स्ट्रक्चर रहा नहीं है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के बाद किल डिपार्टमेंट आपको स्ट्रॉन्ग करना काफी अहम रहता है। लेकिन एक दफा दोहरा देते हैं, फर्स्ट पे आने वाली टीम, यानी कि टीम जो गेम का विनर चिकन डिनर हासिल करेगी, उनको मिलेंगे 10 प्लेसमेंट पॉइंट्स। सेकंड पे आने वाली टीम को मिलेंगे 6, थर्ड पे आने वाली टीम को मिलेंगे 5, ऐसे ऐसे 4 और 5 और 6 तक आपको पास मिलेंगे 4, 3 और 2 प्लेसमेंट पॉइंट्स। 7th और 8th प्लेसमेंट पे अगर आप एलिमिनेट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेसमेंट पॉइंट को आपको नवाजा जाएगा। और काफी अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 9-16 तक अगर आप एलिमिनेट होते हैं, अगर आप फिनिश होते हैं, तो 0 पॉइंट्स आपको मिलने जाएंगे। लेकिन अगर इन सारी ही प्रोसेस में आप अपने पास किल डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो एक एक किल का आपको फायदा होगा, एक एक एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ। बिल्कुल, और जहाँ तक लगता है कि TNL ने खाली आखिरी चीज़ देखी है, पूरे पॉइंट सिस्टम को इग्नोर करके उन्होंने कहा यार किल करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, तो मेरे ख्याल से TNL ने ये चीज़ कॉपी कर ली। बट स्टिल अगर बात की जाए पॉइंट सिस्टम की, तो ऑफकोर्स आपको प्लेसमेंट पॉइंट भी चाहिए होते हैं, आपको किल पॉइंट्स भी चाहिए होते हैं, तो आपने मद्देनजर रखना है अपने आप को कि किस तरह आपने पूरी गेम को अंजाम देना। थोड़ा सा टीम की इन्फॉर्मेशन रखा करिए दोस्तों कि टीम्स कहाँ कहाँ मतलब कि भी लैंड होती हैं, उनका क्या ड्रॉप स्पॉट रहने वाला है, और वो किस किस तरफ से रोटेट करती हैं, और सर्कल अगर किस साइड पे जाएगा, हमें रास्ते में कौन सी टीमें मिल सकती हैं। अगर यहाँ पर अगर आप नोवो उतर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई मिल्टा में कौन सी टीम है, फार्म पर कौन सी टीम है,
और यहाँ से निकलेंगे तो हमें कौन कौन गेट कीप कर सकता है अगर सर्कल हमारे पर नहीं रहता। तो मोस्टली अगर आपको पता है कि नोवो साइड बेस साइड हमें काफ़ी कम चांसेस मिलते हैं कि सर्कल उस तरह उस जानब बनता हुआ नजर आए। अगर बनता है तो सबसे टफ मैच भी वही होता है। वेल डेफिनेटली, और एरेंगल का जिस हम जोन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं उसको नाज़रीन कहते हैं सेकेंड आइलैंड जोन, जहाँ पे नोवा और मिलिट्री आइलैंड ही रहता है। और जब जोन वहाँ पे बन जाता है तो ब्रिज फाइट और कुछ प्लेयर्स अपनाते हैं पानी से आने का ऑप्शन, तो वो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी जो बन जाती है, इंटेंसिटी रेज होती है। और बीइंग द बिल्कुल व्यूअर, हम भी जो मैच को अगर कॉमेंट्री कर रहे हैं कास्टिंग कर रहे हैं, तो एज एन ऑब्जर्वर हम भी काफ़ी ज़्यादा खुशगवार रहते हैं देखने के लिए कि वो कौन सी टीम उजागर होगी, कौन सी टीम उन सारे चैलेंजेस को अपनाते हुए वो जीतेगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी को रेज करती हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी सिर्फ क्वार्टर फाइनल रहता है, क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल आएगा। क्वार्टर फाइनल के भी यहाँ पे तीन चार ग्रुप रहते हैं। अगर आप लोगों को ये सारी मालूम हासिल करनी है, आप लोग से मैं गुजारिश करता हूँ कि के टू गेमर्स का जो इंस्टाग्राम है, सोशल लिंक है, ऑब्वियसली आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप लोगों को सिर्फ जाके उस लिंक को क्लिक करना है और इन सारी खसूसी मालूमात से आप खुद को आगाह कर सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप कब खेले जाएंगे, टीमें कौन सी बिल्कुल रहती हैं, और ये सारी जो चीज़ें रहती हैं काफ़ी ज़रूरी है ये सारा चीज़ें रहना, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी जहाँ पे जो नॉलेज उसमें इजाफा हो जाता है। क्योंकि हम अक्सर औकात देखते हैं, हमारे हम बात भी कर रहे थे कि जो ऑडियंस है देखने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, वो कशमकश में रहते हैं कि भाई किसके मैचेस हो रहे हैं, कितने मैचेस होंगे, और इस यहाँ से कितनी टीमें आगे जाएंगी, तो बहुत सारे सवाल आपके उस जगह पे जाके क्लियर हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये चीज़ क्लियर अप हो जाती है। और ये अगर इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो आपको जितने भी इवेंट्स का जो हमारे आजकल के दौर में इस तरह के मौके प्रोवाइड कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, यू गाइज नीड टू सपोर्ट देम, क्योंकि बहुत कम है, बहुत कम है दोस्तों। और जो कर रहा है काम तो मैं कहता हूँ उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें, चाहे वो कोई भी हो। वो अगर पबजी कम्युनिटी पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है तो यू गाइज़ हैव टू सपोर्ट देम। इवन अगर बात की जाए कास्टर्स की, मैं बात करता हूँ, मैं खेज की बात करता हूँ, हिज इज़ दी वन जो कम्युनिटी के अंदर काफ़ी पुराने हैं और मेरे ख्याल से हर प्लेयर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डू फॉलो हिज एज वेल। हिज मुझे उसका इंस्टा प्रॉपर वो कहते हैं ना @rates के साथ नहीं पता, ऑफकोर्स वी नो दैट कि यार हमने एक दूसरे को फॉलो किया, बट स्टिल खैर आप अपना इंस्टा ज़रूर बताएं। और ऑफकोर्स मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करता हूँ हर जगह पे, जो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं यू गाइज हैव टू सपोर्ट देम। वेल थैंक यू हारिस, आपने इतना ज़्यादा यहाँ पे मुझे एजाज़ दिया। वेल नाज़रीन, यस, ये जो कुछ चीज़ें चल रही हैं, मैं अगर आप ऐसी कोई टीम है, सेमी प्रो टीम है, और आप लोगों ने इस मुकाबले से आगे बढ़ के आना है, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके उन नामों के साथ आपका मुकाबला है जो ऑलरेडी कुछ करके जा चुके हैं और कुछ करें, इनफैक्ट जैसे कि टीम बिल्कुल 7 ही है, करंट टीम नेमलेस जीसी तक पहुंच चुके हैं 3 साल में। आईएट के बाद एक ऐसी टीम है जिन्होंने अपने आप को जीसी तक पहुंचा है। हमारे रीजन के लिए, पाकिस्तान रीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि प्राउडी चीज़ है ये। और इस चीज़ का यहाँ पे जो एक एग्जांपल आप भी खुद अपने ऊपर भी ले सकते हैं कि पहले साल में ही इतना खुद को आगे तक लेके चले जाना, तो व्हाई नॉट यू गाइज। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से और अच्छी टीमें उभर के आएँ, और इससे अच्छा बेटर प्लेटफॉर्म रहते हैं कि K2 गेमर्स आपके लिए जो ये प्लेटफॉर्म लेके आया है, क्वार्टर फाइनल में ही आप लोगों को उन दो दो तीन तीन नाम के साथ जो मुकाबला करना पड़ रहा है, ये आपके लिए टेस्ट है, ये आपके लिए ट्रायल है, आपको उन मुकाबलों में डाला जा रहा है देखने के लिए कि आप क्या उन बड़े मरहले के लिए तैयार हैं कि नहीं। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल वो और ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, और सेमीफाइनल के बाद फाइनल्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता सकता, मेरे हाथ बांध दिए गए हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता लगानी है तो आप लोगों को सिर्फ थोड़ा इंतज़ार करना है और इस इवेंट के साथ कनेक्टेड रहना है। जो भी चीज़ें होंगी वो रिवील आउट होती जाएंगी, और आप लोगों से यही हम दावा करते हैं कि हर आगे आने वाले दिन में जैसी कंपटीशन आगे जा रहा होगा, बेहतर आपको बेहतर होता हुआ दिखेगा, और आप लोगों की यही सारी सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। टीम्स खेल रही हैं, हम आके कोशिश कर रहे हैं कि उसको अच्छा एक्सपीरियंस बनाएं, और आपका भी यही कंट्रीब्यूशन रहता है कि तमाम ही टीम तमाम ही प्लेयर्स को आप आके सराहें, उनको आप मोटिवेट करें, उनका मुराल अप करें। क्योंकि जैसा कि हारिस ने बताया, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है, और हम चाहते हैं कि हम इतना जो पीछे रह गए हैं इस साल एटलीस्ट कुछ अलग हो, कुछ बेहतर हो। तो इन सारी चीज़ों में आप लोगों ने हमें बहुत बहुत ज़्यादा मदद करी। बट इसी मैच इसी बात बातें करते करते भाई मैच स्टार्ट हो चुके हैं, मैच की जानिब बढ़ते हैं। और मैं ज़रूर यहाँ पर भी तनवीर को वापस से दावत देना चाहूँगा कि प्लीज़ तनवीर
कम एंड ज्वाइन द स्टेज। और साथ ही साथ जो फ्लाइट पाथ है उसकी अगर बात करें दोस्तों, फ्लाइट पाथ बिल्कुल सुवर्णी से होता होता फेरीपेर एंड बेस के जी एरिया को क्रॉस करेगा। बट मेरे ख्याल से किसी टीम को मुश्किलात नहीं होंगी। ऑफ कोर्स लपोवका, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट लपोवका, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द मेल्ट पावर, यू गाइस नीड टू कैरी सम व्हीकल्स, तो वहाँ तक जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। एवरी वन नो दैट कि कहाँ कहाँ से व्हीकल मिलेंगी, कहाँ कहाँ ड्रॉप ले सकते हैं। तो कभी कभी आपके साथ वो मोए मोए वाला सीन हो जाता है कि गाड़ी आपको नहीं मिली, बट सम टाइम मोस्टली अगर बात की जाए तो मोस्टली आपको गाड़ी वहाँ से मिल जाती है। यू गाइज गेट सम बाइक, सम टाइम बाइक खड़ा होता है, समथिंग थ्री सीटर खड़ा होगा, सम टाइम देर इज अ कूब, आप फोर सीटर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, टू सीटर थ्री सीटर मिल जाएगी। तो पबजी आपको सरप्राइज करता रहता है, बट सर्कल आपके सामने अभी कुछ देर के अंदर अपीयर हो जाएगा। तनवीर वेलकम बैक वंस अगेन ऑन दिस स्टेज, और आपके सामने जो माहौल चल रहा है, वाह, आज इस गेम में मैं कहता हूँ तबाही मचने वाली है। लेट्स सी टीएनएल क्या करता है इस गेम। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हारिस यहाँ पे मुझे वेलकम करने के लिए। जैसे ही आपने बात की मैच की, तो मैच डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा इस मैच में। एक अच्छी चीज़ हारिस ये रहने वाली है, क्योंकि पहला जो इरेंगल का मैप था उसमें टीम्स को आइडिया नहीं था एक दूसरे के ड्रॉप्स का, तो इस मैच में सभी टीम्स को पता है कि कौन से ड्रॉप के अंदर कोई ना कोई टीम आती है, तो शायद कुछ ड्रॉप क्लैशेज जो हैं वो कम होते हुए नज़र आएँ। अर्ली स्टेजेस के ऊपर जो टीम्स पहले एलिमिनेट होती हैं वो तो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा चांस मिल जाएगा इस मैच में अच्छा परफॉर्म करने का, क्योंकि इस टूर्नामेंट में इस स्टेज पे आपके पास रेस रहती है टॉप एट आने की, क्योंकि टॉप एट टीम्स ही जाएंगी हमारे सेमीफाइनल्स में इस बड़े प्राइज पूल का हिस्सा लेके जाने में जो है एक सफ़र जो अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है उसमें कामयाब होंगी। तो देखते हैं अभी आज के इस ग्रुप में कौन सी वो एट टीम्स होंगी, कौन सी वो खुश नसीब टीम्स होंगी जो अगले स्टेज में जाती हुई नज़र आएंगे। लेकिन जैसे ही हम ड्रॉप क्लैशेस की बात कर रहे थे, तो शायद यहाँ पे पहला ड्रॉप क्लैश बनता हुआ एसटीआर की स्क्वाड पीएनएल के बिल्कुल पास उतरती जरूर है, लेकिन व्हीकल्स लेके यहां से वापस चले जाएंगे। बिल्कुल यहां पर कुछ डैमेज भी हमें देखने को मिला कि डैमेज भी प्रोवाइड किया, बट टीएनएल यहां पर आराम सुकून से अपने एरिया के अंदर राज करते हुए दिखेगी कुछ ही देर के अंदर। बट दूसरे एड पे अगर बात की जाए, हमें टीम्स जो हैं गुत्थम गुत्था होते हुए अभी तक तो दिखी नहीं है, अभी तो बिल्कुल अपने साइड टू साइड फाइट होते हुए नजर आ रही है। आई कैन सी के भी जो जॉर्जियापोल वाली साइड पे हमें टफ एंड एक्स में भी अगर लूट करके थोड़ा सा मूव ऑन करें तो उनकी आपस में एक फाइट हमें देखने को मिले। बट फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो जो सिनेरियो है वो लूट अप का ही है। वी कैन सी दैट कि यहाँ पर टीम एक्स जो है वो जॉर्जियापोल में लूट कर रही है, उनके बिल्कुल ही पास में मद्दे मुकाबल यहाँ पर हमें देखने को जो टीम मिल रही है वो टीम रहेगी, ऑफकोर्स ये टीम एक्स रहेगी। और एक्स मेरे ख्याल से पिछले कुछ टाइम से सफ़र थोड़ा कर रही है, बट मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं रहेगा। काफ़ी खूबसूरत गेम प्ले इनकी भी हमें देखने को मिली है कुछ टाइम के अंदर, और आगे भी इसी तरह ही गेम करते रहेंगे। बट दूसरी साइड पे अगर बात की जाए तनवीर, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमें टफ होते हुए दिख रही। जी बिल्कुल, जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे, टीम्स जो पहले मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई होंगी उनके पास जो चांसेस हैं वो कम होते हुए नजर आएंगे, तो डेफिनेटली वो चाहेंगी कि अगले मैचेस उनके अच्छे जाएं और उसमें वो अपना 110% देते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस मैच में कोई और भी टीम है जो ड्रॉप क्लैश लेती हुई नजर आई है। फिलहाल के लिए जो टीम्स एक दूसरे के आसपास उतरी जरूर थी, लेकिन वो थोड़ा सा बैकआउट करके चली जाती हैं। लेकिन जी हाँ, यहाँ पे एक और ड्रॉप क्लैश बनता हुआ हमारा प्रीमोस का एक एरिया रहता है, जहाँ पे टीम 12 और टीम S1 रहने वाली है, उनके बिल्कुल साथ RES का स्क्वाड मौजूद है। दोनों ही टीम्स के पास चार के चार प्लेयर्स मौजूद रहने वाले हैं और चार फोर वर्सेस फोर एक प्रॉपर फाइट बनती हुई नजर आएगी। लेकिन इस ड्रॉप पॉइंट से हट के पहले किल फेट में हमें TSF की टीम रूनमा होती हुई वुल्फ की जानिब से पहला ब्लड निकाला जाएगा इस मैच में, और जोरो एक और नॉक निकालते हुए टीम TSF शायद यहां पे एक अच्छे किल्स उठाने में कामयाब हो सकती है, और एक और नॉक निकाला जाएगा या शायद किल कंफर्मेशन की जाएगी। लेकिन TLC की टीम अपने दो प्लेयर्स को गवा चुकी है, दो ही प्लेयर्स बाकी रहने वाले हैं, और TSF के प्लेयर्स वो आहिस्ता आहिस्ता से आगे आते हुए अग्रेसिव होते हुए वुल्फ बिल्कुल पास आ चुके हैं और तैमूर के बिल्कुल जो है सामने ये दोनों प्लेयर्स मौजूद हैं। शॉर्ट गन के इनके हाथ में रहने वाली है, और शॉर्ट गन के साथ अगर क्लोज रेंज में अगर आप फाइट में जाते हो तो आप जो है इस फाइट को शायद आसानी से विन कर सकते हो। बिल्कुल, यहाँ पे शॉटगन के साथ एक अच्छी गेम प्ले हो सकती है, बट हे यू गो, यू कैन सी दैट शॉटगन जो रहने वाली थी ये दो, ऑफ कोर्स दिस शॉटगन इज लिटरली, अगर आपने प्रॉपर रजिस्टर नहीं की, ये ऑफ कोर्स डैमेज तो प्रोवाइड करती है, और यहाँ पर अगर आपने इस गन के साथ आगे मूव करना है
यू जस्ट नीड टू एम हेड, आपको सिर्फ सिर्फ की तलाश ही होनी चाहिए कि यार के हेड पे एम करूंगा तो ही कुछ सीन बनता हो जाएगा। चार किल्स है पहली टीम को अलविदा करते हुए इस पूरी लॉबी से, एक तगड़ी लॉबी से। मैं कहता हूँ दिस टीम इज टी एस एल विद फोर एलिमिनेशन, कोई प्लेयर लूज नहीं किया, जो सबसे अच्छी बात थी वो यही रहेगी। और जोरो जो कि 1v3 इस टीम के ऊपर करते हैं, दिस इज क्वाइट अमेजिंग कि उनको एक अच्छा चांस मिला इस पूरी टीम को एलिमिनेट करने का। बैठा अभी तक अगर बात की जाए, एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, एक प्रिमोस के एरिया के अंदर सन्नाटा सा छाया हुआ है। आरईएस के बॉयज़ है जो कि आराम से एक पोजीशन लेफ्ट राइट लेते हुए हमें दिख रहे हैं, बट एस वन जो कि अपने एरिया से मूव भी नहीं करना चाह रही। रोमियो हैव ए गुड लोकेशन, रोमियो को अगर आप देखें, रोमियो प्रोवाइड कर सकता है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कि किस एरिया से आ रहे हैं, बट अगर आप अगर बात करें आर ए एस की, तो वो यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ी सी पोजीशन लेफ्ट टू राइट करके अब कंप्रोमाइज कर रहे हैं। सुफियान हैव ए गुड प्लेस, जैसी बात करने लगा था सुफियान की, और सुफियान ने पहला एलिमिनेट कर दिया, पहली ओपनिंग निकाल लिया। एंड नाउ टीम के अंदर वो कहते हैं एक कश्मकश सी छा गई होगी कि यार के अब क्या करें, वी हैव ए लाइबिलिटी, मतलब कि उनको अपने प्लेयर को रिवाइव भी करना है। अगर इफ देर इज नो पॉसिबिलिटी टू रिवाइव दिस प्लेयर अनलेस के यहाँ पर सुफियान को नॉक फिनिश किया जाए। जी बिल्कुल, और सुफियान जिस जगह पे मौजूद हैं यहाँ पे अगर नॉक हो जाते हैं तो शायद इनको टीममेट्स की तरफ से कुछ भी हेल्प जो है वो ना मिल पाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो ऐसे लग रहा है कि शायद सुफियान थोड़ा सा हावी होने वाले हैं टीम आरईएस के ऊपर, क्योंकि एक प्लेयर उनके जो नॉकडाउन हो चुके हैं उनका किल भी शायद थोड़ी देर में कंफर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सुफियान ने इस जगह को होल्ड किया, जिस तरह से ये मूव निकाली गई इस टीम से, 3-1 का एक स्प्लिट लिया गया, और उस सारे स्प्लिट में टीम 13 को सैंडविच सिचुएशन में फंसाते हुए नज़र आए, और उस चीज़ का जो है ना एक पहला जो है किल भी टीम S1 के खाते में जा चुका है। 3 प्लेयर्स अभी बाकी रहेंगे टीम RES के, और बादशाह वो भी जिस जगह पे मौजूद हैं, अगर इस जगह पे टीम S1 की बाकी के प्लेयर्स पुश करते हैं तो शायद एक और नॉक और एक और कंफर्म भी इस टीम का हमें होता हुआ नज़र आए। लेकिन ड्रैगो दूसरी जानब एक अच्छे एंगल के ऊपर जाते हुए शायद सपोर्ट करना चाहते हैं सुफियान को, तो देखते हैं क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं। लेकिन बादशाह 69 के वाइपर उनके बिल्कुल सामने मौजूद हैं, कुछ स्प्रेज देने की कोशिश की जाती है लेकिन कामयाब नहीं होंगे। ऑन द अदर साइड सुफियान के ऊपर भी नज़रें रखनी होंगी, साथ ही साथ सुफियान अगर एक अच्छा एंगल निकाल लेते हैं शायद इस रूफ टॉप के ऊपर इनको भी एलिमिनेट करते हुए नजर आए। लेकिन सुफियान को स्पॉट किया जा चुका है टीम और ये इसके एक प्लेयर की जानब से, क्या यहाँ पे नॉक कर पाएंगे। लेकिन किलफीड के अंदर टीम XG रूनमा होती हुई, किलफीड में जो है XG काफ़ी अच्छी तरह से कुछ नॉक्स निकालती है। प्रीवियसली अगर मैचेस की हारिस बात कर लें तो टीम XG दोनों के दोनों मैचेस में काफ़ी बुरा परफॉर्म करके जाती है, कोई भी पॉइंट उनके पास मौजूद नहीं है फिलहाल के लिए ओवरऑल स्टैंडिंग में। लेकिन अभी टीम XG अपना खाता खोलती हुई इस मैच में तीसरे मैच में आज के अपना कमबैक निकालना चाहते हैं अर्ली फाइट में आते हुए, और 2 किल्स उठाने के बाद बाकी के दो दो प्लेयर्स हैं वो यहां से निकल जाएंगे, और देखना ये होगा कि क्या XG इस मैच में कुछ अच्छे पॉइंट्स लेके जाएगी, क्या फिलहाल जो इस मैच के बाद ओवरऑल स्टैंडिंग बनेगी उसमें टॉप 8 के अंदर आने में कामयाब हो पाएगी। लेकिन किलफीड में यहाँ पे ऑन द स्क्रीन हमारे पास एक और फाइट में जो है स्टार्ट होती हुई, प्रीमोस की जो साइड फाइट थी थोड़ी देर पहले रुक चुकी थी, दोबारा से स्टार्ट की जाती है और टीम 13 के एक और प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बाकी जस्ट 2 ही प्लेयर्स बाकी हैं। और अगर ये टीम यहाँ पे ही फाइट में बिजी रहती है हारिस, तो इनको 3000 मीटर सर्कल के अंदर जाना है, तो यहाँ से दोनों ही टीम्स को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। टीम TNL यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल में जाती हुई, उनके एक प्लेयर को नॉक किया जाता है, शामीर जो एक डेडली प्लेयर रहते हैं, नॉक होते साथ उनको कंफर्म कर दिया जाएगा। लेकिन TNL की बाकी टीम वो एग्रेसिव होना चाहेगी, बैक टू बैक नॉक गिराए जाते हैं, और इसी के साथ गोकू बोट जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनको भी कंफर्म कर दिया जाएगा। T24OP हाथ में शॉटगन मौजूद, सामने 1v1 लेते हुए क्या यहाँ पे कामयाब हो पाएंगे अपनी टीम से इस जगह के ऊपर, जस्ट आई थिंक आखिरी प्लेयर रहने वाले हैं। लेकिन बैक एंड से आलियान आएंगे, कवर फायर प्रोवाइड किया जाएगा और उसी के साथ TSF के इस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये टीम 4 किल तो जरूर निकाल चुकी है, लेकिन इस सारी फाइट में 2 प्लेयर्स को गवा दिया जाएगा। लेकिन आलियान वो भी इस
कंपाउंड में जाते हुए पकड़े जाएंगे और उनको भी गिरा दिया जाएगा। T24OP लास्ट प्लेयर मौजूद है और इन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। टीम FMA जो इस वक्त ओवरऑल स्टैंडिंग में नंबर सेकंड पे ऊपर मौजूद है, वो भी हावी होना चाहती है इनके ऊपर, इनको एलिमिनेट करना चाहती है, क्योंकि अगर इस जगह से टीम TNL एलिमिनेट हो जाती है तो FMA का सफर काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ओवरऑल स्टैंडिंग में अपने आप को नंबर वन के ऊपर लेके आया जा सकता है, लेकिन अब फिलहाल T24OP ये 1-1 आर्मी अपनी टीम के लिए काफी दफा चिकन डिनर भी निकालते हुए नजर आए हैं, लेकिन क्या अभी कामयाब हो पाएंगे? लेकिन नहीं, यहाँ पे नेट फेंका जाता है, नेट का डैमेज पड़ता है, मॉली फेंके जाएगी, उसी के साथ यहाँ पे पुश किया जाता है टीम FMA की जानिब से, और TNL के लास्ट प्लेयर जो T24OP मौजूद थे उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टीम FMA टोटल 2 kills सिक्योर करते हुए और इस पूरी फाइट को विन करने के बाद हमें आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि सर्कल से 500 मीटर जो है दूर रहने वाले हैं। आप बिल्कुल यहाँ पर अगर दूसरी साइड पे का बात की जाए, फाइट को वाइड करके S1 यहाँ से मूव कर रही है, 2 kills उनके पास आ चुके हैं, विच इज वेरी क्वाइट अमेजिंग कि उनके पास एक अच्छी चीज थी कि उन्होंने बड़े मजे से फाइट जो है अपनी एग्रेस की है और किल कंफर्म करके आगे मूव कर रहे हैं। नाउ टीम RES जिनके 2 players रह चुके हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं जो प्रीमोस में ही रहेंगे, अभी तक डैमेज लेते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक अगर देखा जाए स्क्रीन के ऊपर, तो ये चीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता मूव होते हुए दिखेगी। बट दूसरे पे अगर बात की जाए मैप सर्कल की, मैप की क्या कंडीशन रहने वाली है, सर्कल अप टू अप मूव किए जा रहा है और ये चीज़ जो है, ये चीज़ आप बहुत मैटर करती है कि टीम्स आप रोटेट कैसे करेंगी सर्कल के अंदर। वी कैन सी दैट कि यस्नाया पोलियाना इज़ द मिडल प्लेस जो कि बिल्कुल बीच में बीचों बीच रहने वाली है और काफ़ी एक अच्छी प्लेस है, अगर मेरे ख्याल से सारी की सारी टीमें भी एक एक एरिया को कवर करके वहाँ पर बैठ जाए, एक बिल्डिंग को होल्ड करें, तो काफ़ी एक अच्छी फाइट हमें यस्नाया पोलियाना के अंदर देखने को मिलती है। बट मोस्टली टीम्स यस्नाया पोलियाना को अवॉइड करती कि यार के वहाँ पर फाइट लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऑफकोर्स एक लंबी चौड़ी फाइट हो जाती है यस्नाया पोलियाना में, हमें एक होते ना क्रॉस फायर्स होते हुए दिखते रहते हैं, नॉक होते हैं बट एलिमिनेट कन्फर्म्स नहीं हो रहे होते, तो ये यस्नाया की थोड़ी सी मुश्किलात हैं। बट ओवरऑल अगर बात की जाए प्रीमोस खाली हो चुका और नाउ टीम्स आगे पीछे मूव करते हुए हमें ज़रूर देख रही होंगी, और प्रीमोस से ऑफकोर्स सर्कल के अंदर मूव करना है, और सर्कल के अंदर अगर मूव नहीं किया जाता तो मुश्किलात और बनती रह जाएंगी। दूसरे पे अगर आप देख सकते हैं कि सर्कल के अंदर अब टीम आना स्टार्ट हो चुकी है तनवीर। जी बिल्कुल, कुछ ही टीम सर्कल से बाहर थी और फाइनली उनकी तरफ से डिसीजन लिया जाता है कि भाई सर्कल के अंदर जाएं, क्योंकि सर्कल को अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो सर्कल आपको काफ़ी बड़ी मुश्किलात में डाल सकता है। लेकिन टीम TNM और टीम नाइटमेयर के प्लेयर्स किलफीड के अंदर हमें नॉक होते हुए नज़र आ रहे हैं और शायद हमें एक और फाइट इंगेज होती हुई ऑलरेडी हमारे पास इस मैच में अभी तक 12 टीम्स मौजूद रहने वाली हैं, 46 प्लेयर्स अलाइव देखने को मिल रहे हैं, जिसमें टीम 12 की बात करें टीम S1 चारों प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ती है और सर्कल के कैच के ऊपर पहुंच जाएंगे। Stage 2 यहाँ पे थोड़ी देर में एंड होता हुआ नजर आएगा और Stage 3 हमें थोड़ी देर में अगला सर्कल जो है वो बनता हुआ नजर आएगा और देन जो है टीम्स हमें और ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज इन जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए टीम 12 जिस जगह पे रुकेगी उनके सामने 2 teams मौजूद हैं, उनके ऊपर कुछ नज़रें दौड़ाई जाती हैं, लेकिन काफ़ी करीब में कोई भी टीम जो है उनके मौजूद नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे S1 कामयाब हो पाएगी इस मैच में, अच्छा मैच निकालने का? अर्ली स्टेजेस के ऊपर 2 kills ज़रूर से निकाले जाते हैं, लेकिन क्या इसी मोमेंटम को लेके ये टीम आगे बढ़ पाएगी? और टीम XC की बात करें तो वो भी हमें जो है थोड़ी देर पहले फाइट में देखने को मिली थी और उनके भी प्लेयर्स ने कुछ किल्स निकाले थे और पिछले 2 matches में काफ़ी बुरा परफॉर्म करके जाते हैं और अगेन से इस मैच में चाहेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के जाएँ। लेकिन टीम 7 Sky चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद और एक अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं और जिस जगह पे मौजूद रहने वाले हैं हर तरफ ही एक क्लियर विन इनके पास रहने वाला है और कोशिश की जा रही है प्लेयर्स को स्पॉट करने की। S1 के प्लेयर्स के ऊपर इनके क्रॉस एयर जरूर रहते हैं, शायद यहाँ पे स्पॉट कर चुके हैं रोमियो को, लेकिन प्रेस देते हुए नजर नहीं आएंगे और अभी वेट किया जा रहा है शायद अगले सर्कल को और अगला सर्कल बनता हुआ, अगला सर्कल अगेन फेवर करता हुआ टीम 7 Sky को और अभी 7 Sky इस पूरी सिचुएशन का अच्छी तरह से फायदा उठाते हुए हमें नजर आ सकते हैं। लेकिन क्रिकेट के अंदर एक और नॉक नेकने को मिलेगा और फाइट्स अभी दोबारा से हमें स्टार्ट होती हुई नजर आएंगी, टीम्स दोबारा से एक दूसरे के पास जाती हुई नजर आएंगी और इंगेजमेंट्स अगेन हमें जो है स्टार्ट होती हुई नजर आएंगी। शाहिद और दांते बॉय और हेक्टर और इसके अलावा सवाती चारों के चारों प्लेयर्स अभी इसी जगह के ऊपर ही मौजूद रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सर्कल भी इनके पास ही रहने वाली है।
बिल्कुल, नेक्स्ट सर्कल की उम्र भी इनके पास ही रहने वाली है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ पर टीम्स किस तरह प्ले करते हुए नजर आ रही हैं। जो फिर अगर बात की जाए दूसरी साइड पे टीम एक्स बिल्कुल आराम सुकून से, मेरे ख्याल से अंदाज़ा है उनको कि प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले हैं तनवीर, बट अभी भी वो उनकी तरफ से मूव नहीं किया जा रहा। ही जस्ट ट्राइंग टू गेट दिस बगी, कि इस बगी को किसी ना किसी तरीके से हासिल कर लिया जाए ताकि वो आगे रोटेट कर ले, प्रॉपर रोटेट कर ले। अगर रोटेट नहीं होते तो मुश्किलात और बनते हुए नजर आएंगी। सर्कल जो है वो यस्नाया पोलियानो को पहले मिड साइड पे करता हुआ नजर आ रहा था, बट नाउ एक छोटा सा क्लस्टर जो कि भी डाउन साइड पे ही देखने को मिल रहा है। तनवीर ये चीज़ बहुत मैटर कर रही इस टाइम के ऊपर कि यहाँ पे क्या सीन रहने वाला है। बट अगर नोटेबली बात की जाए आप देख सकते हैं कि किस तरह टफ के बॉयज यहाँ पर प्रॉपर रोटेशन ले रहे, किल्स यहाँ पर एक्स के बॉयज के ऊपर निकाल तो ली, बट नाउ किल भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक किल ऑफकोर्स डिमोटिव ने यहाँ पर निकाल ली, बट टफ के बाकी बॉयज भी यहाँ पर रहने वाले हैं। एक्स के जो तीन बॉयज रहने वाले हैं वो यहाँ पर कोशिश ज़रूर करेंगे किल उनके पास भी आए। वो सिर्फ उन्होंने एक प्लेयर तो गवा दिया, बट बाकी प्लेयर्स ज़रूर नहीं गवाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, चाहेंगे कि बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनको लेके नेक्स्ट स्टेजेस तक जाएं, क्योंकि अगर आप टॉप एट के अंदर कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं तो टॉप एट में आपको जो है कुछ ना कुछ पोजीशन पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप जो है उस पोजीशन को ऊपर लेके जाएंगे वैसे ही आपके प्लेयर्स के अंदर जो है इंक्रीमेंट होता हुआ भी नज़र आता है। लेकिन टॉप एट से नीचे एलिमिनेट होना, आपको कोई भी पोजीशन पॉइंट नहीं दे के जाता, लेकिन टीम टफ वो यहाँ पे मौजूद, एफएमए के ऊपर उनकी नजरें रहने वाली हैं और चारों प्लेयर्स के साथ ही मौजूद हैं। किल भी इनके पास आता हुआ टीम 13 के ऊपर स्प्रेज देने की कोशिश, लेकिन अभी तक कुछ नॉक देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एफएमए यहाँ पे शायद थर्ड पार्टी करते हुए रहमान को नॉकडाउन किया जाता है, लेकिन रिवाइवल नहीं दे पाएंगे। टार्जन यहाँ पे गाड़ियां टकराते हुए शायद यहाँ पे एक रेसिंग गेम हमें बनती हुई नजर आएगी। और ऑन द अदर साइड डीबीएस भी मौजूद है, लेकिन टफ के दो प्लेयर्स गिर चुके हैं। अभी इन दोनों प्लेयर्स को उठाना होगा, क्या टीम टफ इसमें कामयाब हो पाएगी, क्योंकि टीम नंबर 13 काफी ज्यादा करीब मौजूद है और शायद वो ये किल्स उठाना चाहेंगे। सर्कल से बाहर जाते हुए टार्जन सर्कल से बाहर जाके ये किल्स अपने प्लेयर्स को जो है रिवाइव करना चाहते थे, लेकिन एफएमए आरडी उस जगह पे पहुंच चुकी है। एफएमए ये किल्स उठाते हुए हमें नजर जरूर से आएंगे, लेकिन S1 वो भी किल फीड में रूनमा होंगे और एफएमए शुरता रहमान के किल को कंफर्म कर लेंगे। टीम टफ को जस्ट 3 मैन ही इस मैच में रहना होगा, लेकिन सर्कल से दूर हैं, जल्दी से जल्दी सर्कल के अंदर भी जाना होगा, लेकिन लेकिन उससे पहले डीमोटिव सर को नॉक कर दिया जाता है। शुरता काफी अच्छी तरह से खेलते हुए अगेन एक अच्छा नॉक निकाला जाता है और टीम टफ के लिए मुश्किलात और ज्यादा बढ़ा दी जाएंगी। बिल्कुल, टीम टफ थोड़ा सा और मुश्किलात में आ जाती है, बट अभी के लिए अगर बात की जाए इनके लेफ्ट राइट अंदाज़ा हो चुके हैं। टीम एफएमए इज़ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इसको हील लगा ली तो थोड़ा सा गेम और प्लस होते हुए नज़र आएगी। खूबसूरत नॉक, थोड़ा सा अपने टफ ने अपनी जिम्मेदारियाँ जो है और बढ़ाने की कोशिश की। एक प्लेयर यहाँ पे किंग और वापस से नॉक हो जाएंगे DBS किंग, बट अभी के लिए अगर बात कीजिए टफ के दो बॉयज यहाँ पर रहने वाले हैं, थोड़ा सा टफ कंपटीशन बोट यहाँ पे बैक एंड पे रहने वाले हैं। टार्जन उनके ऊपर जाएंगे और जाते ही शॉर्ट गन का इस्तेमाल, बट नेड से कंप्लीट होंगे। टार्जन इज अ नॉक फिनिश कंप्लीटेड, नाउ द ओनली वन प्लेयर इज लेफ्ट। ग्रेनेड उसके ऊपर आ रहे हैं स्मोक के अंदर, एक वो कहते हैं ना कि एक एडवांस नेड, बिकॉज दीज गाइज नो दैट कहीं और नहीं हो सकता, स्मोक के अंदर ही होगा। जस्ट पुट ए नेड इन दिस स्मोक और ताकि एलिमिनेशन निकले और यहाँ पर कंप्लीट भी हो जाते, 6 एलिमिनेशन। FMA इज प्लेइंग वेरी वेल, एक प्लेयर गवा दिया, बट स्टिल अगर किल्स की बात करूँ मैं इस टाइम के ऊपर काफ़ी अच्छे किल्स इनके पास आ चुके हैं। तनवीर जी बिल्कुल, FMA इस मैच से पहले हमें नंबर सेकंड के ऊपर देखने को मिल रही थी और अभी जो फर्स्ट पोजीशन की टीम है टीम TNL उनको भी एलिमिनेट किया जा चुका है, तो शायद यहाँ पे इस मैच के ओवरऑल रिजल्ट्स आने के बाद टीम FMA हमें किल जो ओवरऑल स्टैंडिंग है वहां पे नंबर वन पे ऊपर जाती हुई नजर आए। लेकिन F1 के ऊपर यहां पे एग्रेस किया जाता है, एक नॉक निकालने में कामयाब जरूर रहते हैं, लेकिन MRC यहां पे लास्ट प्लेयर फोनिक्स से बचा लिया जाता है उनकी तरफ से अपनी टीम को, लेकिन जाते जाते 3 प्लेयर्स को गिरा दिया जाएगा S1 की जानिब से। S1 जाते जाते अच्छा खासा डैमेज देते हुए सर्कल चल चुका है, सर्कल का डैमेज काफी ज्यादा रहने वाला है, जिसकी वजह से फोनिक्स को मजबूर किया जाता है अपने प्लेयर्स को यहाँ पे छोड़ के जाना। अब जस्ट 1 मैन ही इनको आगे बढ़ना होगा, लेकिन टीम ब्लड मून दूसरी जानिब एक और फाइट में आती हुई और इनके साथ जो टीम इंगेज होती हुई STR उनको भी एलिमिनेट किया जा चुका है। अभी टीम्स बैक टू बैक हमें इस लोबी से जाती हुई नजर आ रही और टीम BMB इस मैच में एक अच्छा स्टार्ट लेते हुए, टोटल 4 किल पॉइंट्स उनके पास मौजूद हैं और
तीन प्लेयर्स हमें अभी अलाइव देखने को मिल रहे हैं। यशनायक अंदर मौजूद और सर्कल की शिफ्ट यहाँ पे बिल्कुल इनके ऊपर आएगी और इनके साथ एक और टीम रहेगी। TAS का स्क्वाड है जो इस सारे सर्कल का फायदा उठाने वाला है, लेकिन बाकी की टीम्स को जल्दी से जल्दी सर्कल के अंदर आना है। टीम XG जो अच्छा मैच निकाल चुकी थी अभी एक एज के ऊपर मौजूद है। बैक एंड से टीम 7S मौजूद रहने वाली है। 7 का है वो इनके ऊपर कुछ स्प्रेज देते हुए, लेकिन अशद को डैमेज पड़ता हुआ TAS की जानिब से अभी इनको आगे बढ़ना है। तो देखना ये होगा कि क्या कामयाबी के साथ सर्कल के अंदर एक अच्छी पोजीशन ढूंढने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर भी सर्कल के अंदर एक अच्छी पोजीशन होल्ड करना तो बनती है, बट अभी के लिए अगर बात कीजिए जो अपार्टमेंट एरिया जो रहने वाला है, जो डेडलीस्ट एरिया रहने वाला है, उसमें यहाँ पर मुझे दो टीमें नज़र आ रही हैं और दोनों टीमें मैं कहता हूँ कि भी टीम ऑल स्टार जो कि पिछले मैच के अंदर भी उनको होल्डिंग मेरे कहते हैं एक्सपीरियंस उनको बहुत ज़्यादा है। उनको काफ़ी पिछले पहले मैच के अंदर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा होल्ड करके अपने चार के चार प्लेयर्स को अलाइव रख के चिकन डिनर का होल्ड लिया। अगर वो यहाँ पर उनका मैन एडवांटेज ना होता तो मुश्किलात और बनती नजर आती, बट उसके साथ साथ अगर बात की जाए REES भी यहाँ पर नियर बाय मौजूद रहने वाली है, टीम एक्स यहाँ पर मौजूद रहने वाली है, FMI की शुरता यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो एक अच्छा पोजीशन आप एक अच्छी पोजीशन कह सकते हैं कि हर टीम ने अपने लिए होल्ड कर ली है। जी बिल्कुल, और इस सारे सिनेरियो में जो है टीम एक्सी वो भी अपनी एंट्री लेना चाहती हैं। व्हीकल्स पकड़ चुके हैं और सर्कल के अंदर एंटर होने के लिए जाते हुए आगे बढ़ते हुए शायद यहाँ पे कामयाब भी हो जाएंगे आगे जाने में। और जी हाँ, यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन इनके पीछे सेवन स्काई का स्क्वाड जरूर था। उन्होंने काफी ज्यादा डैमेज देने की कोशिश भी की लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। सेवन स्काई वो भी सर्कल के अंदर अपनी एंट्री बनाते हुए उनके एक प्लेयर नॉक हो चुके हैं, उनके ऊपर जाया जाएगा। बाकी के ये प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए एक वन बाय वन करके दांते बॉय को शायद रिवाइवल देना चाहेंगे और दोबारा से फोर मैन अप होगी ये टीम, हमें अगेन फाइट में आते हुए नजर आएगी। लेकिन स्वाति के ऊपर जिस तरह से बरसात की जा रही है गोलियों की, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं बचते बचाते सर्कल के अंदर पहुंच जाते हैं और शायद यहाँ पे सेफली कंपाउंड के अंदर भी पहुंच जाएंगे। ये जारा सारा जो सफर था इसके अंदर सेवन स्काई को काफी ज्यादा मुश्किल उठानी पड़ी और इसी के जो है नतीजे में शाहिद को गंवाना पड़ेगा इस टीम को। एग्जैक्टली, और यहाँ पर अभी तक की अगर बात कीजिए जो सबसे एक अजी पोजीशन जिस टीम के पास, अच्छी पोजीशन मैं कहूँगा जिस टीम के पास रहने वाली है, दिस टीम इज एक्चुअली FMA के पास एक अच्छी प्लेसमेंट जरूर रहती है। आते जाते हर टीम को सरप्राइज कर सकते हैं, बट उनको अब सर्कल के अंदर जाना है जो कि बिल्कुल अपार्टमेंट के ऊपर ही सर्कल नया बन के आता है, उभर के आता है, और यहाँ पर उनको अब होल्ड अप करना पड़ेगा, एक अच्छी पोजीशन को होल्ड अप करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किलात वो कहते मुश्किल सीन बनता हुआ हमें दिख सकता है। अब मैं ऑफकोर्स ऑडियंस से भी शेयर करना चाहूँगा कि सर्कल अभी क्या शक्ल ले चुका है। आप देख सकते हैं कि मोस्टली टीम्स जो हैं उस सर्कल के अंदर आ तो गई हैं, बट अभी भी FMA टीम एक्स टीम REES के एक प्लेयर जो बाहर रहने वाले हैं उनको सर्कल के अंदर अपनी एक अच्छी पोजीशन होल्ड करनी। तो ये स्नैप होले आना इज द डेडलीस्ट प्लेस एट द मोमेंट। जी बिल्कुल, और सारी की सारी टीम्स अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कुछ टीम्स लाइक टीम नंबर 13 और उसके अलावा टीम 9 FMA का स्क्वाड, टीम एक्स, ये टीम्स सर्कल से बाहर हैं, इनको भी जल्दी से जल्दी सर्कल के अंदर पहुंचना होगा। टीम एक्स के एक पेयर नॉक जरूर हुए थे लेकिन रिवाइवल दिया जा चुका है और वो भी अभी सर्कल के अंदर अपनी एंट्री बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड टीम ऑल स्टार के चारों प्लेयर्स एक अच्छे पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं, इस सर्कल का काइंड ऑफ सेंट्रल पॉइंट कह सकते हैं इनके पास मौजूद रहने वाला है। लेकिन टीम BM वो यहां पे एंट्री लेते हुए FMA के प्लेयर्स को मुश्किलात में डाला जा रहा है। शुरता यहां पे गाड़ी से खुद ही गिर जाते हैं, उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टीम FMA जहां पे थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही थी, अभी विद इन नो टाइम हमें पूरी की पूरी टीम हमें जो है सारे स्नैरियो से एलिमिनेट होते हुए नजर आएगा। लेकिन टीम XG वो काफी अच्छी तरह से सर्वाइव करते हुए अभी पहुंच चुके हैं टॉप 6 टीम के अंदर मौजूद रहेंगे और चारों के चारों प्लेयर्स उनके मौजूद हैं। टीम ऑल स्टार के साथ फाइट लेनी होगी, सर्कल के अंदर एंट्री बनाना चाहते हैं और अशद यहाँ पे क्रॉस एयर बनाते हुए TAS के ब्लड के ऊपर एक प्रेज दिया जाता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरी जानिब किलफीड में टीम एक्स के प्लेयर्स हमें जोन के डैमेज के साथ एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन टीम ऑल स्टार के फिनिशर नेड फेंकते हैं, शायद यहाँ पे नेड के साथ एक ओपनिंग निकालना चाहते हैं। रोका जा रहा है ये एग्रेशन टीम XG का और टीम XG को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा रहा सर्कल के अंदर आना और शायद टीम XG हमें यहाँ पे थोड़ी देर में एलिमिनेट भी होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल टीम XG बचते बचाते अपने आप को जो है सर्कल के अंदर लेके आने में कामयाब हो चुकी है।
बिल्कुल यहाँ पर सर्कल के अंदर आने में कामयाब हो चुके हैं, बट टीम ऑल स्टार भी दूसरे सेट पे भी मध्य मुकाबले अभी तक टीम एक्सप्लेनेशन के, और बट अभी 1v1 एक पोजीशन बन चुकी है सेवन स्काई के लास्ट प्लेयर, और वो आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट गन रहने वाली, एक डेडलीस्ट गन रहने वाली, काफी लो एचपी करेंगे, मूव नहीं होने देंगे, एंड हे यू गो लास्ट हिट एंड दिस इज द एंड। बट अभी के लिए का बात कीजिए, टीम ऑल स्टार हैव अ गुड पोजीशन, डिवाइन को यहाँ पे नॉक फिनिश कंप्लीट कर दिया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। टीम ऑल स्टार स्टिल हैव द मैन एडवांटेज गेम, उनके पास मैन एडवांटेज गेम अभी भी पड़ी है तनवीर। जी बिल्कुल, और एक्सजी के असद को भी गिराने में कामयाब हो चुके हैं। टीम ऑल स्टार यहां पे बैक टू बैक किल्स उठाते हुए टोटल 8 किल्स इनके पास आ चुके हैं, और ऑन द अदर साइड टीम सेवन स्काई के लास्ट सोलो प्लेयर वो भी आज सर्कल के अंदर अपनी एंट्री बनाते हुए। टोटल अगर बात कर लें तो 5 टीम्स बाकी रहने वाली हैं जिनमें एक सेवन स्काई की ये सोलो प्लेयर मौजूद हैं। आगे बढ़ना होगा, सर्कल का डैमेज काफी ज्यादा है, यहाँ पे हील्स लगाना शायद इनके लिए कामयाब ना हो पाए। जी हाँ, यहाँ पे इसी जोन के डैमेज के साथ इनको भी इलिमिनेट किया जाएगा। जोन यहाँ पे काफी ज्यादा टीम्स को मुश्किलात में डालता हुआ, और लास्ट दो टीम्स टीम ऑल स्टार वर्सेज टीम ब्लड मून हमें बनता हुआ, दोनों ही टीम्स के पास यहाँ पे प्लेयर्स अच्छे खासे रहेंगे। टीम ब्लड मून जहां पे एक प्लेयर के नुकसान के साथ हमें इस फाइट में जाती हुई नजर आती थी, अभी उन्होंने ये ट्रेड कंप्लीट कर लिया है, और ट्रेड के अंदर एक नॉक ने जरूर से निकाला है। अगर ये कंफर्म भी कर लेते हैं तो जहां पे ये फाइट 4v3 में थी, इसको 3v जो है 3v में कन्वर्ट करते हुए नजर जरूर से आ सकते थे, लेकिन अल्फा यहां पे आगे बढ़ते हुए टीम आसा के इस प्लेयर के साथ फाइट लेना चाहते हैं, लेकिन ब्लड की जानिब से क्या ही खूबसूरत नेड आएगा और अल्फा को गिराने में कामयाब हो जाते हैं। अल्फा का ये किल भी कंफर्म किया जा सकता है, लेकिन बैक एंड से कवर फायर आता है, और इसी के साथ यहाँ पे टीम ऑल स्टार काफी अच्छी तरह से एक और चिकन डिनर अपने नाम करते हुए हारिस यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करता जाऊं। टीम ऑल स्टार वो टीम है जो पहले मैच में भी चिकन डिनर लेके गई थी, अगेन इस मैच में एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद एक दूसरा चिकन डिनर भी आ जाएगा। इरेंगल के जितने भी मैचेस आज होंगे सारे के सारे जाएंगे टीम ऑल स्टार के खाते में, लेकिन टीम बीएम वो भी काफी अच्छी तरह से खेलते और नंबर सेकंड के ऊपर फिनिश करते हुए टीम ब्लड मून। एग्जैक्टली, क्या ही खूबसूरत गेम प्ले ब्लड मून की तरफ से भी इस दफा दिखाया गया है, और काफी अच्छी होल्ड अप पोजीशन उन्होंने पहले ही ले ली। ये चीज बहुत मैटर करती है कि इफ यू गाइस मूविंग फॉरवर्ड, जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड आप मूव करके आप जल्द से जल्द अपने लिए एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर लें। तो ब्लड मून ने वो चीज़ की, आते जाते हर टीम को चुनौती भी दी, बट एक्सजनरेशन उन्होंने उनकी रोटेशन बहुत अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली टीम ऑल स्टार जो कि पहले से होल्ड अप पोजीशन में बैठी हुई थी उन्होंने उनको वेलकम नहीं करने दिया, उन्होंने एक अच्छा डिफेंड किया। टीम एक्सजनरेशन जिनको लेफ्ट राइट आरईएस की जानिब से भी मुश्किलात देखने को मिली, सेवन स्काई जो काफ़ी अच्छा खेलते हुए नजर आई, बट एलिमिनेशन अनफॉर्चुनेटली उनके कुछ खास नहीं रहे, बट स्टिल द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस पूरी गेम की अगर मैं बात करूँ, जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मुझे देखने को मिला है तनवीर, दैट इज एट बी ब्लड। ब्लड ओपी ने काफ़ी खूबसूरत गेम प्ले किया, अकेले उसके 6 किल्स थे, खाली अकेले उसके 6 किल्स थे, और काफ़ी खूबसूरत गेम ऑल ओवर उसने निकाली है। मैं कहता हूँ खूबसूरत गेम, बट दोस्तों ये चीज़ तो चलती रहेगी, हमारी गपशप चलती रहेगी, इस गेम को हम थोड़ा सा अख्ताम में लेके आते हैं और अगले गेम की जानिब बढ़ते हैं। एक छोटे से ब्रेक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। सी यू गाइस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Prey on me when I'm lonely, and I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. We'll be right back.
You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. You control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. You control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen.
You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me, but I don't wanna listen. You control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me, but I don't wanna listen. You control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me, but I don't wanna listen. Oh,
You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. When I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. खबरतीन हज़रात, वेलकम बैक टू के टू गेमर्स यूनिवर्सिटी शोडाउन। आज के जो क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला चल रहा है, ऑलरेडी हमारे तीन मैचेस अपने इख्तिताम पे पहुंच चुके हैं। जितने भी यहां पे कंपटीशन में टीम्स खेल रही हैं, उनके पास आखिरी दो और जंगी मैदान रहने वाले हैं अपना यहां पे सिक्का जमाने के लिए। लेकिन उससे पहले हम कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ें। मैं हूँ आपका मेज़बान किस गेमिंग, और आज के दिन थ्रू आउट द मैच वन मेरे साथ मौजूद हैं डीमन। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। एग्जैक्टली नाम चेंज हो गया, बट वो अभी तक सारे पुराने नाम से याद रखते। डीमन वंस अगेन बोला हिज ने, और ये मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे, और ये नाम की बड़ी कहानी है कि नाम क्यों चेंज किया, ये किसी दिन सुनाऊंगा। बट अभी के लिए अगर बात की जाए, अगर हम बात करें पिछले तीन मैचेस की, काफ़ी मज़े के तीन मैचेस हमने देखे और काफ़ी ही खूबसूरत गेम प्ले हमें देखने को मिला। TNL आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि काफ़ी अच्छा खेलते हुए नजर आई दो मैचेस के अंदर। तीसरा मैच कोई शानदार नहीं गया उनका, बट स्टिल शानदार, वो कहते हैं ना, वो प्रॉपर एक गेम प्ले जिसको हम देखना चाहते हैं TNL की जानिब से। यार के भी नेमलेस जितना अच्छा खेलती है, हम सबको पता है, हम चाहते हैं कि यार के वो तगड़ा खेलती रहे और हम उनको देखते रहें, इसी तरह उनको अप्रिशिएट करते रहें। बट अभी के लिए बाकी टीम्स की अगर बात करें, टीम ऑल स्टार प्लेड वेरी वेल, बड़ा खूबसूरत गेम प्ले उनकी जानिब से भी हमें देखने को मिला। बट ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मैच हो चुका है स्टार्ट, प्लेन पाथ की तरफ चलते हैं। और प्लेन पाथ आपके सामने जो मूव करके जा रहा है आपके सामने, भाई क्या खूबसूरत गेम प्ले हमें देखने को मिलेगी इस मैप के ऊपर। मेरा फेवरेट है मीरामार, और फ्लाइट पाथ आपके सामने खेस। वेल यस, आज के दिन का ये पहला मीरामार का मैदान विटनेस कर रहे हैं, और जैसा ये प्लेन पाथ बन चुका है परफेक्टली, इस 8x8 के मैदान को डिवाइड किया जा रहा है इंटू टू, तमाम ही एरिया एक्सेसिबल रहते हैं, चाहे टीमों को हार्ड नॉर्दर्न एरिया जाने पर क्यों ना मजबूर किया जाए। इवन तौरे अमूदा एक्सेसिबल रहता है, अगर हम हार्ड सदर्न रीजन की बात करें, चुमा सेरा, इवन वेलेडिमार, वहाँ तक टीमें भी ग्लाइडिंग कर सकती है। यस, थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मीरामार एक ऐसा मैदान है जिसपे थोड़ा बहुत आगाज टीमों की तरफ से स्लो लिया जाता है। ड्राई पेस मैदान है, स्लो पेस मैदान है, अनलाइक सैनहॉक, टीम थोड़ा कोशिश करती है कि सुकून से लूट करें, व्हीकल सिक्योर करें, और फिर जो फाइट का आगाज होता है, लॉन्ग डिस्टेंस फाइट सबसे पहले आगाज लेती हैं, फिर नॉकडाउन करने के बाद जो ओपोनेंट्स रहते हैं, जो टीम्स रहती हैं, वो फिर क्लोज लाइन फाइट में आके उस चीज़ को कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ यहाँ पर भी हमें देखने को भी मिलेगी। बट अभी के लिए अगर आप देख सकते हैं कि भाई टीम्स अपने अपने स्पॉट्स की तरफ जाते नजर आ रही हैं, आई जस्ट लव टू सी कि सर्कल किस तरफ बनता है और टीम्स ने किस तरफ मूव करना है। बट सेंट्रलाइज सर्कल बिल्कुल बीचों बीच सर्कल बनता हुआ नजर आया, जहाँ पर मेन जो जगहें रहने वाली हैं वो बीच में सेंट्रलाइज में ही रहती हैं। सेंट मार्टिन इज़ द मिडल प्लेस, और उसके अलावा आगे पीछे की बात की जाए, ग्रेवयार्ड, पिकाडो, अल्पोजो यहाँ पर थोड़ा सा बाहर हो गया, बिल्कुल एजेस उसके रहते हैं, बट अल्पोजो कोई भी टीम जाना पसंद नहीं किया, किसी ने भी जाना पसंद नहीं किया। ब्लॉक अब्रेरा हमें टीम देखने को मिल रही है, हमें यहाँ पर डिफरेंट साइड के ऊपर टीम्स देखने को मिल रही है। बट अभी के लिए अगर मेरे ख्याल से जो टीम TOG रहने वाली है, उनके इर्द गिर्द प्लेयर रह रहे हैं, और मेरे ख्याल से वहाँ पर ही फाइट होती है, तो उधर ही चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या फाइट होने वाली है, क्या खूबसूरत फाइट हमें देखने को अभी शुरू से देखने को मिल रही है। दिस इज द फोर्थ मैच एंड स्टिल द फाइट इज हैपनिंग वेरी वेल। वेल यस, और कुछ टीम्स अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप क्लैश के यहाँ पे नज़ारे में खुद को गलती से या तो फिर जानबूझ के यहाँ पे पहुँचा चुकी है, बट अब जो भी हो चुका है आपको डट के मुकाबला करना पड़ेगा। टीम टॉग अपना ऑलरेडी एक प्लेयर गवा चुके हैं जो कि हाशिर रहने वाले हैं, लेकिन उसके तबादले में गनी ने एक जो किल कंफर्म किया है, अभी भी यहाँ पे कुछ टीम्स की उम्मीदें वाबस्ता रहने वाली हैं कि आज के सेकंड लास्ट मैच में ज़्यादा इजाफी एदाद लेके जाएं। बट टीम ऑल स्टार, पिछला गेम मैं देख रहा था काफ़ी शानदार इनकी तरफ से, यहाँ पे कन्वर्ट जरूर किया गया था, लेकिन अगले ही मीरामार में जैसे यहाँ पे मैप रोटेट आउट होता है,
कुछ अच्छी टीमों का यहाँ पे गाजी स्टेज पे ही बहुत उनको मुश्किलात पे यहाँ पे डाला जा रहा है, लेकिन इम्पाला में यहाँ पे एक स्क्वाड नहीं बल्कि मल्टीपल स्क्वाड रहेंगे एंड एक्स जनरेशन इज द वन जो कि काफी ज्यादा आगे बढ़ के इस सारी फाइट्स को थोड़ा बहुत घेरा तंग करना चाह रहा है और उनके सामने में मौजूद रहते हैं टीम एनी स्पोर्ट्स और उनके पीछे टीम टॉग स्पोर्ट्स रहने वाले फ्रेगर ओपी ने जो अपना यहाँ पे एक एरिया होल्ड ऑन किया है, काफी अच्छी इंटेल उनको मिल रही होगी और इसी इंटेल के बाइज अपने ओपोनेंट पे काफी हद तक प्रेशर यहाँ पे बनाया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर प्रेशर भी बनाया जा रहा है, बट अभी के लिए अगर बात कीजिए टीम 14, दिस टीम इज TLCX और यहाँ पर ये अभी इंतजार कर रही है कि आगे मूव करे। इनका एक प्लेयर नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुके हैं, 3 मैन ज्वाइनिंग दिस टीम, बट अभी भी अगर बात कीजिए 2 प्लेयर्स क्या एक प्लेयर भी कहानी प्रॉपर चेंज कर सकता है। हमने पहले ही मैच के अंदर देखा कि एक अकेला प्लेयर 4 के 4 प्लेयर्स को नॉक फिनिश कंप्लीट कर देता, तो यहाँ पर हम ये रिलाई नहीं कर सकते कि मैन एडवांटेज नहीं है। हमें पता है कि एक से एक प्लेयर जो है बढ़ के है 1v4 करने की वो कहते हैं सलाहियत रखता है, बट अभी के लिए अगर बात की जाए वी कैन सी दैट एक्स जनरेशन इज मूविंग फॉरवर्ड। उनको अंदाज़ा है कि हमने अगर जितनी जल्दी हम इनको क्लियर करेंगे उतना ही आसानी से हम इस गेम को एंड अप कर सकते हैं, अदरवाइज आहिस्ता आहिस्ता टीम मूव करती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं और प्लस पॉइंट में जाती रहेंगी। बट अभी के लिए अगर बात कीजिए जो बैक एंड से ऊजी चलते हुए हमें दिख रही है, आप देख सकते हो इनके पास एक अजीब अच्छी पोजीशन है और इस पोजीशन से आगे वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट फिर भी अगर बात करें ये चीज़ें चलती रहेंगी और ये चीज़ें चल चल के आगे बढ़ते हुए जिस तरह मूव करेंगी तो ये बड़ा मूव एक मूड बनता हुआ नजर आ रहा है फाइट का और ये मूड देखते हैं किस तरफ मूव करते हैं। वेल यस, टीम टॉक के फ्रेगर के पास ये जो एरिया रहने वाला है काफी अच्छा एंगल उनको प्रोवाइड जरूर कर रहा है, लेकिन टीम एक्सजी और टीम एनी स्पोर्ट्स इन दोनों का पहले फाइट हो जाने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर ही किसी ना किसी की वो थर्ड पार्टी कर पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए किल फीड में ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें नुमाया हो रही हैं जिसमें टीम ऑल स्टार के याया को भी नॉकडाउन किया जाता है। तबादले में शायद उनकी फाइट टीम STR के साथ चल रही है, उधर ही जाके पता चलेगा, लेकिन कुछ कन्फर्मेशन कुछ पैन किल्स कन्फर्म किए जा रहे हैं और ये तभी होता है जब आप इन सारी ड्रॉप फाइट्स को कुछ ज़्यादा ही पर्सनल ले जाते हो। बट XG अल्फा बॉय अपनी टीम से अभी के लिए थोड़ा सा पीछे रुक से गए जरूर हैं, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा रहता है नाज़रीन की टीम एक्स जनरेशन भी इन तमाम ही गलतियों में थोड़ा बहुत रोक के खेलना चाह रही है, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से इतना ज़्यादा ओपन एंड गलती ना की जाए जैसा कि सैनो के पिछले मैच में हुआ था कि उनको बहुत जल्दी एलिमिनेट कर दिया गया था। बट टीम XG एक एक करके ध्यान से जो आगे बढ़ रहे हैं, इनको अभी तक के लिए 2 किल पॉइंट्स मिल चुके हैं और इनके जो ओपोनेंट्स इनका मुकाबला करने के लिए आगे रहने वाले थे उनका भी यहाँ पे जो हौसला है वो तोड़ा जाता है और उनको मजबूर किया जाता है कि उन सारी ही फाइट से अपने आप को फॉल बैक कराएं। Exactly, और यहाँ से वो फॉल बैक कर भी जाते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट अपनी लोकेशन के ऊपर और नियर बाई ही रहेंगे, बट TOG वो भी अपना एक प्लेयर गवा चुकी है और एक प्लेयर उन्होंने ऑफकोर्स गनी ने एक कल अपना सिक्योर भी किया। एक जनरेशन जो है वो भी अपनी अगर बात करें मैन पावर उनके पास रहने वाला है, दीज गाइज नो दैट वी हैव ए गुड एडवांटेज। किल्स जो हैं उनको मेरे ख्याल से अभी तक अंदाज़ा शायद यही हो कि यार उनके पास अभी भी 2 प्लेयर्स अलाइव है, बट हालांकि उनके इर्द गिर्द 3 प्लेयर्स रहने वाले हैं तो थोड़ा सा उनको सोच समझ के ही फैसला करना पड़ेगा। अगर दीज गाइज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द किल फीड, कि किल फीड उन्होंने अगर देखा हो तो उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 टीमें मौजूद रहने वाली हैं जो इनको आगे तंग करेंगी बेशक, और यही सारी चीज़ में एक्जी के थक भी कुछ खुद को इंतज़ार करा रहे हैं और टीम टॉक भी। हालांकि अगर हम थोड़ा इजाफी चीज़ों पे गौर फरमाएं, स्टेज 2 2 मिनट के टाइमर में बनने वाला है, अभी कोई भी परेशानी आने नहीं वाली है, लेकिन आगे आने वाले वक्तों में ऑलरेडी ये टीम टॉक एक्स जनरेशन और टीम दूसरी जो कि रहती है इनके साथ वो स्टेज 2 से लगभग 400 मीटर दूर रहने वाले हैं। अगर तो अभी से इन्होंने आगे आने वाली स्टेजेस पे यहाँ पे थोड़ा बहुत गौर नहीं फरमाया तो रोटेशन डिले हो सकती है, आगे का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन या एक अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड टीम एक्स जनरेशन शायद उस मुश्किलात में वो आ सकते हैं कि उनको गेट कीप किया जा सके, क्योंकि रोटेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको वक्ती तौर पर नहीं लेके चलते हो, वक्ती तौर पे प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, तो आपको आगे आने वाले स्टेजेस पे उसका नुकसान उठाना ही पड़ जाता है। और यही बातें सुन के मेरे ख्याल से टीम एक्जी के प्लेयर्स अब थोड़ा तेजी लाना चाह रहे हैं अपनी इस फाइट्स में और अल्फा बॉय की तरफ से थोड़ा बहुत अपने आप को बेट आउट कराया जा रहा था, अटेंशन लेने की वो कोशिश कर रहे थे। और ऐसा तभी होता है जब आपका एक कंप्लीट डिफरेंट टीम में जितने भी बाकी प्लेयर आपसे अलहदा खेल रहे होते हैं उनको कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी होती है,
और अल्फा बॉय ने अपने ऊपर अटेंशन लेके ये जरूर रिफ्लेक्ट कर दिया था कि बाकी तीन प्लेयर थग, डिवाइन और अशद डिफरेंट एंगल से सरचार्ज करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और दूसरी साइड पे अगर बात कीजिए, टफ के रहमान यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, उनको प्लेयर्स जो हैं वो रिवाइव करने के लिए पहुँच रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो एनिमी है एफएमए भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, और एफएमए भी चाह रही है कि यहाँ पर भी नॉक फिनिश कंप्लीट किया जाए, अपने किल को सिक्योर किया जाए। वो सिक्योर करने आए थे बट खुद यहाँ पर भी शिकार बन जाते हैं। रिवाइव मे बी रहमान को पॉसिबल ना हो, मे बी पॉसिबल हो जाए, बट एफएमए नोटिस दैट के प्लेयर उस साइड पे गया। ग्रेनेड, एक ग्रेनेड थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पर भी चेंज कर सकता है, फाइट की कंडीशन चेंज कर सकता है, बट अभी के लिए यहाँ पर फाइट जो है आगे एग्रेस होती जा रही है, बट टीम एफएमए अपने लिए पोजीशन अच्छी बनाती, मेंटेन करती हुई नजर आ रही। वेल यस, एंड टीम एफएमए का एक और खिलाड़ी अनफॉर्चूनेटली एलिमिनेट हो जाता है। एमिनेंट को यहाँ पे आने का मौका भी नहीं दिया जाता, जितनी तेजी में टीम टफ के प्लेयर्स ये दो किल कंफर्म कर जाते हैं। हालांकि एज अ थ्री मैन स्क्वाड खेल रहे हैं, चौथे प्लेयर्स की कमी पेशी महसूस जरूर होगी, लेकिन इनिशियल सीरीज में मेक श्योर किया जाएगा टीम टफ के रहमान, तार्जन और जोकर सर की तरफ से कि इनिशियल्स में ही इतने ज़्यादा वो किल पॉइंट्स ले जाएं कि आगे आने वाले स्टेजेस में जहाँ पे उनको चौथे प्लेयर्स की कमी पेशी महसूस हुए उस तक की वो नौबत ही ना आने दें। सिमिलरली इधर टीम टफ काफ़ी तेज़ी में खेल रही है, टीम एक्स जनरेशन को भी यहाँ पे तेज़ी अपनाना पड़ेगा क्योंकि स्टेज टू भी उनको छोड़ के निकल गई है, जोन आगे रहने वाला है। अभी ज़्यादा इनको परेशानी महसूस नहीं हो रही होगी हारिस, क्योंकि स्टेज टू है, डैमेज इतना ज़्यादा मिलने नहीं वाला, लेकिन जैसे जैसे अपनी रोटेशन को ये डिले करते जाएंगे वैसे ही वैसे आगे आने वाले जोन शिफ्ट उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ बार में तंग जरूर कर रहे होंगे, और यही चीज़ देखते हुए सबसे पहले व्हीकल्स अपनी सिक्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि सेनाओं के कैसा मैदान है, इसमें आप व्हीकल सिक्योर भी ना करें तो आप ऑन फुट में जा सकते हैं, लेकिन मीरमर में व्हीकल बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिग्निफिकेंस रखती है, क्योंकि इस 8x8 के मैप में दो व्हीकल हो जाना आपकी रोटेशन को और ज़्यादा तेज़ कर जाती है। एग्जैक्टली, टोटली एग्री। यू गाइस हैव ए कार, अगर एक गाड़ी भी आपके पास है फोर सीटर, आपके पूरी टीम को रोटेट करवा सकते हैं, बट मोस्टली एक रिजी एरिया है, आपको मोस्टली आपने हर एक बंदा अगर अपनी अपनी व्हीकल रखे, मोस्ट प्रोबली बगी अगर हो तो बगी किसी भी एंगल के ऊपर जा सकती, बट स्टिल दीज गाइज हैव ए मॉन्स्टर ट्रक एंड ए कार, और एक में तीन जा रहे हैं प्लेयर्स, बट नज़रें पड़ेंगी दूसरी साइड के ऊपर, फायर आएगा टफ के ऊपर, और टफ इन एक्शन रहने वाली है, और टफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फाइट के अंदर एंगेज और करना चाह रही है। तो भाई मैं कहता हूँ हम टफ की जाने भी बढ़ते हैं और देखते हैं कि टफ किस एंगल में मिलते हैं। वेल यस, क्योंकि टफ एक ऐसी टीम है जो कि फाइट से इतना ज़्यादा दूर रहने नहीं वाली, बट अनफॉर्चुनेटली अब इनका मुकाबला रहेगा टीम नेमलेस के अगेंस्ट, और टीम टफ को बिलाखिर एक स्ट्रॉन्ग वर्दी ओपोनेंट मिल ही जाता है। तार्जन को यहाँ पे किल कंफर्म किया जाता है, रहमान को भी एलिमिनेट किया जाता है, जोकर सर थर्ड पार्टी होते हुए टीम टफ को यहाँ से बाहर किया जाता है। जितना ज्यादा तेज टीम खेल रही थी उतना ज्यादा तेजी में उनको बाहर किया जाता है, और आलियाना उन सारी तेजी में बताते हुए कि जरा रुको, पीछे हम भी नहीं रहने वाले। टीम मर्सीलेस को भी यहाँ पे फाइट का यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है, आलियान अपनी टीम से थोड़ा सा अलहदा रहेंगे ज़रूर, लेकिन डिफरेंट एंगल से रियुगा अपने टीममेट को यहाँ पे कवर फायर देते हुए पहले तो आलियान को, इनफैक्ट छोटू वो प्लेयर रहने वाले हैं जो कि क्लोज रेंज पे रहने वाले हैं, आलियान को नॉक आउट किया जाएगा, और ये स्प्लिट ये फॉर्मेशन टीम वर्सेस की इतनी ज़्यादा हैरान कन अंगेज है कि टीम नेमलेस को भी थोड़ा बहुत परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से उन्होंने यहाँ पर रोटेट आउट किया, नाउ शामिर इज अ नॉक फिनिश कंप्लीट बोर्ड, गोकू बोर्ड इज द ओनली पर्सन जो इनके सामना अभी अकेले में करेंगे, तो लेट्स सी के क्या बनने वाला है। टी टू फोर इज एलिमिनेटेड एंड गोकू बोर्ड अभी इंतजार कर रहे हैं कि अब किस तरह ये टीम जो है इनके ऊपर चार्ज करेगी, मे बी चार्ज करे मे बी ना करे, बिकॉज अब टीम नो दैट टीम को अंदाज़ा हो चुका है कि नाउ एक ही प्लेयर रह गया TNL का, और ये जिस ऑफकोर्स स्मोक करके और अपनी लोकेशन को मेरे ख्याल से रिवील कर चुके, अगर उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो प्लेयर किस साइड पे रहने वाला है, बट ही आई थिंक जस्ट ही इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन, थोड़ा सा मूव करना चाह रहे हैं, मूव करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ग्रेनेड इनके आसपास आएगा एंड एक प्लेयर जो नॉक हुआ है उसको जल्द से जल्द रिवाइव भी मिल जाएगा, बाकी प्लेयर्स जो है मे बी मूव करें फायर करने की कोशिश करें, बट गोकुबोट यहाँ से आराम से रोटेट कर जाएंगे। वेल यस, और गोकुबोट की तरफ से थोड़ा बहुत ये फाइनलाइज किया जाता है कि अभी के लिए उनको फाइट में अपनी टीम का यहाँ से एलिमिनेशन दस्तूर नहीं लिखवाना, जिस वजह से वो इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं, और टीम मर्सीलेस ने सक्सेसफुली
हारिस पहले टीम टफ, उसके बाद टीम सेवंथ एलिमेंट की भी तीन प्लेयर्स को कंफर्म करने के बाद 6 किल पॉइंट्स कंफर्म कर चुके हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी ऐसी सेमी प्रो टीम को देखता हूं कि वो डट के मुकाबला करते हैं, वो हार नहीं मानते हैं, वो अपने घुटने टेकते हैं ऐसी प्रो टीम्स के खिलाफ। और इसकी प्राइम एग्जांपल टीम मर्सीडाइज रहती है कि इतनी अच्छी फॉर्मेशन के बाद भी उन्होंने एक नहीं बल्कि दो जायंट को नुकसान पहुंचाया। इनफैक्ट टीम टफ तो एक ऐसी टीम है जो कि यहां से बाहर हो चुकी है, और टीम सेवंथ एलिमेंट के आखिरी सर्वाइविंग प्लेयर को भी यहां पे फॉल बैक करने पे मजबूर किया जाता है। मैं यही उम्मीद रखता हूं कि जितनी भी अपराइजिंग टीम है आगे आने वाले वक्तों पे उनको मेहनत करनी है, ऐसा खेलना है, तो जिस तरीके का मुजाहरा टीम मर्सीलेस ने किया है वैसे ही गेम प्ले आपको निभा के रखना है बिना किसी डर के, और अपनी टीम एफर्ट्स अपनी टीम कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे सराह के इस तरीके से फाइट लेनी है। बट आगे बढ़ेंगे क्योंकि मीरामर का मैदान है, फाइट्स रोटेशन के बाद हो ही जाती हैं, अंजाम हो ही जाती हैं, तो देखते हैं कि स्टेज टू के बन जाने के बाद और ये जो 11 टीमें अभी के लिए सर्वाइव कर रही हैं उसमें से कौन कौन से नाम एक दूसरे के मुकाबले में आते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ देखने लायक होगी कि कौन कौन से नाम जो हैं वो आगे बढ़ के आते हैं। और जिस तरह आपने बात की कि अभी जो अपराइजिंग टीम्स हैं और इस तरह के, अगर मैं कहता हूँ कि भी इस इतना पोटेंशियल वो रखें कि वो उनको डर ना हो, खौफ ना हो कि सामने कौन सी टीम रहने वाली है, तो मेरे ख्याल से कास्टर्स भी इंजॉय करते हैं, ऑडियंस भी इंजॉय करती है कि यार कि देखो कितना बड़ा नाम है, ईजीली उन्होंने टेक डाउन कर दिया। बट ये सारी प्लानिंग्स हैं, आपने अगर देखा जाए तो इन हर टीम की दिन रात की मेहनत है, 8-8 घंटे जो कंपेटिटिव प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, वही ट्रेनिंग ग्राउंड्स में रहते हैं, देन आके वो मैचेस के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के जाते हैं। बट लेट्स सी कि अब क्या रहने वाला है। टीम TNL के लास्ट प्लेयर बिल्कुल सामने, वंस अगेन MRC के प्लेयर्स वो इनके आमने सामने रहते हैं, बट ही इज़ ऑल अलोन, ही इज़ ऑल अलोन। बट यहाँ पर अगर रोटेशन की अगर बात कीजिए, टीम इज़ रोटेटिंग नेक्स्ट टू राइट, अगर सर्कल के अंदर आ चुके हैं, बट अभी भी अगर बात कीजिए फिनिक्स और उसके साथ के हमरा सारे प्लेयर्स 6 एलिमिनेशन के साथ साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। गोकुबोट इज़ दी ओनली प्लेयर जो को मेरे ख्याल से इनको अंदाज़ा शायद है कि नहीं है कि, और या ये हाई ग्राउंड लेना चाह रहे हैं, अगर हाई ग्राउंड इनको अंदाज़ा नहीं है तो गोकुबोट आराम से इनको एक प्लेयर को तो आराम से टेक डाउन करके फिनिश भी कर देगा। बट लेट्स सी, अगर अंदाज़ा है तो एक अच्छी फाइट हो सकती है यहाँ पर। वेल डेफिनेटली फाइट यहाँ पे आगाज बन के जा सकती है, बट टीम मर्सीलेस मैं ये बिलीव करता हूँ अब इनका मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन थोड़ा बच के काफी ज्यादा प्लेयर अलग रहने वाले हैं, और यही इलेट की इनके दो प्लेयर्स को नॉक डाउन करा चुके हैं। हालांकि ब्लड मून ने अपने ही प्लेयर को विद द नेड अपने ओपोनेंट प्लेयर को यहाँ पे नॉक डाउन जरूर कराया था, बट जिस फॉर्मेशन पे जिस वाइड स्प्रेड पे टीम मर्सीलेस के प्लेयर्स रहने वाले हैं यही चीज इनको दो फाइट जिता देती है, लेकिन तीसरी फाइट में उनको नुकसान उठाना पड़ जाता है। आगे बढ़ के अपने तीसरे नॉकडाउन प्लेयर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियोगा की ये पोजीशनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है, क्योंकि यहाँ से वो किसी भी ओपोनेंट प्लेयर को करीब आने नहीं देंगे। एग्जैक्टली, अपने ओपोनेंट प्लेयर को करीब भी नहीं आने देंगे और एक अच्छी फाइट भी करते हुए नजर आएंगे। बट दूसरे पे का बात कीजिए, जो BM के प्लेयर्स थे वो अपने प्लेयर को उठा भी चुके हैं, एक एलिमिनेशन पॉइंट्स इनके पास आ चुका, एंड नाउ इज मूविंग फॉरवर्ड टू सम अनदर किल्स, आगे मूव करेंगे। बट गोकुबोट स्टिल ऑन द टॉप, अभी तक टॉप पे रहने वाले, एक प्लेयर जो कि नॉक फिनिश उन्होंने कंप्लीट कर दिया, दूसरा प्लेयर को रिवाइव मिल गया लकीली फिनिक्स को, और बाकी लेट्स सी कि ये दोनों अब इकट्ठे चार्ज करेंगे, और जहाँ पर बैक एंड से जो कवर प्रोवाइड किया जा रहा है दिस इज़ एक्चुअली गुड। एक्सपीरियंस टीम ऐसे खेल रही होती है जिसका अंदाज़ा नहीं होगा, ऑफकोर्स गोकुबोट को उनका अंदाज़ा यही होगा कि क्लोज आने वाली टीम कौन सी, तो यहाँ पर लेट्स सी जिस तरह क्लोज किए जा रहे हैं, गोकुबोट आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल आगे नहीं आए, बट स्टिल टीम स्काई ने नॉक फिनिश कंप्लीट किया। नॉट दिस वन, आई वाज एक्सपेक्टिंग MRC, बट देर इज ए न्यू नेम द सेवन स्काई जो कि यहाँ पर मूव कर चुकी है, फिनिक्स को वंस अगेन नॉक किया जाएगा, फिनिक्स को रिवाइव की ज़रूरत, और मेरे ख्याल से टीम सेवन स्काई बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी, वो थोड़ा सा क्लोज आ चुके हैं, करीब आ चुके हैं, और वो नॉक फिनिश कंप्लीट करना ज़रूर चाहेंगे। ग्रेनेड्स अगर उनके पास हैं तो वो ग्रेनेड्स थ्रो करें तो माहौल और बढ़ेगा। बट यहाँ पर गोकुबोट की अगर बात करूँ तो गोकुबोट को यहाँ पर जिसने नॉक फिनिश कंप्लीट की है वो टीम सेवन स्काई है, नॉट MRC। यस, टीम सेवन स्काई मेरे ख्याल से यहाँ से रोटेट आउट करने की कोशिश कर रही थी, जब उनके पास एक सेकेंड ऑप्शन आता है कि उनको आवाज़ आ जाती है कि यहाँ पे कोई ना कोई टीम फाइट ले रही है, और एक अच्छा इंटेंट टीम सेवन स्काई का मुझे इंटेंट काफ़ी अच्छा से लगा, क्योंकि अगर उस जगह पे मैं भी होता, मैं भी थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता, और उस कोशिशों में इन्होंने अभी के लिए एक किल उठाया ज़रूर है, लेकिन एक किल गवाया भी है यहाँ पे, अगर हम इस चीज़ पे गौर फरमाएं हारिस, क्योंकि
ज़्यादा जो फ़ायदा था अभी तक उनको पहुंचा नहीं है। और टीम मर्सीलेस, उनकी यहाँ पे सबसे अच्छा मूव मुझे तब लगा था जब गोकू बॉट उनको तंग कर रहे थे, उन्होंने बोला बस बहुत हुआ और दो प्लेयर्स आगे जाते हैं। हालांकि वो किल उनके पास नहीं आया, लेकिन जो वो मूव था, वो जो एक इरादा इन्होंने बनाया था, वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि टीम यस ये छोटी छोटी चीज़ों पर काफ़ी गौर फरमाते हैं। लेकिन नाजरीन, हमारे मीरामर के अगले जोन का शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर जा चुका है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ टीम टॉप के प्लेयर्स नॉर्दर्न एरिया का कंट्रोल अपने हाथ में लिए बैठे हैं। मेक श्योर उनको ये करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टीमें अगर उनसे दूर रहें तो उनके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन एक जो कंप्लीट क्लस्टर है, एक जो टीम का ट्रैफिक है, वो सदर्न रीजन से ही जोन के अंदर आने की कोशिश करेगा और तब शायद हम मल्टीपल फाइट्स को विटनेस कर सकें। बिल्कुल, मल्टीपल फाइट्स अभी होनी भी हैं, हमारे पास 9 टीमें रहती हैं, सर्कल छोटा सा रहेगा और सर्कल ऑफ कोर्स जिस तरह आगे जाता रहेगा कंपटीशन उस तरह और टफ होता रहेगा, क्योंकि हर टीम ने सर्कल के अंदर रह के ही फायर ये विनर विनर चिकन डिनर को हासिल करना है। सर्कल के बाहर ऑफ कोर्स वी नो दैट कि कितना डैमेज इस मीरामार के अंदर रहने वाला है, तो डैमेज को अवॉइड करना है और आगे बढ़ना है तो ये सीन तब ही करना पड़ेगा। बट अभी के लिए अगर बात की जाए, टीम जहाँ पर मूव कर रही है सर्कल के अंदर एक अच्छी पोजीशन को होल्ड करने के लिए, एसटीआर एक प्लेयर ज्यूस, इनका भी नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुके, 3-man स्टैंडिंग, दिस टीम इज नाउ मूविंग, सर्कल के अंदर मूव करेंगी। और यहाँ पर मोस्टली टीम्स यही माइंड में रख के मूव करती हैं कि यार के रस्ते में हमारा किसी के साथ क्लैश ना हो जाए, वी जस्ट नीड टू अवॉइड दैट और एक अच्छी होल्डिंग पोजीशन जहाँ पर हम रह के आराम सुकून से इन्फॉर्मेशन लेके फाइट करें, तो ये चीज़ें बहुत कम होती हैं स्पेशली मीरामार के अंदर, क्लैशेस तो रस्ते में हो ही जाते हैं। वेल डेफिनेटली, क्लैशेस के साथ साथ रोटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे वो सर अंजाम हो ही जाती हैं और उसमें तोड़ा जा रहा है टीम एसटीआर को। हालांकि टीम एसटीआर ने 5 किल पॉइंट्स कंफर्म जरूर किए हैं, लेकिन एक एक मूव, ये जितनी भी हर सेमी प्रो टीम्स हैं, मुझे काफ़ी देख के खुशी होती है कि इनकी जो बेसिक्स है, गेम की जो बेसिक्स है, उस पर कम्प्लीटली वो खरा उतरते हैं। रोटेशन रोक के स्मोक करके अपने प्लेयर को जिस तरीके से रिवाइव दिया गया है, और मेरी उम्मीदें इनसे बढ़ रही हैं कि वो आगे आने वाले ऐसी मैदान में और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन टीम सेवन स्काई अनफॉर्चुनेटली थर्ड पार्टी करने के बाद जो इनका नेक्स्ट मूव रहता है रोटेशन का, उसको वो सही तरीके से नहीं एग्जीक्यूट कर पाते हैं। हालांकि इनके ओपोनेंट जो रहते हैं, इनकी फाइट हो ही उन्हीं टीम से जाती है जो पहले इनको थर्ड पार्टी करने के लिए वो गए थे, और दोनों ही टीम ने नुकसान उठाए हैं इसमें। अब टीम सेवन स्काई के दांते बॉय रहने वाले हैं, द ओनली प्लेयर जो कि अभी जोन के बाहर थोड़ा ज़्यादा डैमेज ले रहे हैं, आखिरी फर्स्ट टी वो भी उन्होंने पॉप इन कर लिए, बट टीम सेवन स्काई अनफॉर्चुनेटली थर्ड पार्टी करने वालों के साथ भी थर्ड पार्टी हो जाती है। और इन सारी चीज़ों में अभी के लिए हमें ऐसा देख के लग रहा है कि टीम मर्सीलेस बचे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक उनको भी सर्वाइव करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जोन गेट की सिनेरियो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और उससे बाहर निकलने के लिए आपके पास अब एक ही ऑप्शन रहता है कि या तो आप बच बचा के डिफरेंट एंगल से जोन में आने की कोशिश करें, या फिर दूसरा ऑप्शन, उसकी पॉसिबिलिटी 50-50 रहती है कि या आप सर्वाइव कर जाएंगे अपने ओपोनेंट्स को मार धाड़ के, या आप एलिमिनेट हो जाएं। Exactly, या तो कुछ करना है, या तो डू एंड डाई कंडीशन अब तो बन चुकी है इस टाइम के ऊपर कि अभी आपने कुछ करके ही यहाँ से निकलना है। MRC इज मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर गोलू मोलू ऑलरेडी वेटिंग, ये यू गो, पहला नॉक निकलेगा, दूसरा नॉक करने का पूरी कोशिश है, दोनों बगियों के ऊपर रोटेट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर बात की जाए व्हीकल का, तो चांसेस है कि आराम से ये मूव कर जाएं, बट अभी के लिए अगर बात की जाए दिस MRC इज इन ट्रबल एट द मोमेंट, आगे पीछे हर जगह से फायर आना है, बट गोलू मोलू यहाँ से बच बचा के निकल जाएंगे। एंड नाउ BM हैव ए गुड चांस कि इस यहाँ से जितनी किल्स बटोर सकते हैं बटोर लें, ओके, उसके बाद चांस नहीं मिलने वाला। वेल डेफिनेटली, और इन सब चीज़ों के अलावा टीम ब्लड मून एज मैन आए जरूर थे ये, और अभी तक कामयाबी के साथ इन्होंने अपने तीनों प्लेयर्स को सर्वाइव करा के रखा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो सोलो प्लेयर जोन में आने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे ही प्लेयर्स की कोशिशें नाकाम की जा रही है। और अब स्टेज जो कि हम आखिरी स्टेज पे रहने वाले हैं, हारिस, टॉप 5 टीम्स, और टॉप 5 टीम में टीम एक्स जनरेशन भी एक ऐसी टीम है जो बिगैन नंबर्स के साथ यहाँ तक पहुँची है। डिवाइन कोशिश करेंगे क्योंकि मौका कम है, मैंने आपको पहले ही बताया था सेकंड लास्ट मैच है, और आज के दिन में टीम एक्जी के इतने ज़्यादा शानदार मैचेस गए नहीं है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं जब बड़े बड़े प्लेयर्स बड़ी बड़ी टीमें प्रेशर में आ जाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत संभल के खेलना पड़ता है। और डिवाइन का एक ऐसा स्टांस हमें यही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि टीम एक्जी को पॉइंट्स चाहिए, बहुत ज़रूरत है उनको ये सारे पॉइंट्स की। लेकिन टीम ब्लड मून जैसा इनके पास एंगल रहता है,
तीन प्लेयर्स हैं, तीनों ने किल कंफर्म कर चुके हैं। मेरे ख्याल से अब मौका है इनका कि वो आगे बढ़ के अपने सारे ओपोनेंट्स को यहाँ से उनको तंग करें, परेशान करें, ताकि कोई भी टीम अगर एज अ फोर मैन आगे आती है तो उनका वो पोटेंशियल फ्यूचर राइवल बन सकते हैं। अभी से उनको यहाँ पे थोड़ा बहुत खतरा डालना होगा ताकि आगे आने वाले मजीद और एंड जोन में इनके पास ज्यादा नंबर्स रहे। एग्जैक्टली और टी ओ जी जो कि भी स्टार्ट से ही फाइट के अंदर मुब्तला थी एंड नाउ स्टिल अभी तक अगर बात की जाए अभी तक लाइव है उनके दो प्लेयर्स, एक प्लेयर के नुकसान पे अभी भी यहाँ पर प्लेयर रहने वाले हैं बट यहाँ पर एस टी आर की नज़रों में आ जाएंगे और प्ले जोन का डैमेज भी अब उनको पड़ता हुआ नजर आ रहा है, मुश्किल उनके लिए और बढ़ चुके हैं और आई डोंट थिंक सो टी ओ जी का वहाँ से निकलना इतना ईजी होगा, मुश्किल में वो ऑलरेडी टीम पड़ चुके हैं। फ्रैगर इज़ दी ओनली पर्सन जो कि बैक एंड पे रहने वाले हैं एंड वो भी नज़रों में आएंगे, आई थिंक प्ले जोन की नज़रों में आए हैं या फिर क्या सीन आने वाला है, बट बी एम इज़ क्रेजी एट द मोमेंट एंड इसके साथ साथ एक्सजनरेशन के भी डिवाइन के भी किल्स यहाँ पर निकलते नजर आ रहे हैं बट येस हे यू गो यू कैन सी दैट के भी प्ले जोन के हत्थे चढ़ जाते हैं टी ओ जी के लास्ट प्लेयर एंड नाउ स्टिल काफ़ी अच्छी गेम प्ले हमें देखने को मिल सकती है डिवाइन की जानिब से कि बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग डिवाइन जो है वो नज़रों में नहीं है बट ही इज़ एक्चुअली वेल डेफिनेटली डिवाइन भी नज़रों में रहने वाले थे और डिवाइन की नज़रों के साथ ही साथ उनको थोड़ा परेशान किया जाता है एलिमिनेशन के साथ, लेकिन टीम एस टी आर अच्छे खासे किल्स रहने वाले हैं। लेकिन अभी मुकाबले का यहाँ पे रहेगा फाइट 3v3 रहेगी, टीम ब्लड मून जिनके पास 6 नंबर्स रहते हैं किल के वो सिर्फ टीम एस टी आर जिनके पास 7 है। अगर 6 नंबर वाली टीम है बिना बिना चिकन डिनर लेके जाती हैं तो 10 प्लेसमेंट और 3 इजाफी किल्स लेके जाएंगे, यानी कि 19 पॉइंट्स टीम ब्लड मून यहाँ से कंफर्म कर सकती है। लेकिन कुछ यूटिलिटीज का इस्तेमाल, पहला पेयर नॉक डाउन हो जाता है, दूसरे पेयर को भी काफी लोन एल्बो लेके आ ही जाते हैं और टीम एस टी आर एक एक करके अपने नंबर्स गवाने के बाद थोड़ा उनका जो हौसला है वो टूट रहा है। लेकिन टीम ब्लड मून आपको थोड़ा बहुत और प्रेशर बनाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों में अगर टीम एस टी आर के प्लेयर्स रिवाइव हो गए तो थोड़ा सा मुश्किल उनको भी सहनी पड़ सकती है। लेकिन प्राइम शट डाउन करने की कोशिश करते हैं, एक और नेट जाता हुआ, दूसरा प्लेयर भी नॉक डाउन हो जाता है और इट विल बी टीम ब्लड मून जो कि इन सारी चीजों में बाजी मार जाती है और अच्छे खासे किल पॉइंट्स के साथ ये विनर विनर चिकन डिनर आज इस बिल आखिर अपने नाम को ले ही जाते हैं। बिल्कुल, क्या ही खूबसूरत गेम प्ले इनके हाथ लग गई और खूबसूरत गेम प्ले ओवरऑल इस पूरे गेम के अंदर अगर बात की जाए, प्रूफी ने यहाँ पर काफी अच्छा खेला, 6 एलिमिनेशंस, काफी खूबसूरत TNM का प्लेयर था ये बट स्टिल MRC ने काफ़ी अच्छी रोटेशंस दिखाई, काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया और भाई ओवरऑल अगर बात की जाए मीरा मार के जो गेम से जिन टीमों ने एडवांटेज लेने थे मेरे ख्याल से खिज उन सब ने एडवांटेज भरपूर उठाए हैं, सारे के सारे एडवांटेज उन्होंने इस मैप के अंदर निकाल लिए हैं एंड नाउ द लास्ट गेम कुछ ही देर के अंदर हम वो भी आपके सामने ज़रूर शेयर करेंगे और देखेंगे कि उसमें टीम्स कैसा परफॉर्म करती हैं क्योंकि आखिरी मौका है काफ़ी सारी टीमों का, काफ़ी सारे ऐसे नामों का जिन्होंने इस मैच के अंदर कुछ पिछले 4 मैचेस के अंदर उस तरह की गेम नहीं निकाल पाए, जस्ट उनको एक गेम चाहिए जिस तरह की ऑफकोर्स TNL ने आपको दिखाई कि एक ही गेम के अंदर इतने तगड़े किल्स उन्होंने निकाल लिए थे तो ये कोई भी कर सकता है अगर बल्कि वो डेडिकेशन के साथ खेलता और दिखाई दे, एक्सजनरेशन इसके ऊपर कैपेबल है, इसमें टफ यहाँ पर कैपेबल है, वो भी इस तरह की गेम निकाल सकती है, हाईएस्ट स्किल के साथ जा सकती है, बट ये सब देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम जाएंगे मैं और खेज एक छोटे से ब्रेक पे और उसके बाद मिलेंगे आपसे। You know that you control me, guilty self-affliction, prey on me when I'm lonely, and I'm your willing victim, my friends already told me, but I don't wanna listen. We'll be right back.
You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. You control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. You control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. I'm not afraid to be alone.
You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen.
उनके पॉइंट्स ऑलरेडी काफी ज्यादा कम है।
हाँ जी बिल्कुल, और ब्लड मून के प्लेयर्स काफ़ी अच्छी तरह से जो है इस जगह को होल्ड करते हुए और कोशिश कर रहे हैं ये किल्स भी उठाने के, क्योंकि ऑलरेडी 4 किल्स उनके पास आ चुके हैं अर्ली स्टेजेस के ऊपर। अगर आप 4 किल्स निकाल लेते हो और उसके बाद एक और स्क्वाड आपके पास आ जाता है, तो बैक टू बैक किल्स निकालने के बाद आप जो है एक अच्छी डोमिनेशन भी दिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ब्लड मून थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज देते हुए एक प्लेयर उनके नॉकडाउन हो जाएंगे, प्राइम को रिवाइवल देना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे पुश आ जाएगा और साथ ही साथ ब्रांड को भी नॉकडाउन कर दिया जाएगा। टीम एक्स काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हुए आगे बढ़ते जरूर है, लेकिन डैमेज दिया जाएगा दीदार की जानिब से। पहला नॉक निकाला जाएगा एक्स के, एक और प्लेयर ऑलरेडी नॉक रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं टीम एक्स के जो एक एग्रेशन था उसको फुल स्टॉप लगाया जाएगा। जो प्लेयर यहाँ पे मौजूद है उनको कंफर्म किया जाएगा और उसी के साथ यहाँ पे ब्लड मून हमें इसमें ऐसे इलिमिनेट होते हुए ऑलरेडी 4 किल्स उनके पास मौजूद थे। लेकिन इसी सारे सिनेरियो में एक्स की टीम ने जिस तरह से ये फाइट निकाली, सारे के सारे किल्स अपने बैकपैक में डालेंगे और चारों के चारों प्लेयर्स को ही बचा लिया जाएगा। हारिस जी, हारिस मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, शायद हमारा जो स्ट्रीम साउंड है वो जो है ऑडियंस तक नहीं पहुँच रहा अनफॉर्चुनेटली, तो उसको भी काइंडली से चेक कीजिएगा। लेकिन फिलहाल फाइट की अगर बात करें तो TNL की टीम एंट्री लेते हुए एक किल निकाला जाएगा और टीम एक्स की टीम अभी 3 मैन ही रहेगी। लेकिन TNL शामीर नॉक जरूर होते हैं, लेकिन रिवाइवल देने के लिए उनके प्लेयर्स मौजूद थे और आलियान हाथ में S12 के रहने वाली है उनके, और आगे एग्रेस करते हुए आगे बढ़ते हुए कोशिश करेंगे ये किल्स भी उठाने की। और इसी के साथ यहाँ पे गोकू बोट DBS चलाएंगे और साथ ही साथ 3-4 OP भी DBS लेके आगे हावी होते हुए और आलियान लास्ट किल उठाएंगे। और उसी के साथ TNL इस मैच में एक अलग ही डोमिनेशन दिखाना चाहते हैं। टोटल उनके पास अगर किल्स की बात कर ले तो 8 किल्स रहने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर 8 किल्स रहने वाले हैं। और यहाँ पर अगर बात कीजिए गेम साउंड की, तो गेम साउंड स्ट्रीम क्रैश होने की वजह से यहाँ पर भी गेम साउंड का थोड़ा दिक्कत है, बट आई विल फिक्स इट आउट। तनवीर प्लीज कंटिन्यू जी। और उसके अलावा काइंडली हमारा भी साउंड देख लीजिएगा कि हमारा भी साउंड जो है वो ऑडियंस तक जा रहा हो। लेकिन टीम TNL जिस तरह से खेल रही है काफ़ी अच्छी तरह से डोमिनेशन दिखाई जाती है। टोटल 8 किल्स निकाल चुके हैं, चारों के चारों प्लेयर्स मौजूद रहने वाले हैं। गोकू बोर्ड के पास 3 किल्स रहेंगे, 2 किल्स 3-4 OP के पास रहने वाले हैं और उसके अलावा आलियान भी 2 किल्स निकाल चुके हैं। ये टीम काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती हुई शायद जाते जाते एक मार्क छोड़ना चाहते हैं, जो एक किल काउंट जो निकाला जा रहा है। तो अगर ये टीम चिकन डिनर के लिए जाती हो तो शायद ये टीम हमें 20+ किल्स भी निकालते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही TNL आगे बढ़ती है, 7 स्काई के लिए मुश्किलात बढ़ा दी जाएंगी, 2 प्लेयर्स को गिरा दिया जाता है। लास्ट प्लेयर यहाँ पे शायद मौजूद है, उनके ऊपर भी क्रॉसर रहने वाले हैं। TNL ऑलरेडी 10 किल्स निकाल चुके हैं और अभी भी किल्स का जो एक रेस है उसमें पीछे नहीं रह रही। लेकिन अभी TNL के प्लेयर्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ेगा, 2 प्लेयर्स नॉक हो जाएंगे, DBS चलेगी, शाहिद की डैमेज दिया जाएगा, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। बैक एंड से उनके प्लेयर्स को आना होगा, हेयाची लास्ट प्लेयर मौजूद है, अपने प्लेयर के पास जाना होगा, लेकिन शायद यहाँ पे काफी देर कर दी इन्होंने, अपने प्लेयर्स को बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक चांस है, अगर एग्रेस करते तो TNL के जो नॉक्ड प्लेयर थे उनको कंफर्म किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे 7 स्काई की ये प्लेयर अपनी टीम के लिए सर्वाइव करना चाहेंगे और शायद कुछ और सर्वाइवल पॉइंट्स निकालना चाहेंगे। TNL की टीम इसी सारे स्नैरियो में नॉक्ड प्लेयर जो उनके मौजूद थे उनको रिवाइवल दे दिया जाएगा और नॉक्ड प्लेयर्स को रिवाइवल देने के बाद दोबारा से हमें आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो लेट्स सी क्या यहाँ पे TNL और भी स्क्वाड्स के ऊपर एग्रेस करती हुई नजर आएगी। ऑलरेडी 3 स्क्वाड वाइप उनके नाम जा चुके हैं और टोटल किल्स की अगर बात कर ले तो 12 किल्स उनके पास आ चुके हैं। सर्कल काफी ज्यादा करीब है तो कुछ खास मसला नहीं रहेगा, लेकिन बाकी की टीम्स के ऊपर नजरें दौड़ाएंगे। लाइक टीम टफ की बात कर ले और टीम एक्स जी, ये वो टीम्स हैं जो पिछले मैचेस में कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाई। अभी तक की जो ओवरऑल स्टैंडिंग है पिछले 4 मैचेस की, उसमें टॉप 8 के अंदर अभी तक नहीं पहुंची हैं। एक्स जी जोन के एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर मौजूद है और ऑन द अदर साइड टफ की बात करें तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता सर्कल के अंदर बनाने जगह बनाने में जो है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल, यहाँ पर भी अपनी अपनी जगह हर टीम अपनी होल्ड अप करते हुए नजर आ रही है। टीम नाउ इज मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। अगर बात कीजिए टी एन की, तो भाई मैं कहता हूँ कि भाई खूबसूरत गेम प्ले उन्होंने पिछले कुछ मैचेस के अंदर भी किया, एक अच्छी थर्ड पार्टीज करते हुए नजर आए। बट अभी के लिए अगर बात कीजिए बिल्कुल मिड ऑफ दिस मैप जो टीम रहती है वो यही टीम रहेगी। बट लेट्स सी कि आगे बढ़ के ये किस तरह खेलते हुए दिखते हैं, हमें किस तरह ये गेम परफॉर्म करते हैं। बट एज यूजुअल अगर स्काई की बात की जाए, स्काई हैव लास्ट टाची प्लेयर जो कि बिल्कुल रोटेट करके डिफरेंट साइड से आए। बट अभी के लिए अगर बात की जाए टीएनएम की, टीएमएम फाइट जरूर कर रही है और ये चाहती है कि यहाँ पर इस जगह पर होल्ड अप एक अच्छी पोजिशन मेंटेन की जाए। जी बिल्कुल, द नाइट मेयर यहाँ पे मौजूद, तीन प्लेयर्स रहने वाले हैं। प्रूफी ऑलरेडी इलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं तीन प्लेयर्स के साथ जो ही इनको आगे बढ़ना होगा। अभी टीम टीओजी के ऊपर जो है इनकी नज़रें रहने वाली हैं। गोलू मोलू अपने क्रॉसर उनके ऊपर बना के बैठे हैं, लेकिन नॉक अभी तक कोई देखने को नहीं मिलेगा। बाकी की अगर बात कर लें, ओवरऑल 36 सेकेंड्स बाकी बचे हैं नेक्स्ट सर्कल बनने में, और अगर दूसरा सर्कल भी यहाँ पे क्लोज इन करता है तो टीम्स जो सर्कल से बाहर है उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती हैं। लेकिन टीम्स ऑलरेडी रोटेशन स्टार्ट कर चुकी हैं, मोस्टली टीम सर्कल के अंदर आ चुकी हैं। कुछ ही टीम्स ऐसी हैं जो सर्कल से बाहर हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अगर सर्कल का सेंट्रल पॉइंट देखा जाए तो मेंशन और रेजोक और इनके सेंट्रल जो पॉइंट रहता है, ये जो है सारा एरिया जोन के सेंट्रल एक एरिया रहने वाला है, और टीम्स ऑलमोस्ट सेंटर होल्ड करती हुई सारी की सारी नज़र आ रही हैं। लेकिन बाकी की टीम्स जो दूर से आ रही हैं अभी सर्कल के अंदर, उनके ऊपर भी नाजरी लाजमी से जो नज़रें रहेंगी। लेकिन TNL की टीम अभी एग्रेस दोबारा से करती हुई, एग्रेस किया जाएगा, MRC के एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा, बाकी के प्लेयर थोड़ा सा दूर रहने वाले हैं, लेकिन एक और प्लेयर इनके हत्थे चढ़ जाएंगे, रघु को भी नॉक डाउन किया जाएगा। DBS साथ में इनके मौजूद, आगे बढ़ा जाता है, लेकिन इस दफा गोट जो है गोकू बोट नॉक हो जाएंगे, शामीर भी नॉक रहने वाले हैं, T24 OP और उनके साथ साथ आलियान, लास्ट दो प्लेयर्स सरवाइव करते हुए, लेकिन MRC के पूरे स्क्वाड को अगेन से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टीम TNL ऑलरेडी 15 किल्स निकाल चुके हैं, अभी भी स्लोबी में 28 प्लेयर्स अलाइव रहने वाले हैं। ये टीम जो है टीम्स को ढूंढ रही है, ढूंढ ढूंढ के जो है एक एक टीम को एलिमिनेट किया जा रहा है TNL की जानिब से। इस लॉबी में ऊपर एक मार्क छोड़ना चाहते हैं, एक अपना इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि हम वो टीम है जो PMGC में भी अच्छे पोजीशन, अच्छे जो है फाइट्स लेके अच्छे जो है पोजीशंस के ऊपर एंड करके आए हैं, और डेफिनेटली चाहेंगे इस लॉबी में डोमिनेट करने को, और ऑलरेडी कर भी रहे हैं। इससे पहले जो ओवरऑल स्टैंडिंग थी ऑलरेडी टॉप के ऊपर मौजूद थे, लेकिन जिस तरह की ये परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं शायद टॉप से भी ऊपर किसी और पोजीशन पे जाना चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए सारे के सारे प्लेयर जो एलिमिनेट हुए हैं उनके क्रेडिट्स को लूटा जाएगा, और इनके प्लेयर्स के किल्स की अगर काउंट की बात करें तो हारिस चारों के चारों प्लेयर्स के साथ इक्वली किल रहेंगे। जस्ट एक ही प्लेयर ऐसे हैं जिनके पास 3 किल्स हैं, लेकिन बाकी के तीनों प्लेयर्स 4-4 किल्स निकाल के जाएंगे। बिल्कुल 4-4 किल्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, 4-4 किल्स। T24 इज नॉट प्लेयर जो मेरे ख्याल से मैक्सिमम किल्स उठा सकते हैं, बट ही इज प्लेइंग फॉर द टीम, अपनी टीम को यहाँ पर भी इस टाइम पे वो यही चाह रहे हैं कि यार की टीम के मैक्सिमम किल्स हों। और हमने स्टार्ट में मैच बात की थी कि यार की टीम TNL आई थिंक वो हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं कि पिछले मैचेस के अंदर जो किल्स हमने निकाले हैं उसको, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ना है। हमने वो रिकॉर्ड भी तोड़ के अब आगे की तरफ बढ़ना है। अभी तक कोई TNL की अगर बात की जाए और टेबल टॉप पे होंगे ये, बट स्टिल कोई भी चिकन डिनर, एक भी 5 मैचेस के अंदर कोई भी चिकन डिनर इनके पास नहीं है। सारा का सारा जो इनका भी पॉइंट सिस्टम बेस्ड है वो किल्स के ऊपर रहने वाला है। बट नाउ दीज गाइज आर मूविंग टुवर्ड द टॉप बॉयज, टॉप के पास जाएंगे, शॉटगन चलेगी। ओ भाई साहब, टीम टफ के लिए बहुत बुरी सिचुएशन हो सकती है। अगर TNL उसी तरह से टीम टफ के साथ भी फाइट लेती है तो शायद टीम टफ के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। टीम टफ ये फाइट जो है नहीं बियर कर सकेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके प्लेयर्स काफी बुरी मुश्किल में जा चुके हैं, ऑलरेडी काफी पूरी पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। अगर इस फाइट के अंदर ये टीम नहीं जीती तो शायद से ये टीम हमें नेक्स्ट स्टेजेस में खेलते हुए नजर नहीं आएगी। टफ के रहमान को नॉक किया जाता है, किल कंफर्म कर लिया जाएगा, बाकी के दोनों टफ के प्लेयर्स के ऊपर अभी देखते हैं वो किस तरह से खेलते हैं, क्या कुछ सर्वाइवल पॉइंट्स निकालने की तरफ जाएंगे, या यहाँ पे जो है टीम TNL को घेरते हुए इनके किल्स को उठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी तक के लिए
टीम टफ के प्लेयर्स अपने कंपाउंड्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन टीएनएल की टीम चेज करते हुए वो ढूंढ रहे हैं चारों प्लेयर्स अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हुए और हर तरफ ढूंढ रहे हैं कोई प्लेयर इनको दिखे, कोई टीम इनको दिखे जिनको प्रोग्रेस किया जाए। और फाइनली यहां पे टीएनएल ने स्पॉट कर लिया है टफ के इन प्लेयर्स को और शायद यहां पे अभी एग्रेस करते हुए नजर भी आए, लेकिन क्या यहां पे टीम टफ का ये डुओ टीएनएल के इन तीन प्लेयर्स को रोक पाएंगे? T24 ओपी बगी लेके लीड करते हुए स्नाइपर टावर में रुका जाएगा और शायद अभी एक ओपनिंग नॉक निकालने की तलाश में होंगे। ओपनिंग नॉक निकालने के बाद हमें आगे एग्रेस करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी दोनों टीम्स इस पोजीशन में मौजूद हैं। जोन का एक सेंट्रल पॉइंट रहेगा, जोन की कच्ची फांसी फेवर जरूर रहेगी, लेकिन टीएनएल की टीम वो जोन की फेवर को देखे बगैर ही किल्स उठाने के लिए जो है काफी ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अभी टार्जन की बात कर ले तो रुका जाएगा, उनकी तरफ से हील्स वगैरह अपनी पूरी करते हुए उनके साथ उनके जो टीममेट डीमोटिवेट सर रहते हैं वो भी उनके साथ मौजूद जरूर हैं। टीएनएल के प्लेयर्स के साथ इंगेजमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक के लिए टीएनएल के प्लेयर्स रुके हुए हैं, एग्रेस नहीं करना चाहते। लेकिन शामीर थोड़ा सा अलग एंगल से बगी लेके अपनी एंट्री बनाते हुए आलियान भी पहुंच जाएंगे सारे स्नैप में और स्लैम इन देते हुए डीमोटिवेटिव सर के साथ। ये टार्जन ऑलरेडी नेट निकाल चुके हैं, अगर यहाँ पे गाड़ी रोकी जाती है तो शायद टार्जन के नेट के साथ नॉक किया जाए, शामीर आ जाएंगे, अलियान भी आ जाएंगे और तीनों प्लेयर्स यहाँ पे गाड़ियां घुमाते हुए इनके चारों तरफ जो है इनको प्रेशराइज किया जा रहा है, इनको डराया जा रहा है। शायद गाड़ी के साउंड के साथ इस टीम को काफी बुरी मुश्किल में डाला जा चुका है, लेकिन शामीर यहाँ पे नेट निकाल चुकी है, नेट काफी ज्यादा डेडली हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पे नेट जाएगा जरूर, लेकिन जाते जाते शामीर खुद भी नॉक हो जाएंगे टार्जन के स्थान से। लेकिन लास्ट प्लेयर यहाँ पे मौजूद अभी भी टीम टफ के और उनके ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लेकिन शामीर को रिवाइवल दिया जा रहा है। इससे पहले रिवाइवल होने से पहले पहले ही डीमोटिवेटिव सर को जो है यहाँ पे आगे बढ़ के ये फाइट लेनी होगी, ये फाइट विन करनी होगी, लेकिन क्या यहाँ पे कामयाब हो पाएंगे? लेकिन नहीं, यहाँ पे नेड आएगा और उसी के साथ टीम टफ का सफर यहाँ पे एंड कर दिया जाएगा और शायद अनफॉर्चुनेटली टीम टफ हमें सेमीफाइनल्स के अंदर जाती हुई नजर नहीं आए। एग्जैक्टली यहाँ पर जो माहौल क्रिएट कर दिया गया टीएनएल की जानिब से, वो उन्होंने एक प्रैक्टिस ग्राउंड बना लिया तनवीर, मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस ग्राउंड उन्होंने बना लिया। एंड मुझे यहाँ पर मूव करने किसी और टीम को मूव करने की उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी। दीज गाइज आर सेइंग कि वी आर प्लेइंग तो हमें ही दिखाते रहो। बट यहाँ पर अगर एक्स जनरेशन की बात करें, एक्स जनरेशन हैव मैन पावर, यहाँ पर उनके पास फोर मैन आर्मी यहाँ पर रहने वाली है। क्या टीएनएल इनको भी मतलब ढेर करेगी कि नहीं करेगी? बट लेट सी कि यहाँ पर 3v4 फाइट, नॉट अ फेयर फाइट, बट स्टिल अगर बात की जाए एक एक्सपीरियंस बहुत मैटर करते हैं। अगर आप मतलब काफ़ी यहाँ पर बंदे होंगे शायद उनको टीएनएल का अंदाज़ा ना हो, सेवंथ एलिमेंट ये टीम थी जिसको किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ दीज गाइज आर प्लेइंग, मतलब उनके प्ले स्टाइल से पता चलता है कि यार के ये वही लड़के। जी जी टू ईच एंड एवरी सिंगल वन, और अलियान, T24, शामीर, सारे के सारे बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक। पर स्टिल अगर बात की जाए, डिवाइन इज हियर एज वेल। डिवाइन जो है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा बगी अपनी रोटेट कर रहे, और नीचे अगर बात की जाए S1 के प्लेस भी रहते हैं, और नीचे वाली जानब की अगर बात की जाए तो S1 हैव ए गुड प्लेस एज वेल। उन्होंने एक अच्छी पोजीशन होल्ड किया, बट वो सर्कल से बाहर है। सर्कल के अंदर अगर बात करनी है तो सर्कल के अंदर यहाँ पर अगर बात करूँ T24 के बॉयज, T24 जो है वो बिल्कुल एज टू एज यहाँ पर भी रहने वाले हैं। और मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता हर टीम यही चाहेगी कि सर्कल के अंदर जा रहा है, बट आई डोंट थिंक सो नेमलेस उनको अलाउ करेगी कि वो अंदर आ सके। जी, लेकिन अभी तक के लिए टीएनएल जिस तरह से खेल रही है, एक्सजी को ये फाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक्सजी भी अभी फिलहाल के लिए इस तरह की पोजीशन में है। अगर अर्ली एलिमिनेट हो जाते हैं तो टॉप 8 के जो रेस है उससे बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं, और टीएनएल के साथ इंगेजमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। डिवाइन काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ते हुए, लेकिन बच बचा के यहाँ से निकलना चाहेंगे। ठग काफ़ी ज़्यादा कम एचपी के ऊपर जा चुके हैं और शामीर ये किल उठाना चाहते हैं, और जी हाँ, यहाँ पे नॉक किया जाएगा ठग को और किल कंफर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार। और बाकी के एक्सजी के प्लेयर्स बिल्कुल पास से गुजरते हुए अपने प्लेयर को बचाने की कोशिश भी नहीं की जाती, क्योंकि काफ़ी बुरी सिचुएशन में, काफ़ी बुरी जगह के ऊपर फंस चुके थे और अभी शायद थोड़ी देर में एलिमिनेट होते नजर आएंगे। जी हाँ, ये किल उठाते हुए नजर आएंगे। डिवाइन भी काफ़ी बुरी तरह से फंसे हुए और डिवाइन को भी नॉक कर दिया जाएगा। किल कंफर्म करते हुए टीएनएल की टीम के किल्स की अगर हार इस बात कर ली जाए तो टोटल 19 किल्स जिनके पास रहने वाले हैं, 3 प्लेयर जिनके पास
मौजूद हैं। चेक हिल्स आलियान के पास रहेंगे, चेक हिल्स शामीर और चार किल्स टी टू फोर ओपी लेके जाते हुए, लेकिन एक्सजी काफी बुरी सिचुएशन में, वो भी एक बुरी पोजीशन में फंस गया और इसी के साथ यहाँ पे एक्सजी को भी इलिमिनेट कर दिया जाएगा। एक और यहाँ पे बुरी परफॉर्मेंस टीम टफ और एक्सजी दोनों ही की जानिब से, और इसी के साथ शायद टीम एक्सजी भी टॉप एट की रेस से बाहर होते हुए, टीम टीएनएल वो जिस तरह से खेल रही है किसी भी स्क्वाड को वो माफ़ नहीं कर रही, जो भी टीम उनके सामने आती है उनके ऊपर एग्रेस किया जाता है और उनके किल्स को उठाया जाता है, लेकिन इनके एग्रेशन को शायद यहाँ पे टीम ऑल स्टार जो इसमें आज के दिन के अंदर ऑलरेडी दो चिकन निकाल चुकी है, इनके एग्रेशन को शायद फुल स्टॉप लिखाते हुए नजर आए और एक प्लेयर को नॉक किया जाता है, लेकिन शामीर पास मौजूद थे, रिवाइवल दिया जा रहा है, लेकिन टीम ऑल स्टार अगर यहाँ पे एग्रेस करती है तो एक शायद स्क्वाड वाइप अपने नाम कर सकते हैं, लेकिन टी टू फोर ओपी कवर फायर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एग्रेस किया जा रहा है टीम ऑल स्टार की जानिब से और शायद वो टीम ऑल स्टार इनके किल्स को उठाना चाहती है, लेकिन ऑल स्टार के प्लेयर फंस जाएंगे और खुद ही टीम टीएनएल के जाल में फंसते और उनके एक किल नॉक हो जाएगा। जोकर की बात कर ले वो टीम टीओजी के साथ फाइट में आते हुए उनके साथ जो है उनके किल्स को उठाने की कोशिश करते हुए, ऑन द अदर साइड के एचके सलमान ओपी उनके किल को उठाया जाएगा टीएनएल की जानिब से और आलियान यहां पे अगेन से नॉक हो जाते हैं, शायद इनको रिवाइवल नहीं दिया जाएगा। शामीर अपने टीममेट के पास साथ रीग्रुप करना चाहेंगे और ये डेडली टू वो हमें अगेन से फाइट्स में जाता हुआ नजर आएगा। व्हाट जस्ट हैपेंड तन्वीर, आई एम स्पीचलेस और ये नेमलेस, मतलब कि इनको नाम की ज़रूरत है यार, मतलब कि व्हाट दीज गाइज आर डूइंग एक्चुअली। अभी तक की अगर बात करें 23 एलिमिनेशन पॉइंट्स इन द बैकपैक, अनदर वन इज कमिंग यस एंड हियर यू गो शामीर, ओ भाई साहब, राइट एट द मोमेंट आई डोंट थिंक सो इन हिस्ट्री हमें कुछ इस तरह के मैचेस हमें देखने को बहुत कम मिलेंगे, ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरह की टीमें जो है ओपन आउट निकल के इतने किल्स उठा सके, बट व्हाट ए गेम, लेट्स सी डेडली डुओ कहां तक जाता है, एंड आई थिंक ही जस्ट नोटिस दैट देयर इज ए प्लेयर एंड ही जस्ट गुड वन, यहां पर भी आई थिंक ही जस्ट नोटिस दैट, बट उनको अंदाज़ा नहीं है कि प्लेयर है कि नहीं है, बट रिवाइव हो जाएगा। 24 एलिमिनेशन यहाँ पर हो सकती है, बट बैक एंड पे मेरे ख्याल से रिवाइव पॉसिबल है, दरख्त का सहारा लिया जाएगा और इजी पीजी गेम है भाई। आई थिंक दिस गेम इज आउट ऑफ चिकन, मेरे ख्याल से चिकन की तरफ बढ़ रहे हैं जी। ऑलरेडी TNL दो मैचेस में नंबर सेकंड के ऊपर आ चुकी है, लेकिन इस मैच में शायद नहीं से चाहेंगे दोबारा से नंबर सेकंड के ऊपर आए, चाहेंगे कि इस मैच में चिकन डिनर के साथ एक अच्छा एंड किया जाए आज के दिन का, लेकिन 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 क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे। लुक एट द किल पॉइंट्स ऑफ टीम TNL, ऑलरेडी 23 किल पॉइंट्स इनके पास मौजूद हैं, 6 किल्स जो है टी टू फोर ओपी के पास मौजूद रहने वाले हैं, शामीर के पास भी दो किल्स रहेंगे, सर्कल के कैच भी इनके पास रहने वाला है, लेकिन सामने वाली टीम्स वो मैन एडवांटेज के साथ मौजूद है, क्या इस मैन एडवांटेज को काउंटर कर पाएगी TNL। अभी जिस जानब जा रहे हैं RES के प्लेयर्स, एक डुवो उनका भी सर्वाइव करता रहता है इनके सामने मौजूद है, अगर इस डुवो के साथ एंगेजमेंट लेते हैं तो शायद जो एक जो इनके लिए मुश्किल सिचुएशन हो सकती है, जो इनके लिए एक टीम मुश्किल क्रिएट कर सकती है, उनको भी इलिमिनेट किया जा सके, लेकिन अभी तक के लिए TOG के फ्रैग रोपी के ऊपर नजरें रहने वाली हैं, उसके साथ साथ टीम ऑल स्टार के एक प्लेयर यहाँ पे मौजूद है, उनके ऊपर भी क्रॉस एयर रहेंगे, लेकिन TNL के शामीर नॉक हो जाएंगे, टीम नाइटमेयर यहाँ पे एक बुरा सपना साबित होती हुई टीम TNL के लिए, इनके एक प्लेयर को नॉक कर दिया जाएगा, लास्ट प्लेयर के ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, T24 OP बचते बचाते सर्कल के अंदर एंट्री बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन टीम TNM के गोलू मोलू वो भी नॉक होते हुए, TSF अभी सर्कल का पूरा होल्ड लेते हुए, वुल्फ और उनके साथ यहाँ पे उनके बाकी के दोनों टीममेट जोरो भी मौजूद रहने वाले हैं और टीम नाइटमेयर के साथ फाइट लेते हुए, लेकिन TNL का ये लास्ट सोलो प्लेयर क्या अपनी टीम के लिए एक क्लच मोमेंट के अंदर, एक क्लच सिचुएशन के अंदर चिकन डिनर निकाल पाएगा, क्या ये अपने लिए एक चिकन डिनर के साथ आज के दिन के अंदर जो इनकी डोमिनेशन थी उसको चार चांद लगाते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी तक के लिए फाइट में अगर देखा जाए टीम नाइटमेयर TSF के सामने आती हुई और टीम नाइटमेयर के प्लेयर्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ते हुए, जोकर ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं, उनको रिवाइवल दिया जा रहा है, लेकिन टीम TSF वो अभी उनकी नजरें टीम नाइटमेयर के ऊपर रहने वाली है और T24OP को कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मौका मिल जाता है, लेकिन T24OP क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नेड निकाल चुके हैं, शायद इस नेड के साथ नाइटमेयर के प्लेयर्स को उठा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जोरो का कुछ फाइट्स आएंगे और टीम नाइटमेयर के प्लेयर्स को गिरा दिया जाएगा, लेकिन जोरो यहाँ पे
T24 ओपी के क्रॉस एयर में आते हुए शायद एक नेड निकाला, अगेन से जा चुका है। ऑलरेडी चार टीम्स बाकी रहने वाली हैं स्लो बी के अंदर, और अभी टीएसएफ के ये तीनों प्लेयर शायद इनके ऊपर एग्रेस करते हुए नजर आए, लेकिन बैक एंड से भी बचना होगा क्योंकि बिल्कुल राइट साइड पे इनके एक टीम मौजूद रहने वाली है, टीम नाइटमेयर के जोकर यहाँ पे आगे आते हुए उनको स्पॉट किया जाता है, स्प्रे देते की कोशिश लेकिन अभी तक रुका जाएगा। बैक एंड पे एक और प्लेयर मौजूद रहने वाले, आरएस के प्लेयर को स्पॉट किया जाएगा लेकिन स्प्रेज नहीं दिए जाएंगे। सर्कल चल चुका है, सर्कल के अंदर भी जाना है, सामने इनके तीन से चार टीम्स मौजूद हैं, उनके साथ फाइट्स भी लेनी है। क्या यहाँ पे T24 ओपी ये फाइट निकाल पाएंगे, क्या यहाँ पे अपनी टीम के लिए चिकन निकाल पाएंगे? ऑन द अदर साइड टीएसएफ की बात करें, तीन प्लेयर उनके पास मौजूद है और मैन एडवांटेज के साथ इस लोबी में आगे बढ़ते हुए स्मार्ट मूव। अगर वहां पर अगर बात की जाए डाउन साइड, वो दो किल्स उठा सकते थे बट अपनी पोजीशन भी सेक्रीफाइस करते, यहां पर अपनी पोजीशन भी रिवील करते थे, बट अभी के लिए अगर बात की जाए ही नो दैट के ऊपर से एक हाई ग्राउंड से अगर मैं आता हूं तो एक अच्छी पोजीशन मेंटेन भी कर लूंगा और साथ साथ कुछ किल्स भी क्रिएट कर लूंगा। हियर यू गो, एक अच्छी मोलोटोव शॉटगन, बट नहीं यहां पर टीएसएफ के बॉयज कहते हैं वी जस्ट डोंट गिव यू ए चांस टू क्रिएट ए हिस्ट्री, कि आप चिकन डिनर के साथ इतने किल्स आप लेके जाए, वी डोंट गिव यू ए चांस टू टेक मतलब एक अपना नोट डाउन कर सके, आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर ले, बट फिर भी बहुत अच्छा गेम प्ले, अमेजिंग गेम प्ले, आई जस्ट लव टू सी, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि ये सिर्फ TNL का ही गेम प्ले चल रहा है, बाकी टीमें जस्ट इंजॉय कर रही हैं बस इस लोबी में, वो कहते हैं मार खाने के लिए आए, वो ऐसा कुछ लग रहा था, बट फिर भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग गेम प्ले उन्होंने दिखाई, एक एग्रेसिव मतलब उन्होंने गेम प्ले निकाली। I don't have words. क्या ही खूबसूरत गेम प्ले, किल्स पे किल्स, बट TSF, oh my god, 1 HP, last HP, और यहाँ पर जा सकते थे, और यहाँ पर अगर बात की जाए पिक अप द प्लेयर और द लास्ट HP as well, बट कनेक्ट होता है, टीम नो दैट कि एयर ड्रॉप के पीछे ही प्लेयर रहने वाला। जी नेड्स किए जा रहे हैं, 12 बार नेड्स फेंके जा रहे हैं लेकिन अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन दोनों सोलोज एक दूसरे के आमने सामने आते हुए और इस चीज का एडवांटेज कहीं ना कहीं टीएसएफ के प्लेयर उठा सकते हैं, और जी हाँ उनकी जानिब से निकला जाएगा और डीबीएस का लास्ट शॉट दिया जाएगा, उसी के साथ टीएसएफ पहला चिकन डिनर अपने नाम करते हुए। टोटल किल्स की बात कर ले तो 8 किल्स निकाले जाएंगे वुल्फ, 5 किल्स निकालने के बाद यहाँ पे डोमिनेशन में जाएंगे, लेकिन इस मैच के MVP की बात कर लें तो उसमें आलियान और T24OP कहीं ना कहीं टाई करते हुए नजर आएंगे, दोनों ही प्लेयर्स के पास 7 किल्स रहेंगे। उसके अलावा बाकी की बात कर लें, नंबर सेकंड के ऊपर TNM का स्क्वाड रहता है, इन्होंने भी काफी अच्छा खेला, टॉप 2 के अंदर आएंगे और 3 किल्स भी निकाल के जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लास्ट मैच भी यहां पे खत्म होता हुआ, लेकिन टीम्स की जानिब से जो एग्रेशन दिखाया गया, जो परफॉर्मेंस निकाली गई, वो काफी ज्यादा काबिले दीद रही। और ओवरऑल अगर मैच की बात कर लें तो T24 इस मैच में काफी अच्छा खेलते हैं और ओवरऑल पूरे दिन में काफी अच्छी परफॉर्मेंस जो है टीम 7 की जानिब से निकाली जाती है। उसके अलावा बाकी की जो टीम्स हैं जो टॉप 8 के अंदर अपने आप को लेके आने में कामयाब हुई हैं, उनमें से मोस्टली जो मेजॉरिटी रहती है वो हमारी इमर्जिंग टीम्स की रहती है, जो हमारा न्यू टैलेंट है उनकी रहेगी, जो हमारी मेजर टीम्स ही लाइक बड़ी टीम्स ही जो ऑलरेडी अच्छे स्टेजेस के ऊपर जो है खेल भी चुकी हैं, वो अनफॉर्चुनेटली शायद टॉप 8 के अंदर जगह ना बना पाए, लेकिन इसका जो फाइनल होगा, जो इसके फाइनल चीज़ें रहेंगी वो हमें पता चलेंगी, कल की जो ओवरऑल स्टैंडिंग होगी हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड हो जाएगी। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो लाजमी से जाके K2 Gamer पाकिस्तान को इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, आज के 5 के मैचेस जो है वो यहाँ पे एंड हो जाएंगे, 3 इरेंगल, 1 सैनोक और 1 मेरामार का ये मैप था। और ओवरऑल अगर ज़्यादा चिकन डिनर की बात करें तो टीम ऑल स्टार पहले इरेंगल और तीसरा मैच है उसमें अपने लिए चिकन डिनर स्क्योर करते हैं, और TSF का स्क्वाड लास्ट इरेंगल में जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर ही अपलोड होंगे, आज के दिन में स्ट्रीम के ऊपर नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन कल के दिन हमें ज्वाइन करेगी टीम I8, तो आप लाजमी से सेम टाइम के ऊपर पहुंच जाइएगा, और उसमें इंशाल्लाह हम साथ साथ जो है ना आपको रिजल्ट्स भी दिखाने की कोशिश करेंगे और सारा ही सिनेरियो आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए दे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा से मिलेंगे कल सेम टाइम के ऊपर डिफरेंट लॉबी के साथ, डिफरेंट टीम्स के साथ, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।
You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. When I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. You control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. When I'm your willing victim.